हेलो दोस्तों जय हिंद वेलकम टू ओपन स्टडी स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से मोस्ट अवेटेड सेशन में सर पूरी की पूरी ग्रामर का रिवीजन चाहिए और जो 120 रूल्स का हल्ला चल रहा है वो भी हमें चाहिए तो आज आपसे किए गए एक एक वादे को मैं पूरा कर रहा हूं मेरे दोस्त एक कमिटमेंट मैंने आपसे किया था कि मैं कंप्लीट ग्रामर का रिवीजन आपके सीजल एग्जाम से पहले जरूर प्रोवाइड कराऊंगा जिससे बच्चों का रिवीजन हो जाएगा और साथ के साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके हाथ लगेंगे जिसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में फसेंगे और ये दावे के साथ इसलिए कहता है भाई आपका क्योंकि मैंने जितने भी एग्जामिनेशन से पहले जो सेशन दिए हैं जैसे वो कैबलरी का सेशन अगर मान लो हर एक एग्जाम से पहले मैं वोकैब का सेशन दे रहा हूं आप लोगों को लेकिन ग्रामर के यार क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे कलेक्ट नहीं हो पाते एनालिसिस नहीं हो पाता तो मैंने सोचा कि एक कंपाइलेशन जो है रूल्स का आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और ये क्लास लंबी चलने वाली है मेरे भाई ठीक है तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे पानी वानी की बोतल रख लेना देखते हैं कहां तक चलते हैं कमिटमेंट पूरा होगा 120 रूल्स एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे और रूल्स प्लस क्वेश्चंस दोनों चीज होंगे सुपर फास्ट स्पीड में चलेगी आपको स्पीड बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी अगर कोई रिकॉर्डेड देखता है बाद में तो आराम से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना भाई मेरी तरफ से फुल एंड फाइनल आप लोगों को कोशिश पूरी करूंगा कि एक क्लास में मैं पूरा करा दूं क्योंकि बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे ठीक है कोशिश पूरी रहेगी ठीक है चलो कमिटमेंट जो किया है उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा चलो शुरू करते हैं आज का सेशन और सभी लोग एक एक बार अपनी क्लास को शेयर कर देना भाई और जितने भी मेरे प्यारे भाई बंधु हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर जाइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी ठीक है और लाइक करना तो आपका काम है क्लास के बाद में ऑफलाइन कमेंट आप जरूर करके जाना कि सर आपको क्लास कैसी लगी ठीक है हाँ। चलो तो एक ही वीडियो में एक रूल्स कंप्लीट करेंगे और ग्रामर का पूरा पोर्शन इसमें शायद ही कवर हो पाए देखता हूं कहां तक पहुंचते लेकिन इसमें है बहुत कुछ है तो इसमें कम से कम पांच सौ पूरी की पूरी स्लाइड पिछले पंद्रह दिन से बन रही है तो इसमें लगभग पंद्रह पांच सौ प्लस कॉन्सेप्ट है इस पूरी स्लाइड में लेकिन आज की क्लास में वन ट्वेंटी जो है कॉन्सेप्ट होंगे टॉप मोस्ट हर चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे चलो शुरू करते हैं ठीक है भाई सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा नाउ जो आपका भी फेवरेट होता है और एग्जामिनर का भी फेवरेट होता है और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं मैं पूरे के पूरे नाउन को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम टाइम में मैं सिर्फ आपको वही देना चाहता हूं जिसकी आपको जरूरत है ठीक है सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे शेयर करके जितने भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना ऑफलाइन कॉमेंट करके जरूर जाना लास्ट में और टेलीग्राम चैनल है लिंक आपके कॉमेंट बॉक्स में दे रखा है इसको ज्वाइन कर लेना जहां पर आपको इसकी एक्सपोर्टेड पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी गुरुकुल की जानकारी मैं आप लोगों को सबसे पहले देना चाहूंगा किसी भी मेरे भाई बंधु को सीपीओ मेंस के लिए अगर तैयारी करनी है तो गुरुकुल में रहकर तैयारी कर सकते हैं क्योंकि चांस नहीं ले सकते घर पर बैठ के आप आलस फैलाते हो ठीक है तो गुरुकुल ओपन स्टार्ट जो है ओपन हो चुका है ओपन स्टडी गुरुकुल दिल्ली मुखर्जी नगर की लोकेलिटी में आपको यहां पर सारी की सारी सुविधाएं एक ही जगह पर दी जाती हैं ठीक है आपकी फीस आप के ऊपर ही खर्च की जाती है और एक कस्टडी में रहकर आपको पढ़ाई करने का मौका मिलता है किसी को पेड क्लासेस लेनी है ये सारी की सारी चीजें मैं पहले खत्म कर देता हूं बाद में बीच में आप लोग कमेंट करके ना पूछे कि सर बैच कैसे लें क्या लें क्या नहीं लें ठीक है आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है कॉन्टेक्ट करिए जितना चाहे इंक्वायरी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है पूरी टीम है हमारे पास अब तो बराबर टेंशन मत लेना ठीक है इंग्लिश फाउंडेशन बैच एट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं किसी को भी फाउंडेशन क्लास लेनी है रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है सब कुछ अवेलेबल है मेरे भाई चलिए शुरू करते हैं यहां से अपनी कहानी नाउन टॉपिक का पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से ये जो रूल नंबर वन है ये कोई एक्चुअल रूल नहीं है एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है ये एक बेसिक पार्ट है नाउन और एडजेक्टिव टॉपिक के बीच के डिफ्रेंसिएशन को समझने के लिए मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम पढ़ पाऊंगा जो कॉम्प्लीमेशन है या फिर जो आ, जो आपके कॉमेंट्स हैं उनको मैं ओवरव्यू कर लूंगा रीड करके आंसर या रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो आप आराम से पढ़ते रहें और है ना चलो तो पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसको कह सकते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स इसी, चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई वर्ड लिखा है तो हमें यह नहीं पता चलता सबसे पहला आपका डाउट यह रहता है कि सर ये वर्ड एडजेक्टिव है या नाउन है हमें पता नहीं है मतलब कई बार तो एक भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी नहीं होती स्टूडेंट्स को तो मैं आपको बता दूं अगर आप नाउन या एडजेक्टिव इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो तो आपके लिए एक

एम ई एन टी वाला क्या होता है नाउन होता है ई एनसी वाई वाला क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा मैं आपको पढ़ा नहीं रहा मैं आपको याद दिला रहा हूं पढ़ा तो मैं हर एक चीज चुका हूं ऑलरेडी और अगर आपको पढ़ना ही है तो फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ना या फिर लेंथी क्लासेस जो आप लोगों की लंबी चलने वाली है पांच से छह महीने वो उन उन क्लासेस में पढ़ना ये जो क्लास है ये मास्टर क्लास है तो मैं जितना हो हो सकेगा मेरे से मैं उतना चीजों को स्किप करते हुए चलूंगा स्किप मतलब शॉर्ट करते हुए सिर्फ समझाते हुए आपको याद दिलाते हो ठीक है चलो ऐसी ग्रेविटी है आई टी वाई देखो आईटीवाई लगा हुआ आई टी वाई हो गया ठीक है हो 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 गया एंस हो गया 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 देखो वाला नाउन हो गया, तो सारे सारे के सारे नाउन हो जाएंगे मतलब आप इस तरह से इनके का सर ये पहले क्यों बता दिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है आने वाले दो तीन चैप्टर्स में एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर नाउन टॉपिक के अंदर एडवर्ब टॉपिक के अंदर सारे के सारे टॉपिक के अंदर आपको फॉलो होंगे यूज होंगे तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं अच्छा यहां पर देखो एम ई एन टी होता तो नाउन है लेकिन सिर्फ ई एन टी है तो आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव अगर यहां पर एम ई एन टी होता तो क्या हो जाता नाउन ऐसे ई एन सी वाला क्या हो जाएगा नाउन ठीक है एडजेक्टिव ये आपका नाउन एडजेक्टिव ऐसे करके पहचान लोगे ये आपका नाउन ये आपका नाउन तो ये छोटा सा पार्ट था आगे बढ़ जाते हैं मुझे ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है क्योंकि देखो भाई कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं और टाइम हमारे पास उतना ही है ठीक है लिमिटेड चलो तो ये छोटी सी चीज आपको क्लियर हो गई होगी अब आ जाते हैं सेकंड नंबर के कॉन्सेप्ट मतलब ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है मतलब काम आएगा बाकी के जो हैं उनके आप बोल सकते हो उस पहले वाले को लेकिन हर चीज की शुरुआत जो है बेसिक से होती है अब मैं आपको ये तो नहीं पढ़ाने वाला आज की क्लास में कि नाउन क्या होता है नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड टोटल ओवरऑल ग्रामर में से कुछ ऐसे सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं और जिनसे आप सीधा सीधा फायदा ले सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा ठीक है पर कुछ नाउन लिखे हुए हैं इस तरह के नाउंस को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल नाउंस क्या कहते हैं न्यूमेरिकल नाउंस भी बोल सकते हैं न्यूमरल नाउंस भी बोल सकते हो ठीक है यानी कि ये जितने भी नाउ लिखे हैं ये अपने आप में एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बता कंप्लीट एक जो है कलेक्शन ऑफ नंबर्स को बताते हैं मतलब अगर आपने एक वर्ड बोल दिया तो इसमें कई सारे नंबर इंक्लूडेड हैं जैसे मैंने कहा पेयर तो पेयर का मतलब है कि इसमें दो कैंडिडेट इंक्लूडेड हैं अगर आपने स्कोर बोल दिया तो ट्वेंटी इंक्लूडेड है अगर आपने डजन बोल दिया तो बारह इंक्लूडेड है अगर आपने ग्रॉस बोल दिया वन इंक्लूडेड है अगर आपने हंड्रेड बोला है तो सौ आपको पता है इसके आगे तो आपको सारा पता है ठीक है ये मिलियन बिलियन लैक वैग सारे होते हैं लेकिन कुछ लोगों को स्कोर और ग्रोस के बारे में नहीं पता होता ये आपको पता चल गया अब आ जाते हैं कि इनका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप इसको इंपॉर्टेंट टिक करोगे आप इसको क्या कर लोगे मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट टिक करोगे और आगे बढ़ोगे इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि अगर इनमें से कोई भी एक नाउन है और सेंटेंस में यूज किया जा रहा है और उससे पहले अगर कोई नंबर नहीं दिया है नंबर जानते हो कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर जानते हो क्या होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये इनको कार्डिनल नंबर कहते हैं ठीक है थीके? अगर इन वर्ड्स में से या इन नाउन में से कोई भी एक नाउन सेंटेंस के अंदर यूज किया गया और उनसे पहले कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं है या फिर उनसे पहले कोई कार्डिनल नंबर दे रखा है तो इनको आप प्लुरल फॉर्म में यूज करोगे कि नहीं अगर करोगे तो कब करोगे और नहीं करोगे तो कब नहीं करोगे ध्यान से सुनना मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इसका तभी क्लियर होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिख दिया थाउजेंड ऑफ पीपल विजिट द विजिट द नहीं है इसको सही कर लेना ठीक है हा विजिट द नहीं करोगे क्या करोगे विजिट दिस एरिया यहां पर लिख ले लेना ले विजिट दिस एरिया विजिट दिस एरिया पर डे मतलब इस एरिया को हजारों की संख्या में लोग डेली विजिट करते हैं ठीक है तो आपने क्या किया इस सेंटेंस को देखा और आपने तुरंत चेक किया कि ये थाउजेंड जो हैल नाउन है ठीक है न्यूमारिकल नाउन है इससे पहले कोई नंबर नहीं लिखा अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो आप इसको प्लुरल में यूज करोगे और अगर इससे पहले नंबर लिखा होता है जैसे कि टू लिखा है थ्री लिखा है फोर लिखा है फाइव लिखा है तो आप इसको प्लुरल में यूज नहीं करोगे अच्छा ये मुझे पढ़ाना क्यों पड़ रहा है क्योंकि भाई जनरल नाउस के साथ ऐसा नहीं करते हैं अगर किसी ने ऐसे बोल दिया टू प्लस बॉय तो ये गलत हो जाएगा ये गलत हो गया आपको टू बॉयज लिखना पड़ेगा बाकी के नाउस के साथ ऐसा नहीं करते हैं स्पेशल केस हुआ तभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं अगर यहीं पर टू पेयर्स लिख दोगे क्या लिख दोगे टू पेयर्स लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा टू पेयर आर यह बात समझ में हाँ, अगर पेयर्स लिखना है तो कैसे लिखोगे इससे पहले टू हटा दो पेयर्स ऑफ लिख दो ठीक है समझ पा रहे मेरी बात तो वही चीज मैंने यहां पर जो है समझाने की कोशिश की है कि अगर इनमें से कोई भी एक नाउन है और उससे पहले कोई नंबर नहीं है तो आप इनका प्लुरल फॉर्म बना सकते हो और अगर इनसे पहले कोई भी नंबर दे रखा है जैसे वन टू थ्री फोर या कुछ भी तो आप इनका कभी भी प्लुरल फॉर्म

इनडेफिनेट नंबर को मतलब हजारों की संख्या में लोग आते हैं हो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अच्छा यहां से शुरू करते हैं नाउन की असली कहानी ठीक है हाँ यहां से शुरू करते हैं नाउन की एक बेहतरीन सी कहानी देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं मेरे दोस्त जिनका प्लुरल बनता ही नहीं है कुछ नाउन ऐसे हैं ये नाउन नंबर का पार्ट याद रखना कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लुरल फॉर्म नहीं बनता क्यों नहीं बनता क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते अगर हम किसी नाउन को गिन नहीं सकते तो उसका प्लुरल कैसे बना सकते हैं लेकिन कई बार हम उस वर्ड के अंदर एस लगा हुआ देखते हैं और हम लोगों को शुरू से ही यही पता होता है कि अगर किसी नाउन में एस लग गया यानी कि उसका प्लुरल फॉर्म हो गया लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है कि हर नाउन में एस लग जाए और वो प्लुरल फॉर्म हो जाए ऐसा हमेशा तो नहीं होता हर एक नाउन में एस लग जाए वो प्लुरल होगा ये जरूरी नहीं है लेकिन हर एक नाउन में एस लग जाए और वो गलत ना हो ऐसा पॉसिबल है ऐसा नहीं है कि किसी भी नाउन में आपने एस लगा दिया तो वो गलत ही होगा या अनकाउंटेबल नाउन में एस लगा दिया तो वो गलत होगा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन वो प्लुरल नहीं होगा ये सत्य है ठीक है तो हमने देखा कि यहां पर जो पेन है इसमें हमने पेन्स लगा दिया तो कुछ लोगों को लगता है कि पेन में पेन मतलब क्या होता है दर्द होता है चलो छोड़ो इसको बाद में देखेंगे पहले इधर आ जाते है। जैसे ले ले हैं जैसे मान लो वाटर ले लेते हैं कहा येरा वाटर जो है इसका मतलब क्या होता है पानी होता है अब मान लो किसी ने वाटर में वॉटर एस लगा दिया तो वो सोच रहा है कि यार ये तो पागल हो गया है आदमी वाटर में तो कभी एस लगता ही नहीं है क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है लेकिन ऐसा किसने सिखाया आपको कि भाई अनकाउंटेबल में एस नहीं लगता ये सिखाया होगा कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल फॉर्म नहीं बनता और यह सत्य है हमने यहां पर वाटर में एस लगा कि इसका प्लुरल नहीं बनाया है बल्कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी एस लगा होता है इसलिए नहीं कि वो प्लुरल है इसलिए कि उनका मीनिंग कुछ और है ठीक है तो ऐसे ऐसे नाउन की जानकारी आपके पास होनी चाहिए जिनमें एस लगाते ही उनका मीनिंग बदल जाता है और वो गलत नहीं होते हैं बस उनका मीनिंग बदलता है ठीक है गलत नहीं होते हर चीज गलत नहीं होती तो वही चीज मैंने यहां पर सिखाई देखो पेन का मतलब होता है दर्द ठीक है और पेन में अगर आप एस लगा देते तो प्लुरल फॉर्म नहीं है दोनों ही सिंगुलर है दोनों ही क्या है सिंगुलर है और दोनों का मीनिंग अलग अलग है अगर पेन लिखोगे अकेला तो इसका मतलब दर्द है और पेन्स लिखोगे तो इसका मतलब होता है स्ट्रगल क्या मतलब होता है स्ट्रगल यानी कि संघर्ष ठीक है तो यहां पर जो लिखा हुआ ना ही टेक्स टेक्स पेन पेन ही ओवर हिज वर्क उसने अपने काम के लिए बहुत सारे दर्द लिए हैं कि बहुत सारे संघर्ष किए हैं बोलते हैं कि यार ये बंदा तो इंस्पेक्टर बन गया इस व्यक्ति ने तो ये कर लिया उस व्यक्ति ने अरे भाई उसने जो कुछ भी किया है उसके पीछे बहुत सारे पेन्स हैं पेन्स है मतलब दर्द नहीं है पेन्स है मतलब स्ट्रगल है तो यहां पर स्ट्रगल भी नाउन अनकाउंटेबल ही है फिलहाल आपको पेन की जगह क्या करना पड़ेगा पेन्स और ये एक्चुअल क्वेश्चन है जितने भी एग्जाम्पल आपको यहां पर दिखेंगे ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए एग्जाम्पल्स होंगे ठीक है तो यहां पर आपने देखा पेन्स लगा दिया ठीक है भैया बी वाले पार्ट में गलती आंसर तो ये हो गया ऐसे ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है कुछ वर्ग और नाउन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे यहां पर देखो एडवाइस और एडवाइस लिखा हुआ है ठीक है तो इस सारे के सारे नाउन आपको रटे होने चाहिए एग्जाम में इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है फिजिक्स का मतलब होता है दवाइयां और फिजिक्स जो होती है साइंस होती है ठीक है जिसमें भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ाई होती है एडवाइस जिसमें सी लगा होता है ये नाउन होता है जिसका मतलब सलाह होता है जिसमें एस लगा होता है वो सलाह देना यानी कि एक्शन की तरह काम करता है वर्ग की तरह अगर आप सिर्फ गुड लिखोगे तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है अच्छा और अगर गुड्स लिखोगे इसका मतलब होता है सामान ये आपका नाउन बन जाता है ठीक है मेरे भाई अच्छा फिजिक कुछ लोग सोचते हैं कि सर आ, उस व्यक्ति की फिजिक बहुत अच्छी है तो आपने तो फिजिक को दवाइयाँ बताया है ये कौन सा फिजिक होता है ये वो वाला फिजिक होता है जब आप हॉस्पिटल में जाते हो किसी स्पेशलिस्ट के पास ठीक है ना और वो स्पेशलिस्ट वहां पर नहीं होता है फिर बोलते हैं कि हमारे एक जनरल फिजिशियन बैठे हैं तो जनरल फिजिशियन मतलब वो व्यक्ति ऐसा है जिसको दवाइयों की नॉलेज है कि कौन सी दवाई, किस काम आती है। उसको वो ना दूसरा होता है उसमें ठीक है ये शरीर होता है, -E है, है बॉडी किसी का फिजिक अच्छा है किसी का शरीर अच्छा है तो ऐसे करके नहीं बोल देते हैं ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जैसे लकड़ी है वुड और अगर वुड में आपने ऐसा लगा दिया तो जंगल हो जाएगा ठीक है है पीपल मतलब होता है, लोग और पीपल्स होते हैं कम्युनिटी पूरे की पूरी एक टाइप ऑफ कम्युनिटी ठीक है राष्ट्र जिसको बोलते हैं देश वाटर में अगर आपने एस लगा दिया तो पानी से पानिया नहीं कर दोगे पानी से समुद्र बन जाएगा आयरन मींस होता है लोहा लेकिन आयरन्स मींस होता है हथकड़ी ठीक है क्वार्टर मतलब होता है पौआ क्वार्टर जानते हो ना दारू का वो वाला और एक क्वार्टर होता है जो आपको जॉब के बाद मिलते हैं ठीक है सरकारी क्वार्टर वो वाला क्वार्टर होता है सेंड मतलब होता है रेत और सेंड्स मतलब होता है रेगिस्तान ठीक है हाँ ऐसे ही ग्रीन का मतलब होता है हरा लेकिन कर देते हो तो इसका मतलब हो जाता है तरकारी सब्जियां ठीक है ऐसे ही वर्क अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब होता है कार्य और अगर आपने वर्क में ऐसा लगा दिया तो ये हो जाते हैं पोएम्स जो रचनाएं कवि लिखते हैं ना कृतियां जिनको हिंदी में बोला जाता है फ्रूट का मतलब होता है फल और फ्रूट्स मतलब होता है परिणाम रिजल्ट और अगर यहां पर फ्रूट्स आप फल के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो गलत नहीं होगा ये भी फल होते हैं खाने वाले बट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स अलग 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 तरह के अगर फ्रूट की बात करोगे तो आप फ्रूट्स भी बोल सकते हो जैसे अगर आपने दस एप्पल को अगर फ्रूट बोलना चाहते हैं तो फ्रूट्स नहीं बोल सकते सिर्फ फ्रूट बोलोगे और अगर आप एप्पल बनाना और बाकी की चार पांच चीजों को मिला के बोलना चाहते हैं तो भले तीन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप फ्रूट्स बोलोगे क्लियर है अगर आप इसको भी डीपली समझना चाहते हो तो पूरी की पूरी छह घंटे की क्लास में मैं मात्र आपको पचास कॉन्सेप्ट सिखा पाऊंगा और अगर आप चाहते हैं कि सर बिना थके जल्दी से जल्दी 120 सौ बीस कॉन्सेप्ट सिखा दें तो बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं ठीक है ऐसी अब्यूज मतलब होता है गालियां और अब मतलब होता है बुराइयां क्रिटिसाइज ठीक है ऐसे करके चलो ये रूल नंबर थर्ड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और जब मैं आप लोगों की जब क्लास खत्म होगी तो क्लास खत्म होते ही आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर इस पूरे के पूरे सेशन की क्या कर दूंगा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें से आप पीडीएफ के थ्रू क्विक रिवीजन कर सकते हैं आधे घंटे में पूरी की पूरी पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हो ठीक है तो बहुत ज्यादा आप चीजों के अंदर मत घुसना ठीक है जो भी आ रहा है उसका वेलकम करो अब चौथा कॉन्सेप्ट आ गया भैया कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ क्या कहता है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लुरल होंगे क्योंकि हमको शुरुआत में ही सिखा दिया जाता है स्कूल में कि ऐसा नाउन जिसमें एस, एस या एस लगा है वही प्लुरल होता है यही चीज हमें धोखा दे जाती है सम नाउन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में कैसे लगते हैं प्लुरल बट यूज होते हैं सिंगुलर में अब देखने में प्लुरल कैसे लगते हैं जिसमें एस लगा होता है ठीक है कुछ नाउन देखने में प्लुरल लगते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर रूप में यूज होते हैं ठीक है हाँ तो जैसे कि यहां पर न्यूज देखा न्यूज में एस लगाए तो हमें लगता है कि ये प्लूरल लेकिन ऐसा तो नहीं है ना न्यूज एक सिंगलर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा ठीक है भाई हाँ चलिए और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आप इसको इंपॉर्टेंट टिक करोगे ठीक है मेरे दोस्त हां इंपॉर्टेंट टिक करोगे चलिए अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है देखो न्यूज है इनिंग्स है फिजिक्स है सोवंस है यूनाइटेड स्टेट्स है मीजलेस है अरेबियन नाइट्स है लिंग्विस्टिक्स है और बिलियार्ड्स है बिलियार्ड्स भी लिख लेना इसमें ठीक है हाँ बिलियार्ड्स क्या होता है सर गेम होता है बिलियार्ड्स एक गेम का नाम है ऐसे ही जैसे अरेबियन नाइट्स है ये क्या है किताब का नाम है ऐसे एक वो है हाँ गोलिबर्स ट्रेवल्स ऐसे करके ये सारे के सारे ऐसे नाउन है जिनके अंदर ऑलरेडी एक एस फिट है इसको आप हटा नहीं सकते जैसे मान लो किसी का नाम सुरेश है अब सुरेश में मान लो एस लगा हो लास्ट में वैसे तो सुरेश में एस एच आता है लेकिन मान लो कोई ऐसा नाम है जिसमें लास्ट में एस आ रहा है तो क्या आप ये कहोगे कि सुरेशों आए हैं आज हमारे घर भाई सुरेश एक ही व्यक्ति है उसके नाम में एस लगाए तो हमारी गलती थोड़े ना है। तो ऐसे न्यूज के नाम में ऑलरेडी एस एग्जिस्ट होता है ऐसी इनिंग्स बोलते हैं इनिंग नहीं बोलते हैं आप लोग गलत बोलते हो कि फर्स्ट इनिंग जीत गई सेकेंड इनिंग बाकी है नहीं फर्स्ट इनिंग्स बोलते हैं ठीक है सेकंड इनिंग्स बोलते हैं इनिंग मत बोला करो तो ये ऐसे नाउन है जिनके अंदर एस ऑलरेडी लगा होता है ठीक चलो और ये सिंगुलर होते हैं कैसे होते हैं सारे के सारे नाउन सिंगुलर होते हैं अब ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो नाउन प्लस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉमन कॉन्सेप्ट ठीक है इनके साथ में अगर आपको कभी वर्ब लगानी हो तो कैसे लगाओगे सिंगुलर कहने का मतलब ये सिंटेक्स का भी क्वेश्चन हो गया हो गया और ये आपका नाउन का भी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर है इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जैसे यहां पर देखोगे अरेबियन अरेबियन नाइट्स नाइट्स इज इज ऑब्लिक ऑब्लिक आर आर एन इंटरेस्टिंग बुक ये एक इंटरेस्टिंग किताब है तो कितनी किताबें हैं एक किताब है ये क्या चीज है ये किताब का नाम है तो यहां पर इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए सेम ऐसे ही नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है टू समझ कोट यहां पर आपने देखा कि ये जो संबंध है ना पहले तो ये बताओ संबंध सिंगुलर है क्या कम किस-किस को नजर आ रही है भाई ये बताओ किस किस को लग रहा है कि मेरी वॉइस कम है एक बात बताना सभी लोग मुझे सिर्फ एक कॉमेंट दिख रहा है कि वॉइस स्लो है कितने लोगों को लग रहा है कि वॉइस कम है मुझे फटाफट से कॉमेंट करो अभी बताओ जल्दी से समंस जो है वो सिंगुलर नाउन है और उससे पहले उसने टू लगा दिया तो कायदा कहता है कि या तो उससे पहले टू नहीं लगा होना चाहिए था और अगर लगा भी दिया है तो सम्बंस का प्लुरल होना चाहिए क्योंकि टू के बाद तो प्लुरल नाउन आना चाहिए हाँ पार्टी ऑल नाइट होगी आज भाई फुल नाइट पार्टी होने वाली है क्लियर हाँ आवाज क्लियर है चलो बहुत बढ़िया वॉइस अपनी तरफ से इंक्रीज करो आपके फोन ऑन में तो नहीं बंद है चेक करना हाँ वॉइस ठीक है ओके अब आ जाते हैं इधर संबंध को या तो प्लुरल करो या फिर यहां से टू हटाओ और यहां पर सिंगुलर वर्ब लगाओ अब यहां पर भी सिंगुलर वर्ब लगी हुई है यहां पर टू लिखा हुआ है तो टू को नहीं हटाएंगे क्योंकि नाउन नाउन में चेंज इसलिए कर रहे हैं कि भाई उससे पहले नंबर लिखा हुआ है जब दो संबंध आए हैं तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा इसको प्लुरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा सम्बंस करना पड़ेगा मेरे दो समझ गए वरना तो क्वेश्चन गलत हो जाना है तो सिंपल सी कहानी है यहाँ पर जो वर्ब प्लुरल लगी हुई है ये तो चलेगी ही यहाँ पर बस संवंस में ये एक्स्टा लगाना है कुछ लोगों को सुनने में सही लगता है कि भैया टू लगा हुआ है लेकिन हो जाएगा मामला समझ पा रहे हो तो यहां पर करना पड़ेगा। ए वाले पार्ट में गलती है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर चलो अब आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर फिफ्थ ये क्या कह रहा है भैया जवाब दो सभी लोग एक काम करो सभी लोग एक काम करो आज ना पूरी रात पार्टी होगी ठीक है अब से हमने क्लास शुरू करी है क्लास चलेगी रात के एक से दो तीन बजे तक ठीक है और जितने भी मेरे भाई बंधु यहां पर जुड़े हैं ना अगर थोड़ी बहुत भी आप इज्जत करते हो चैनल की और इस क्लास की और इंग्लिश की और मेरी थोड़ी बहुत तो यार शेयर मार दो सारे बच्चों को बुला लो जितने भी दोस्त आपके साथ जुड़े हुए हैं सबको बुला लो ठीक है हाँ ये कॉन्सेप्ट नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लुरल होते हैं लेकिन यूज सिंगुलर में होते हैं यह कह रहा है कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं मतलब लुक सिंगुलर दिखते सिंगुलर है बट यूज कैसे होते हैं भैया प्लूरल में दिखते सिंगुलर है यूज होते हैं प्लूरल में मतलब मैन जैसे कि एमियन देखने में सिंगुलर एस नहीं लगा फिर भी प्लूरल है वुमेन हो गया चिल्ड्रन हो गया आर्मी हो गया पुलिस हो गया पीपल हो गया यहां तक तो हमें याद होते हैं यहां तक तो हमें कोई दिक्कत होती ही नहीं असल में दिक्कत शुरू होती है यहां से ऐसे नाउन मिल जाते हैं जो हमने पहले कभी सुने ही नहीं होते सर ये जेंट्री क्या होता है पीजेंट्री क्या होता है इन्फेंट्री क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्लैरिजी क्या होता है कैटल क्या होता है अच्छा कैटल का तो इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया मैंने एग्जाम्पल भी यही डाल दिया है जरा एक बार चेक कर लेते हैं पहले एग्जाम्पल आपने देखा कैटल्स लिखा हुआ है और नीचे कैटल लिखा हुआ है अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कैटल कैटल क्या है कुछ नाउन ऐसे होते हैं देखने में सिंगुलर है दिख सिंगुलर है मतलब दिख सिंगुलर रहे लेकिन एक्चुअली ऐसे ही प्लुरल है मतलब कैटल ऑलरेडी अपने में प्लूरल है, है. सारे के सारे नाउन जितने भी मैंने यहां पर लिखा है सारे के सारे कैसे है ऑल सारे सारे नाउन आर प्लुरल ये सारे के सारे नाउन कैसे हैं भैया प्लुरल नाउन है अच्छा जब ये प्लुरल नाउन है तो इनको आप दोबारा से प्लुरल फॉर्म में यूज कर सकते हो क्या क्या आर्मीज कर सकते हो क्या जेंट्रीज कर सकते हो पिजेंट्रीज कर सकते हो नहीं कर सकते इसने कैटल्स कैसे कर दिया पहली चीज तो ये गलत हो गई ठीक है हाँ यहां पर आर लगा हुआ है, ये ठीक है कैटल का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं कैटल का मतलब होता है मवेशी मवेशी जानते हो कौन होते हैं जो हमारे पालतू जानवर होते हैं ना ठीक है गाय भैंस बकरी भेड़ ये सब इनको कैटल कहा जाता है इन्फेंट्री होती है पैदल सेना आर्मी वाले जवान वीर वीर सैनिक जो होते हैं थल सेना जिसको कहा जाता है पोल्ट्री और कैबलरी कैबलरी होता है अश्व सेना, पोल्ट्री जानते हो मुर्गी पालन होता है मुर्गी फार्म देगा होगा आपने क्लैरजी क्लैरिजी होता है पादरियों का समूह जो आपके चर्च में फादर मिलते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको क्लैरजी कहा जाता है पीजेंट्री होता है किसान वर्ग किसानों का समूह जेंट्री क्या होता है सज्जन लोगों का समूह ठीक है पीपल तो आप जानते हैं नॉर्मल सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने हैं मीनिंग मैं सिर्फ ओरली बताऊंगा क्योंकि लिखने में जाएगा समय और सबसे ज्यादा कमी अगर हमारे पास है इस टाइम पे तो किस चीज की है बता दो कमेंट बॉक्स में फटाफट से फाउंडेशन कोर्स ये रहा ऊपर मिल जाएगा चलो इसके एग्जाम्पल देख लो अब एक एक्चुअल क्वेश्चन देख लो इसी टॉपिक का इसी कॉन्सेप्ट का द कैटल इन द मिडो मिडो होता है घास का मैदान जहां पर कैटल चरते हैं ठीक है ठीके? ग्राजिंग समझ गए तो नीचे वाला सेंटेंस तो एकदम सही है ऊपर वाला गलत था कैटल इन द मिडो वॉज क्या जब यहां पर सारे के सारे नाउन सिंगुलर है ऊपर क्या लिख दिया मैंने प्लूरल लिख दिया तो इनके साथ अगर आपको वर्ब लगानी हो तो कैसी लगाओगे सारे के सारे नाउन के साथ वर्ब कैसी लिखोगे प्लुरल फॉर्म में लिखोगे ठीक है कैसी लिखोगे मेरे भाई प्लुरल फॉर्म में लिखोगे यस yes सोनो no? शाबाश <coughs> हम्म चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अब आ गया अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स इसको भी समझ लेते हैं सम नाउंस अभी इससे पहले हमने देखा कि देखने में प्लुरल यूज होते हैं सिंगुलर देखने में सिंगुलर यूज होते हैं प्लुरल इस बार दिखते भी प्लुरल हैं और यूज भी प्लुरल में होते हैं. कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो दिखते भी प्लुरल हैं और यूज भी प्लुरल में होंगे कैसे देख लेते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से टेक करो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है ये मास्टर कॉन्सेप्ट की क्लास है मेरे भाई अगर आप ये क्लास देख के जाते हो ना 80 परसेंट चांसेस है कि सारे के सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपके इन ट्वेंटी कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे देखो आर्म्स सीजर्स वेजेस ऑस्पेसिज वे वेयर अबाउट ठीक है पैंट्स हो गया टोंग हो गया ट्राउजर्स हो गया वेजिटेबल्स सॉक्स शॉर्ट हो गया थैंक्स हो गया सराउंडिंग्स हो गया सनग्लासेस हो गया आई ग्लासेस हो गया बाइनोकुलर्स फैटर्स गोगल्स और आपके congratulations, ये ऐसे नाउन है जिनमें सब में एस लगा हुआ है देख रहे हो सब में एस लगा हुआ है और जिसमें एस लगा होता है वो प्लुरल होता है ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और फिर भी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो शर्म की बात हो जाएगी भैया तो ये नहीं गलत होना चाहिए सब में एस लगा है इसका मतलब प्लुरल फॉर्म में अब ये एस की वजह से प्लुरल नहीं हो रहा समझो जरा ये एस की वजह से प्लुरल नहीं हो रहा सारे के सारे नाउन में एस लगा क्यों है पहले तो इसे समझो जैसे मैंने कहा कि पैंट इसी को ले लेते हैं पैंट का मतलब क्या होता है पैंट का मतलब होता है ये सिर्फ एक टांग। कभी भी आप जब घर से बाहर निकलते हो तो एक टांग का पैंट कभी पहन के जाते हो नहीं भाई इसके अंदर दो टांग होती हैं। ठीक है ऐसे करके तो जब दो टांगे होंगी तो उसको पैंट नहीं कहोगे पैंट मीन होता है एक पजामा एक पैर और पैंट अगर दो पहन के जाओगे तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा पैंट में एस लगाना पड़ेगा करना पड़ेगा करना तो गलती से भी अगर आपने मम्मी मम्मी से ही पूछ लिया वेयर इज पेंट और गलती से मम्मी ने यही क्लास इसी जगह पर देख ली ऐसे फोन उठा के और उनको पता चल गया कि भैया पेंट नहीं होता पेंट होता है और इसके साथ प्लुरल वर्ब आती है आर या वर जो भी होगा तो मम्मी वहीं पर आपके गाल पे तमाचा लगा देंगी कहेंगी बेटा तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कहां से कर रहे हो सही जगह से नहीं कर रहे क्योंकि मैंने आज एक क्लास देगी इसको पैंट नहीं कहा जाता इसको कहा जाता है ठीक है तो भाई पैंट कभी मत मांग लेना मम्मी से वरना पिटोगे पेंट कहा करो और पैंट के साथ पैंट के साथ में प्लुरल वर्ब लगाओगे ठीक है क्यों उसका एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो टांग होती है ऐसे जितने भी नाउन होते हैं ना जिसमें दो पीस होते हैं जैसे चश्मा है चश्मा कभी एक ग्लास वाला देखा है नहीं देखा होगा जितने भी चश्मे होते हैं सब प्लूरल होते हैं चाहे स्पेक्टिकल्स बोलो चाहे सनग्लासेस बोलो चाहे आई ग्लासेस बोलो चाहे बाइनोकुलर दूरबीन जो होती है ठीक है पैटर्स हथकड़ी होती है गॉगल्स आई वो जो जो धूप वाले वाले चश्मे रुपए के मिलते हैं ना वो वाले कॉन्ग्रेचुलेसन तो आप जानते हो बधाइया बधाइया पैंट्स में दो टांगे होती हैं टोंग होता है चिमटा ये वाला ठीक है चिमटा तो ये इसको भी इसमें भी दो टांगे होती हैं ट्राउजर पजामा ठीक है अच्छा सॉक्स में दो होते हैं शॉर्ट्स में दो होते हैं थैंक्स नहीं इधर आ जाते हैं इधर और कुछ है सीजर्स में देखो सीजर्स में भी दो पीस होते हैं दो मतलब पीस होते हैं तो ये तो हो गए वो वाले नाउन जिसमें दो दो पीस होते हैं ठीक है बाकी के जितने भी नाउन है उनको आप अलग तरीके से याद रख लेना जितने भी नाउन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे प्लुरल है ठीक है हाँ तो ये ऐसे नाउन है जो सारे के सारे प्लुरल फॉर्म में यूज होंगे अच्छा नीचे बताओ वेजिटेबल्स इज आना चाहिए आर आना चाहिए मैंने कहा यहां पर सब्जियां बेची जाती हैं तो वेजिटेबल्स इज सोल्ड सोल्डियर या आर सोल्ड कौन बताएगा फटाफट से बताओ सभी लोग सेशन को लाइक करके जितने भी मेरे प्यारे भाई बंधु नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे उनको बताओगे कि भैया 120 रूल्स वाली क्लासेस देख लो एक क्लास से आपका पूरा का पूरा उद्धार हो सकता है एग्जाम से पहले जरूर देख के जाए ठीक है और ये मोस्ट डिमांडिंग जो है क्लास है और इससे पहले भी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स जितने भी एग्जाम से पहले क्लासेस कराई हैं इनकी एक्यूरेसी एकदम सटीक रही है सबसे बढ़िया बात यह है इसी चीज का बस कॉन्फिडेंस है ठीक है कुछ लोग इसको घमंड भी कह देते हैं कुछ लोग इसको कॉन्फिडेंस भी कह देते हैं हम लोग इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं समझदार हैं किसी में बुद्धि कम होती है वो अपने हिसाब से अपनी बातों को लेता है ठीक है दूसरी चीज एक और बात ध्यान रखना जैसे हमने इससे पहले एनालिसिस दिया जितने भी हमने एग्जाम से पहले क्लासेस कराई वो कैबुलरी की नाइनटी की एक्यूरेसी के साथ उन्नीस छह सात क्लासेस से वो कैबुलरी पूछी गई है और क्या चाहिए आपको बताओ कंटेंट पर काम कर रहे हैं ना हम लोग भाई है ना तो जब कंटेंट पे काम किया जाएगा तो भाई साहब चीजें सुधरेंगी चलो यहां पर आपने बता दिया कि सर यहां पर आर आना चाहिए क्योंकि ये में यूज़ हो रहा है बाकी की चीजें आपको पता चल गई चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेवन क्या कह रहा है एक बात का थोड़ा सा मैं यहां पर डिस्कस करा देता हूं एक तो आपका नाउन होता है काउंटेबल ठीक है अब काउंटेबल नाउन क्या होता है सर जिसको आप काउंट कर सको और एक होता है अनकाउंटेबल दो तरह के नाउन होते हैं ठीक है अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है ये आपका प्लूरल भी हो सकता है ये डिपेंड करता है कि ये किस नंबर में यूज किया गया अगर आप इसको सिंगल नंबर में यूज करते हो अकेला तो भाई साहब ये हो जाएगा आपका सिंगुलर ठीक है अगर आप इसको एक से ज्यादा नंबर में लिख देते हो तो ये हो जाता है प्लुरल क्लियर है अच्छा जैसे ही अगर आप बोलते हो कि अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही हो तो अनकाउंटेबल नाउन को हम गिनी नहीं सकते ठीक है अनकाउंटेबल नाउन को हम गिनी नहीं गिनी नहीं सकते अब जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते वो प्लुरल फॉर्म में यूज हो नहीं सकता तो ये हमेशा ही आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा ये हमेशा ही आपका कैसे होगा मेरे प्यारे साथियों सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा हमेशा और इसके साथ में इसीलिए जो वर्ब होती है वो भी आपको क्या लगानी होती है सिंगुलर अब आ जाते हैं एक और मास्टर कॉन्सेप्ट जो कि अनकाउंटेबल नाउ से ही कनेक्टेड है वो मैं यहां पर बता देता हूं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि भाई अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं तो यहां पर आपने देखा सम नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल नाउसो सो डोंट यूज एस ऑब्लिक एस ऑब्लिक प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट नाउन उस नाउन का प्लुरल बनाने के लिए आपको उसमें एस एस एड नहीं करना क्यों क्योंकि वह अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा और यह चीज तो मैंने आपको बता दी अगर हम बात करें ए एन मैनी फ्यू सेवरल ठीक है सेवरल ये कुछ ऐसे ना आ, डिटर्मिनर्स होते हैं कुछ ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं यानी कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन को ही डिनोट करेंगे काउंटेबल नाउन को ही डिटरमाइन करेंगे सो so, नेवर कभी नहीं मतलब कभी भी आपको अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन मैनी फ्यू सेवरल ये सब यूज नहीं करना है क्यों क्योंकि ये काउंटेबल नाउस के लिए आते हैं अनकाउंटेबल नाउस के लिए बिल्कुल नहीं आते एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर में यूज होंगे जस्ट बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल नाउ सो डोंट यूज एस ऑब्लिक ये विद दीज नाउंस एंड ए एंड मैनी फ्यू सेवरल इज नॉट यूज बिफोर दीज नाउन इन नाउन से पहले आपको ए एंड मैनी सब नहीं लगाना है समझ गए मेरी बात अगर आप लोग समझ गए तो अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पर जो नीचे नोट पॉइंट करके सिंपली अगर आप वन लाइन में मतलब एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हैं इस पूरे के पूरे पैटर्न को तो आप कह सकते हैं कि भैया बिल्कुल भी प्लुरल फॉर्म नहीं बन सकती है एक अनकाउंटेबल नाउन की ठीक है अगर इस तरह का नाउन कभी भी आपको देखने को मिलता है तो आप इसका प्लुरल फॉर्म नहीं बनाओगे ठीक है अच्छा कौन कौन से ऐसे नाउन होते हैं ये तो होते हैं इनके अलावा भी बहुत सारे नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं इसके ऊपर सबसे पहले तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो आप इसके ऊपर क्या टिक करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट से अगर नाउन से टॉपिक नाउन टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है मेरे दोस्त कौन कौन से नाउन होते हैं जरा पढ़ लेते हैं सीनरी हो गया पोएट्री हो गया फर्नीचर हो गया एडवाइज हो गया हियर हो गया मिसचीफ हो गया ब्रेड स्टेशनरी लगेज वैगेज मनी प्रॉपर्टी ज्वेलरी वर्क एविडेंस क्रॉकरी इक्विपमेंट कॉस्ट इसमें कॉस्ट भी लिखना है ठीक है और भी दो चार नाउन है जो मैं आपको बताता चलूंगा इसमें जो भी मुझे याद आते जाएंगे ठीक है कॉस्ट हो गया और क्या क्या नहीं है इसमें वर्क नहीं है वर्क है एविडेंस है क्रॉकरी है इक्विपमेंट है ठीक है इंफॉर्मेशन है ये है हाँ और जो भी होगा मैं इसमें लिखा दूंगा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है अगर मुझे बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है या कोई ऐसा आ, जो है वो याद आ जाता है अगर वर्ड तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट का इसका ध्यान रखना ठीक है हाँ एक दो वर्ड इसमें से छूट गए होंगे हाँ तो ये वो नाउन है जो सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं और ये एक कंप्लीट कास्ट को डिनोट करते हैं कास्ट मतलब एक क्लास को डिनोट करते हैं एक कलेक्शन को डिनोट करते हैं यू कैन से कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ नाउंस मतलब मैंने कहा कि भैया चेयर है तो चेयर को चेयर कहते हैं फ्रिज को फ्रिज कहते हैं कूलर को कूलर कहते हैं एसी को एसी कहते हैं टेबल को टेबल कहते हैं लेकिन अगर हम इन सब चीजों को मिलाकर के एक दुकान खोलना चाहें तो उस दुकान का नाम क्या रखेंगे टेबल की दुकान चेयर की दुकान ए की दुकान फ्रिज की दुकान आप कहोगे नहीं सर अलग अलग नहीं रख सकते हम इसको फर्नीचर की दुकान रख देते हैं इसमें हम बेड भी, भी बेच लेंगे तकिए भी बेच देंगे गद्दे भी बेच देंगे तो हमने इन सारी की सारी चीजों का एक कॉमन नाम रख दिया जिसका नाम है फर्नीचर ऐसी अगर आप पेन लेने जा रहे हो कॉपी लेने जा रहे हो नोटबुक लेने जा रहे हो कहां पर जाते हो नोटबुक की दुकान पर स्टेशनरी की दुकान पर तो स्टेशनरी इसमें लिखा है ये रा। तो ये क्या होते हैं ये क्लास का नाम लिख रखा है ऐसे जो नाउन होते हैं इनको अनकाउंटेबल में ही यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इसीलिए हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे ना तो इनके प्लुरल फॉर्म ना तो इनकी कभी भी प्लुरल फॉर्म बनेगी ये ओनली सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे ठीक है केवल सिंगुलर इनका कभी भी प्लुरल फॉर्म नहीं बनेगा नो प्लुरल ठीक है भाई अच्छा अगर आप इनको यूज करना भी चाहते हैं अभी फिलहाल मैं आपको क्या करूंगा पहले एग्जाम्पल दूंगा ठीक है ओनली सिंगुलर नो प्लुरल ठीक है भाई हाँ आ जाते हैं जैसे मैंने कहा ही गेव मी एडवाइजेस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एडवाइज हमारे एग्जाम में क्रिएट करता है तो पहले तो एडवाइस की ही समस्या को सिलटा देते हैं ठीक है भाई देखो ये एडवाइस जो होता है ना ये बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है मैं इसको थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है एडवाइज मतलब होता है सलाह एडवाइज सॉरी एडवाइस होता है सलाह देना इसका मतलब होता है सलाह देना दोनों में क्या फर्क हो गया एक तो हो गया नाउन और एक हो गई वर्ब ठीक है हाँ सर आपकी पेड क्लास पेड क्लास हमारी एप्लीकेशन पे चलती है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे ठीक है हाँ हाँ और ये तो हो गई आपकी वर्ब और ये हो गया आपका नाउन क्लियर है मेरे प्यारे साथियों अच्छा अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी डीप नॉलेज की तरफ जैसे मान लो अगर किसी ने भी एडवाइज कर दिया तो क्या ये सही होना चाहिए इसका हिंदी में मतलब है सलाहों मान लो अगर किसी ने सलाह का प्लुरल बना दिया सलाहों कर दिया यानी कि एडवाइस का प्लुरल बना के एडवाइस कर दिया इज दैट वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट करेक्ट नहीं गलत है गलत है तभी मैंने क्रॉस लगाया लेकिन इसकी एक कंफ्यूजन होती है देखो दो चीज सिखाऊंगा इसी चीज को लेकर के एक तो आप इसका प्लुरल बना सकते हो ठीक है इसका प्लूल बनता नहीं है जनरली लेकिन बना सकते हो दूसरे तरीके से जैसे यहां पर लिखा हुआ है मैनी एडवाइज ये गलत हो गया क्योंकि वह एडवाइस का तो प्लुअल नहीं बनता है तो आप इसको लिखोगे मच एडवाइस क्योंकि मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउस के लिए आता है मच जो आता है अनकाउंटेबल के लिए आता है तो ये करेक्ट हो गया लेकिन अगर आप इसका प्लूल बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस करके ये सही है अगर आप प्लुरल ही बनाना चाहते हैं एडवाइस का तो आप इस तरह से बना सकते हैं मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस और इस तरह से तो आप कई सारे नाउन का प्लुरल बना सकते हो क्योंकि ये तो फॉर्मेट ही अलग हो गया भाई यहां पर जो एडवाइस है ये प्लुरल में थोड़े ना यूज हुआ है इसके पार्ट कर दिए जैसे मैंने कहा भैया मुझे पिज्जा खाना है या पिज्जा छोड़ो आ, मुझे दलिया खाना है अब दलिया का प्लुरल तो नहीं बनता लेकिन अगर आप चाहो तो कुछ भी पॉसिबल है भाई लैंग्वेज ही तो है उसको अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत है बाकी तो कुछ भी बदल सकता है उसमें आपने दलिए को जमा दिया फ्रिज में उसके कर दिए चार टुकड़े चार बच्चों को बांट दिया भाई था तो वो दलिया ही ना अब आपने उसको चार पीस में डिवाइड कर दिया या चार कटोरी में रख के उसको पैक करके चार डब्बे बना दिए चार पीस बना दिए तो भाई उसमें गलती दलिए की नहीं है ना गलती हमारी है वो पहले ही नॉर्मल था पहले वो सिंगुलर था लेकिन अब तो चार पीस हो गए प्रॉपर तो हमने जो चार पीस है ना वो पीस के लिए चार कटोरी चार टुकड़े चार पीस कुछ भी बोला है चार दलीय नहीं बोल पाए ठीक है तो ऐसा अगर आप करते हो तो कई सारे नाउन में आप मैनी पीसेस करके आप उसका अपलेवल बना सकते हो ये पॉसिबल है जैसे उसने कहा ही मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस ठीक है ही मी अ पीस ऑफ एडवाइस भी बोल सकते हो ये भी ठीक है ही डिड मैनी एक्स हाँ अगर आप मिशिप में एस लगा देते हो डायरेक्टली <coughs> अगर आप मिशीप सर मिसीप का मतलब होता है शरारतें हरकतें ठीक है इसका मतलब होता है हरकत हरकतें या शरारतें ठीक है अगर आप मिशिप में डायरेक्ट एस लगा देते हो मैनी मिशिप तो गलत हो जाएगा लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते हो मैनी एक्ट्स ऑफ मिशिप अगर आप मिशिप का प्लुरल बनाना चाहते हैं तो पीसेस मत लगा देना मिशीप के लिए अगर आप मिशिप को प्लुरल फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो उसके लिए पीसेस यूज नहीं करते उसके लिए एक्ट्स यूज करते हैं ठीक है ऐसे ही ब्रेड का अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो लोफ्स और ब्रेड बोलना पड़ेगा ठीक है हाँ डायरेक्ट ब्रेड्स नहीं बोल सकते लोफ मतलब क्या होता है ब्रेड का ही एक सिनोनिम होता है इसका प्लूरल बन जाता है बट इसका नहीं बनता है आ लोफ ऑफ कर सकते हैं अब इसमें मुझे एक और नई चीज आपको सिखानी थी जो कि मैं अभी होल्ड पे हूं उस चीज को है ना अगर आप एडवाइजेस ऐसे लिखते हो ये गलत हो जाता है लेकिन कई जगह आपको एडवाइज लिखा हुआ मिलेगा और ये सही भी होगा ठीक है ये एडवाइज लिखा हुआ मिलेगा और ये सही भी होगा लेकिन वहां पर इसका मतलब सलाहों नहीं होगा यहां पर मीनिंग चेंज हो गया मैंने बताया था ना कि जैसे ही किसी नाउन में इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका प्लुरल बन गया ये इसका प्लुरल नहीं है इसका प्लुरल नहीं है इसका अलग से एक मीनिंग होता है ये इंफॉर्मेशन का सिनोनियम बन जाता है अगर इंफॉर्मेशन के सेंस में इसका इसको अगर आप प्लुरल फॉर्म में यूज करना चाहते हैं सलाहो नहीं ये सूचनाओं इसका मीनिंग हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा सूचनाओं इसका मीनिंग हो जाएगा मतलब इंफॉर्मेशन के सेंस में आप क्या लगा सकते हैं एडवाइज में येस yes लगा सकते हैं एडवाइजर्स कर सकते हैं कितने लोगों को ये वाली बात अच्छे से क्लियरली समझ में ये बता दो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं जल्दी से बताओ बताओ क्लियरेंस सभी को चलो आगे बढ़ जाते हैं अब देखो इस क्वेश्चन में कौन बताएगा ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट का जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ आपने जो कुछ भी सीखा है और ये मैं इतना कंफर्मेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से, से सेट हो जाए आपके दिमाग में ठीक है ये कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा भैया सेवंथ है इसी का एक क्वेश्चन में आपसे एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स अगर आप इक्विपमेंट्स बोलते हैं इन्फॉर्मेश्स बोलते हैं बोलते हैं एडवाइज बोलते हैं तो बोलना बंद करिए वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपके एग्जाम में ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है इक्विपमेंट्स नहीं सिर्फ इक्विपमेंट करना है आ गई बात समझ में सी वाले पार्ट में गलती है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाना है जो आपने सीखा उसका आपने तुरंत टेस्ट ले लिया अब आगे बढ़ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अगला कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया देखो नाउन टॉपिक के ही कॉन्सेप्ट आपने देखा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका अगर आप प्लुरल बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एस आई एस लगा के प्लुरल नहीं बना सकते भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लुरल सिर्फ एस एस लगा के नहीं बना सकते उनका पूरा का पूरा पैटर्न चेंज करत, करना पड़ता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है फेनोमिनन इसका मतलब क्या होता है घटना ठीक है क्राइटेरियन मतलब जानते हो ना एक सीमा होती है ठीक है एक क्राइटेरिया होता है सीमा होती है एक क्षेत्र होता है ठीक है हाँ लिखने की जरूरत नहीं ये घटना होती है इसको लिख लो एक दो वर्ड को लिख लेते हैं ऑसेस होता है पानी के स्रोत तो बैक्टीरिया जानते हो माउस जानते हो लाउस नहीं जानते तो समझ लो जो जो बालों में जू हो जाते हैं उनको लाउस कहा जाता है क्राइसिस जानते हो संकट परेशानी डेटम जानते हो डेटम डेटा और डेटम ठीक है ये सारे के सारे के नाउन सिंगुलर हैं आप लोग जानते हो तो ये कुछ ऐसे नाउन है मेरे प्यारे साथियों जिनका सिंगुलर फॉर्म कुछ इस तरह से होता है अगर आप इनको प्लुरल फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो कई सारे स्टूडेंट्स को इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाती है कहीं पर डेटा लिखा हुआ है और वो डेटा माई डेटा इज रॉन्ग भाई डेटा इज रॉन्ग नहीं हो सकता डेटा आर होगा क्योंकि डेटा प्लुरल नाउन है देखो जरा और इसको डाटा नहीं पढ़ते हैं कृपया करके इसको डाटा बिल्कुल ना पढ़े ठीक है सिर्फ डेटा पढ़ना है आपको डाटा डूटा नहीं पढ़ना है क्लियर है मेहर भाई चलिए तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि फिनोमिनन जो है वो सिंगुलर नाउन है फिनोमिना जो है प्ल नाउन है क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर है क्राइटेरिया जो है वो प्लुरल है ऑसिस जो है वो सिंगुलर है ऑसिस जो है ई और आई देखो जरा बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर है बैक्टीरिया जो है वो प्लुरल है माउस जो होता है वो सिंगुलर है माइस जो है वो प्लुरल है फुट जो होता है ना फुट ठीक है ये सिंगुलर होता है और फीट जो होता है ये प्लुरल होता है ठीक है जानते हो ना ऐसे ही लाउस और लाइस जू और जुए ठीक है क्राइसिस और क्राइसिस एस आई एस एस ई एस समझ गए डेटम एम डेटा ये प्लुरल ओवम ओवा ठीक है चलो तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अब आ जाते हैं नाउन एंड केसेस की तरफ नाउन का एक और सेक्शन होता है नाउन एंड केसेस नाउन के एक और सेक्शन की बात करें तो वहां पर आपको केस पढ़ने को मिलते हैं और केस तो कई सारे नाउन के कई सारे केस होते हैं उसमें से आपको सिर्फ कुछ ही पढ़ने हैं कुछ मतलब पहला केस मैं आपको बता देता हूं केस देखो में तो केस हम लोग पढ़ते ही है आज हम नाउन के अंदर पढ़ने वाले हैं केस केस ठीक है केस का मतलब जानते हो ये होता है अधिकार जताने वाला केस अगर कोई भी नाउन है और उस नाउन का किसी चीज़, दूसरी चीज पर अधिकार है तो उसको कहते हैं ये नाउन का पॉजिटिव केस हो गया भाई चलो देखते हैं पॉजिटिव केस के तीन जो हैं पार्ट होते हैं तीन तरह से आप पॉजेशन दिखा सकते हैं किसी भी नाउन का प्रनाउन का पोजेशन तो अलग से प्रनाउन होता है उसका अभी मैं प्रनाउन में पढ़ाऊंगा लेकिन नाउन के जो केस होते हैं ना वो केस केस होता है है तीन तरह से काम करता एक तो एपोस्टोस्टिकॉपी एस एक एपोस्टोपी साइन और एक ऑफ तीनों की अलग अलग कैटेगरी होती है समझ लेते हैं सबसे पहले हम समझेंगे एपोस्टोपी एस कहां पर यूज होता है ये तब यूज होगा जब आपका नाउन कैसा होगा पहली चीज तो सिंगुलर और लिविंग नाउन ठीक है अब इसके ऊपर जो है आप स्टार बना लेना क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन पॉइंट्स भी होते हैं अब एक्सेप्शनल पॉइंट्स को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो या तो आगे डिस्कस करूंगा या फिर करूंगा नहीं क्योंकि डीप में जाना पड़ेगा और उसकी आपको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है अगर जरूरत होगी तो मैं आगे अपने आप डिस्कस करा दूंगा ठीक है जैसे राम है और डॉग है मान लो ये राम है ये डॉग है इस डॉग पर राम का अधिकार दिखाना है तो आप उसमें एपोस्टॉपी यूज करोगे लेकिन एपोस्टॉपी किस तरह से यूज करोगे अपोस्टॉपी साइन या एस या फिर ऑफ तीन तरह से पोजिशन दिखाते हैं यहां पर लिख लेना एक तो एस होता है एक ऑफ होता है ठीक है ठीके? ये तीन केस होते हैं इनको अपोस्टॉपी केस, है केस कहते हैं या फिर पॉजिटिव केस कहते हैं ठीक है तो राम्स डॉग यानी कि ये जो डॉग है वो राम का डॉग है क्लियर सीताज सिंगिंग ये जो सिंगिंग है वो किसकी है सीता के सिंगिंग है ठीक है तो यहां पर आपने देखा एपोस्टोपियस से क्या दिखा दिया अधिकार दिखा दिया तो ये तो आपको तब यूज करना है तो हम क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है फिलहाल आप इतना समझो कि अगर कोई नाउन है और वो प्लुरल फॉर्म में है जनरली ये मैंने यहां पर 99% या 90% लिख लो क्योंकि ज्यादातर नाउन ऐसे होते हैं ज्यादातर नाउन ऐसे होते हैं जिनको प्लुरल फॉर्म में चेंज करने के लिए उसमें एस एस किया जाता है है ठीक और जितने भी नाउन होते हैं आप आधा तो इधर से समझ लोगे अगर इससे नहीं समझ पाओगे ना तो यहां पर जो ब्रैकेट में न, ब्रैकेट में में लिखा है ना ये हंड्रेड परसेंट काम करेगा यहां पर ये चीज नाइनटी परसेंट काम करेगी लेकिन ये हंड्रेड परसेंट काम करेगी कोई भी ऐसा नाउन हो जिसका साउंड श या स पे खत्म होता है मतलब हिसिंग वर्ड्स ऐसे नाउन को कहा जाता है हिसिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड एस पे या स पे खत्म होता है साउंड उन वर्ड्स को हिसिंग वर्ड्स या हिसिंग साउंड कहा जाता है और ऐसे नाउन में हमें सिर्फ साइन लगाने की जरूरत है पूरा एपोस्टॉपी एस नहीं लगाना है। ठीक है जैसे बॉयज है तो अगर मैं कहूं बॉयज हॉस्टल जैसे कि ये लिखा हुआ है बॉयज हॉस्टल तो ये हॉस्टल जो होता है हॉस्टल वो कभी एक लड़के का नहीं हो सकता इसने एक लड़के पे अपोस्टॉपियस लगा दिया ये गलत हो गया ठीक है मान लो एक बैंकरस गुरुकुल लिख लेते हैं ठीक है बैंकर्स गुरुकुल बैंकर्स गुरुकुल ये इस पर जब डेढ़ लाख सब्सक्राइबर थे ठीक है डेढ़ लाख सब्सक्राइबर थे तब तक यही नाम चलता आ रहा था जब मैंने यहां पर एंट्री करी तो मैंने बोला भाई साहब बैंकर्स गुरुकुल नहीं होता ये बैंकर्स गुरुकुल होता है तो उन्होंने बैंकर्स गुरुकुल बाद में किया अगर बैंकर्स गुरुकुल कर दोगे तो फिर एक बैंकर का गुरुकुल हो जाएगा जबकि होना चाहिए था सारे सारे के का गुरुकुल क्लियर है तो जब भी आपको एस लगाना है प्लुरल नाउन में तो आप लास्ट वाले में लगाओगे जैसे कि यहां पर बॉयज हॉस्टल है तो हॉस्टल का भी एक लड़के का नहीं होता है कई सारे लड़कों का हॉस्टल होता है ठीक है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बॉयज हॉस्टल ना कि बॉयज हॉस्टल तो ये सही है ऐसे ही गर्ल्स गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स एक लड़के की नहीं होती है ठीक है सारे के सारे कॉलेज जो है कॉलेज होगा हो, वो सारी की सारी लड़कियों का होगा तो गर्ल्स करना पड़ेगा ऐसे ही टीचर्स डे बोल देते हैं ठीक है हालांकि ग्रामेटिकली तो गलत नहीं होता है ठीक है ग्रामेटिकली गलत नहीं होता है टीचर्स डे अगर आपने ऐसे लिख दिया तो भी सही है और अगर आप ऐसे लिख दोगे तो भी सही है ग्रामेटिकली गलत नहीं होता मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कोई ग्रामेटिकल फॉल्ट बता सकते हो आप इस पर बहस कर सकते हो क्योंकि भैया मैं तो अपने एक टीचर की बात कर रहा हूं मैं क्या सारे टीचर की थोड़ा ना बात कर रहा हूं ठीक है हाँ। लेकिन नहीं नहीं ऐसा क्या करना है आप इसको फिर भी सही इसी को बताओगे इसको नहीं बताओगे क्योंकि जनरली कॉमनली जो होता है वो सारे के सारे टीचर्स का दिन होता है अच्छा कुछ लोग चिल्ड्रंस बोल देते हैं ऐसे करके चिल्ड्रंस डे लेकिन उनको यह बताया जाए कि पहली बार तो चिल्ड्रंस नहीं है प्लुरल फॉर्म लेकिन पहली बार तो यहां पर प्लुरल फॉर्म ही नहीं आएगा तो चिल्ड्रंस डे में क्या करोगे आप ऐसे करके लगाओगे क्या अगर ऐसे लगा दिया इसका मतलब है उसके बेसिक्स खराब है उसको यही नहीं पता है कि चिल्ड्रन का प्लुरल चिल्ड्रंस नहीं होता है चिल्ड्रन ही होता है तो वो तो समझता है कि प्लुरल है इसमें एपोस्ट्रोफी साइन लगा दो बात बन जाएगी नहीं चिल्ड्रंस नहीं होता है चिल्ड्रन में एस इसलिए लगता है मैं आपको बता दूं क्योंकि ये एक ऐसा नाउन है जो प्लुरल तो है देखो ये वाला यहाँ पर रूल फॉलो फॉलो नहीं होगा यहाँ पर फेल हो जाएगा ये जो 90 परसेंट में 10 परसेंट वाली चीज है ना वो इधर इंक्लूड हो गई है कि नाउन जो है वो लिविंग हो सकता है नाउन जो है प्लोल भी हो सकता है और उसमें आप अपोस्टोपी साइन नहीं लगाएंगे उसमें आप अपोस्टोपी एस लगाओगे पूरा जैसे मैंने कहा मैन तो एम ई एन तो देखोगे आप, आप मेरे से बहस कर सकते हो उस बात पे कि सर ये जो मैन प्लुरल नाउन है और लिविंग भी है आपने कहा प्लुरल लिविंग नाउन जो होगा उसमें sign लगाएंगे तो अब लगना चाहिए कि इसीलिए तो मैंने पर इसको लिख दिया है क्योंकि ये जो वर्ड है ना ये हंड्रेड ये परसेंट काम करेगा साइन हमेशा हिसिंग वर्ड्स में लगता है क्लियर है हाँ चलो बहुत बढ़िया तो अब आप क्या करोगे यहां पर जो वुमेन है, है ना चिल्ड्रेन है चिल्ड्रेन भी लिख सकते हो क्या लिखोगे चिल्ड्रेन भी लिखोगे अब चिल्ड्रेन है वुमेन है है, ये ये सब क्या है? ये आपके ऐसे नाउन है, जो हिसिंग नहीं है, तो इनमें आपको पूरा पूरा लगाना पड़ेगा, तभी सही होगा। ठीक है टीचर्स डे आप ऐसे लिखोगे लेकिन चिल्ड्रंस डे आप ऐसे लिखोगे क्लियर है ये वाला टीचर्स डे गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स डे या कुछ भी लिखना चाहते हो फादर्स डे मदर्स डे सब में एस लगा के फिर आप लोग एपोस्ट्रोफी साइन लगाया करो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा एपोस्ट्रॉपी साइन और एपोस्ट्रॉपी एस अब आ जाते हैं ऑफ कब यूज करते हैं ठीक है हाँ बॉयज तो बॉयज बुक लिख सकते हैं बॉयज वॉशरूम लिख सकते हैं वो बॉयज गलत मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत होता है आप बहस तो कर सकते हो आप बहस कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन गलत कर दोगे बहस कर सकते हो सही भी हो सकता है लेकिन डिपेंड करता है आगे नाउन अगर हॉस्टल लिखोगे तो भाई गलत हो जाएगा होस्टल में एक लड़का थोड़ा ना होता है दे जो मनाओगे वो एक लड़के के लिए थोड़ा ना मनाओगे सबके लिए मनाओगे इंटरनेशनल है नेशनल है लेकिन अगर आप कहोगे कि ये बॉयज़ की जो है क्लास है या बॉयज़ क्लास लिख सकते हैं या फिर जैसे बॉयज़ क्लास भी लिखोगे मान लो बॉयज बुक लिख सकते हैं या फिर ऐसे मतलब सेंस ही नहीं बनेगा आप बहस तो कर सकते हैं कोई भी एक ऊट पटांग सा नाउन लगा के लेकिन गड़बड़ हो जाएगा ठीक है चलो अब आगे आ जाते हैं ऑफ कहां पर यूज करते हैं जरा समझ लेते हैं ऑफ आप तब यूज करोगे जब किसी भी नॉन लिविंग नाउन का पॉजिशन दिखाओगे जैसे मैंने कहा कि ये जो पेन है इसकी निब जो है वो खराब हो गई है तो निब पर अधिकार है पेन का लेकिन पेन खुद थोड़े ना निब को खरीद के लाया तो ऐसा नाउन जिसका पॉजिशन आप दिखाना चाहते हैं बट वो नॉन लिविंग है तो आप एपोस्टोपी एस भी यूज नहीं करोगे ना एपोस्टोपी साइन यूज करोगे आप ऑफ लगाओगे जैसे किसी ने बोल दिया टेबल स्लैग यानी कि टेबल की पैर तो टेबल की पैर जो है वो नॉन लिविंग है टेबल का पॉजिशन दिखाना है टेबल का पॉजिशन दिखाना है लेग्स पे ठीक है लेकिन आप इसमें पोस्टॉपी एस यूज नहीं कर सकते आप इसको लिखोगे कैसे भाई इसको इधर लिख दोगे जिस नाउन पर पॉजिशन है जिसका पॉजिशन है उसको बाद में लिखोगे बीच में ऑफ लगा दोगे ठीक है तो ऑफ का यूज इस तरह से किया जाता है टेबल्स लेग गलत हो जाएगा द लेग ऑफ टेबल सही हो जाएगा पेन की निब गलत हो जाएगा द निब ऑफ पेन सही हो जाएगा इस तरह से नाउन यूज किया जाता है अच्छा इसके भी एक्सेप्शन होते हैं इसके भी exceptions होते हैं, ठीक ठीक है, है है है, लेकिन वो exception में यहां पर अभी इस्तेमाल करने की नहीं रखता, क्योंकि ये जो एक और है, जिनकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं जरूरत तो हर चीज की है मैं आपको बताऊं लेकिन मैं आपको मास्टर क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हो जिनको मैं शॉर्ट आउट uh, कर सकूं ठीक है हाँ मेरे चैनल पे ऐड आते हैं बट मैं एड कभी कभी लगाता नहीं हूं जब इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं तो मैं ऐड नहीं लगाता मुझे पैसे नहीं कमाने हैं भाई करोड़पति नहीं बनाता ये यूट्यूब पूरे हफ्ते में या एक महीने बाद एक दो रुपए भेजता है सौ दो सौ रुपए भेजता है महीनों बाद ठीक है तो मुझे शौक नहीं है वो सब करने का ठीक है जिनके यहाँ लाखों में व्यूज आते हैं उनकी अच्छी कमाई होती है लाखों में मिलियंस में व्यूज आते हैं उनकी कमाई होती है उनके दस बीस हजार पचास हजार लाख पचास हजार जो भी रुपए आते होंगे वो उनको आते होंगे हमारे चैनल से अभी कोई इनकम नहीं आती है तो उस धोखे में आप लोग मत रहा करो कॉन्सेप्ट आपके सामने है ठीक है भाई पप्पी अब जो है कमेंट रिपीट मत करना क्योंकि डिस्टर्ब करोगे तो मैं आपको टाइम आउट कर दूंगा है ना क्योंकि फिर ध्यान उधर चला जाता है और ये एक सेशन जो है फ्लो में चलना चाहिए ठीक है बीच में मूड खराब हो गया तो फिर समझते हो ना बातों को हम्म एक और क्वेश्चन आ जाता है कंपाउंड नाउन की तरफ कंपाउंड <coughs> नाउन का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा नाउन होते हैं जैसे फादर इन लॉ तो जितने भी कंपाउंड नाउन होते हैं उनमें दो तरह से एस लगा सकते हैं। एक तो प्लूरल बनाने के लिए एक पजेशन दिखाने के लिए अब दोनों तरह का नाउन अलग अलग सिचुएशन में लगता है जैसे अगर आप इसका प्लुअल बनाना चाहते हैं तो आप आखिरी वाले नाउन में एस नहीं लगाओगे लेकिन अगर आप एस लगाना चाहते हैं तो हर कंपाउंड नाउन के आखिरी में ही लगाना पड़ेगा जैसे आपने देखा कि house, house, मतलब इस house पर दिखाना दिखाना है, <coughs> दिखाना है है ठीक तो हमने यहां पर तो पजेशन की बात ही नहीं हो रही है सिर्फ यहां पर फादर इन लॉज बात हो रही है यहां से ऑर्डर भी हटाना है इसको मैं एक मिनट चेंज करता हूं देखो यहाँ पर यह हाउस हटा देना ये रिपीट हो गया है ऑर्डर भी हटा देना ठीक है ये भी रिपीट हो गया है और आपका जो कार है ये भी रिपीट हो गया है अब मैंने आपसे कहा कि भाई अगर मुझे इसका प्लुअल बनाना हो किसका एक कंपाउंड नाउन का तो मुझे एस कहां पर लगाना है फिर आपको मेन नाउन में लगाना है जब भी आप प्लुअल फॉर्म बनाओगे ना कंपाउंड नाउन की तो आप एस लगाओगे मेन नाउन में जो मेन नाउन है उसमें एस एड हो जाता है क्या ऐड हो जाता है एस एड हो जाता है ठीक है भाई ऐसे yes, भी लगता है क्लियर हाँ लेकिन जब भी आप उसमें दिखाओगे तो आखिरी वाले वर्ड में यहां पर लिखा हुआ है कि apostrophe use करना हो तो सबसे लास्ट वाले वर्ड के साथ लग, आ, apostrophe आपको लॉ मेंस लगाना पड़ेगा कमांडर इन चीफ है तो चीफ में आपको apostrophe लगाना पड़ेगा ब्रदर इन लॉ है तो लॉ में ठीक है ऐसे पासर बाय है तो बाइज तो में लुकर ऑन है तो ऑन्स में लुकर ऑन्स बोलते हैं पजेशन के लिए लेकिन जब आप उसका प्लूल बनाओगे तो पासर्स बाय करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा पासर्स बाय करना पड़ेगा ठीक है पासर्स बाय होता है राहगीर लुकर लुकर ऑन करना पड़ेगा ठीक है लुकर ऑन दर्शक होते हैं देखने वाले लेकिन अगर आप पासर्स बाय लिखोगे यहां पर पासर्स बाय ऐसे करके तो ये गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा आपको लिखना पड़ेगा पासर्स की जगह तो सिर्फ पासर और बाइज ऐसे करके करना पड़ेगा पासर वाइज ठीक है समझ पा रहे मेरी बात है तो यह आप लोगों को समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर थर्टीन की तरफ चलते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे ऑल हिज सिस्टर इन लॉज

तो यहां पर एस की नहीं सिंपल एस की जरूरत है भाई प्लोरल फॉर्म बनाना है ऐसे एक दो क्वेश्चन और भी है इनको भी समझ लेते हैं आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक ये मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारी किताब नहीं है ये किसी और की है किसी और की है तो इसको कैसे समझोगे इसके लिए मैं अभी आपको एक एक क्वेश्चन सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा देखो ये अगर यहां पर आपको एपोस्टोपियस लगाना है तो आप डायरेक्ट इसमें इसमेंटॉपियस लगा सकते हैं वैलिड है क्लियर है करेक्ट है जैसे आप एवरी लिख सकते हो सम बडीज लिख सकते हो नो बडीज लिख सकते हो नो no वंस लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो सारे सही हैं, ठीक है जैसे लिखा हुआ है आई डोंट नीड एनी वंस एडवाइस ठीक है नो no एर लेकिन जैसे ही इनके साथ अगर एल्स लगा देते हो तो फिर एल्स में पोस्टॉपियस लगाना पड़ेगा डायरेक्ट लगाओगे तो इनमें डायरेक्ट लगा सकते हो लेकिन एल्स लगाओगे तो एल्स में लगाना पड़ेगा जैसे नीचे लिखा हुआ है देखो जरा

फटाफट बड़ से बताओ थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार का इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हो मजा तो आ जाता है खैर ठीक है हाँ सारे कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं चलो जी ऑल इज सिस्टर इन लॉज यहां पर भी ऑल इज सिर्स इन लॉ हो जाएगा पहले वाले पार्ट में गलती है। चलो अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कॉन्सेप्ट है आपका आखिरी नाउन टॉपिक का आखिरी कॉन्सेप्ट है एक घंटे की क्लास हो गई अब इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो लगभग सात चैप्टर तो सात घंटे आठ चैप्टर तो आठ घंटे नौ चैप्टर तो नौ घंटे छह चैप्टर तो छे घंटे अब जितनी धीरे आप झेल पाते हो देख लो चौदहवा रूल है कुछ ईडियम्स है जिनमें एपोस्ट्रोफियस ऑलरेडी सेट होता है इसमें कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता बस ये फिक्स रहते हैं बस ठीक है इडम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जिनमें एपोस्ट्रोफियस फिक्स होता है इसमें कोई भी चीज आपको अपनी तरफ से ऐड नहीं करनी जैसे यहां पर लिखा है एट वंस विट्स एंड ये फिक्स है जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित क्या मतलब होता है इसका आश्चर्य चकित ठीक है मेरे दोस्त चलिए बहुत बढ़िया ऐसे ही बाकी के दो तीन फ्रेजेस जो आपको यहां पर लिखे हुए हैं जैसे ड्यूटीज कॉल है At once send है एट वंस सेंड ब्यूटी है ट्रेन अराइवल है ट्रेन डिपार्चर है ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं ठीक है मैंने आपको बताया था ना कि अभी कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं तो कुछ एक्सेप्शन इसी तरह के होते हैं जैसे यहां पर ये यह लिखा हुआ है ठीक है ये इस तरह के एक्सेप्शन होते हैं चलो तो ये हो गया आपका नाउन टॉपिक फिनिस ठीक है अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं ठीक है भाई चलिए ये आपका चैप्टर नंबर टू जिसमें हम के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सभी को बता दिया जाता है कि, कि किसी को भी फाउंडेशन बैच करना है। प्लस प्री प्लस के साथ दस नवंबर से स्टार्ट हुआ था इंग्लिश फाउंडेशन बैच हैशटेक एट ये आप ज्वाइन कर सकते हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर जाके किसी को रिकॉर्डेड बैच चाहिए ये भी अवेलेबल है ठीक है अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं ठीक है हाँ चलो फास्ट कराएंगे अब देखो प्रनाउन टॉपिक है थोड़ी सी डेफिनेशन पर नजर मार लो एक ऐसा वर्ड जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है मतलब एक सेंटेंस में नाउन दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए इसलिए हम प्रनाउन का यूज करते हैं ठीक है जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है सचिन इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड सोहन सॉरी सोहन इज माय सोहन इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड सोहन इज वेरी क्लेवर Amongst all of them मतलब मेरा दोस्त है उनमें से सबसे ज्यादा सोहन ही क्या है चतुर है तो यहाँ पर सोहन को दो बार रिपीट कर दिया और इसी के लिए तो यूज किया जाता है pronoun तो आपको क्या करना पड़ेगा सोहन का pronoun यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऐसे नीचे लिखा हुआ है मिस्टर प्रताप बींग अ गुड टीचर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इकलौता एक सब्जेक्ट है ये पूरा सब्जेक्ट है तो एक ही सब्जेक्ट में नाउन भी यूज कर लिया प्रनाउन भी यूज कर लिया भाई ये जो प्रनाउन है वो इसी टीचर के लिए तो आ रहा है और अभी तो यहाँ से शुरुआत हुई है वर्ब की तो भाई पहले एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आप दो बार प्रोनाउन या नाउन कैसे यूज कर सकते हैं कि आदमी के लिए तो दिस इज द रिपीटेशन यू कैन से ठीक है ये रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है ठीक है अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट नंबर सोलह में यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ प्रनाउन होते हैं अब प्रनाउन कौन कौन से होते हैं जैसे आई हो गया वी हो गया आई और वी क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं इनको अभी मैं बताऊंगा टेंशन मत लो यू क्या होता है सेकेंड पर्सन होता है ही सी इट दे माई मी ठीक है ये और ये सारे के सारे प्रनाउन होते हैं अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअली प्रोनाउन में सबसे पहली चीज क्या होती है सीखने वाली तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोनाउन होते हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं इन प्रोनाउन के कुछ केसेस होते हैं वो केसेस आपको आने चाहिए और उस केसेस को पढ़ उन केसेस को पढ़ने के लिए आपको प्रोनाउन टॉपिक की पूरी टेबल अच्छे से स्टडी करनी होती है और वो जो टेबल होती है उसको अगर आपने स्टडी नहीं किया है समझ लो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स उसी पर बेस्ड हैं ठीक है हाँ तो आपने देखा देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ये इनको आप बोल सकते हैं कि सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं और इन पर्सनल प्रोनाउन की कुछ फॉर्म्स होती है कुछ केसेस होते हैं ये आपको आने चाहिए उसके लिए हाजिर है आपकी हिदावत में क्या एक टेबल अगर किसी ने ये कहा कि मुझे टेबल याद नहीं है तो काम चल जाएगा तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं चलेगा अगर आपने ये कहा कि सर अगर ये टेबल याद कर लें तो काम चल जाएगा मैंने कहा बिल्कुल चल जाएगा तो आपको सबसे पहला काम करना है इस टेबल को अच्छे से स्टडी करना क्या स्टडी करना है सर इसमें कितने पर्सन में प्रनाउन को डिवाइड किया गया तीन पर्सन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट पर्सन के प्रनाउन आई और वी सेकेंड यू बाकी के ही सी इट दे वन इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं मी अस यू हिम हर इट देम और वन इनके पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं माई अवर योर हिज हर इट्स देयर वंस अगर इनके पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें माइन आर्स योर्स हिज हर्स इट का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है दे का देअर्स होता है और वन one का वंस होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें लास्ट में सेल्फ या सेल्स लगा होता है ये रिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं एक सेंटेंस के अंदर क्लियर है तो ये होते हैं माई सेल्फ आर सेल्स योर सेल्फ योर सेल्स हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ देस जो प्लुरल होता है उसमें सेल्स लगता है एस ई एल वी एस और जो सिंगलर होता है अगर ये पूरी टेबल आपको याद और आप चाहते हैं कि सर अगर मुझे ये पूरी टेबल याद हो तो क्या तो क्या इसमें से हमें कुछ मिलेगा आगे देखते हैं भाई क्या क्या मिलेगा शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेवनटीन ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं मेरे भाई देख लेना ये भी आपका कॉन्सेप्ट में ही इंक्लूड होता है यहां से आता है कॉन्सेप्ट नंबर सेवनटीन जरा समझ लेते हैं मेरे प्यारे इंपॉर्टेंट टिक करोगे आप इसको क्या करोगे इंपॉर्टेंट टिक करोगे और इंपॉर्टेंट टिक करके यहां पर आप रूल लिखोगे क्या रूल लिखोगे जरा समझ लेते हैं माय फादर फॉरवर्ड आई एंड सी टू सिनेमा यहां पर आपने देखा कि जो माय फादर है इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्या है मेरे भाई सब्जेक्ट है और यहां पर जो फॉरवर्ड है ये क्या है भाई ये आपकी वर्ब है और यहां पर जो आई और सी है इन दोनों को वैसे तो ये प्रनाउन है ठीक है या फिर आप प्रनाउन लिख लो यहां पर लिखोगे प्रनाउन है बट ये प्रनाउन के कौन से केस हैं आपको पता है ना यहां पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है सर क्यों आता है क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है यही तो रूल है आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि अगर किसी सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद अगर कोई प्रनाउन आता है तो आप उस प्रनाउन को कौन से केस में लिखोगे मेरे प्यारे भाई ऑब्जेक्टिव केस में लिखोगे बस बात खत्म भाई साहब आज है एक ऐसा दिन जहां पर आप ये कह सकते हैं कि हमारे भारत देश के लिए बहुत ही थोड़ा सा एक तो शर्मनाक भी बोल सकते हैं और थोड़ा सा दुख भरा भी बोल सकते हैं ठीक है 26 ग्यारह आपको पता है अभी 26 ग्यारह के मैंने एक दो एग्जांपल भी लिखे हैं सेंटेंसेस में तो एक तरीके से स्मरणीय दिन है बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी थी ठीक है मेरे भाई और एक तरीके से ब्लैक डे आप इसको मान सकते हैं क्लियर तो यहां पर आपने देखा कि कॉन्सेप्ट ये काम कर जाएगा ऐसे करके मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या गलती है अगर आपने ये टेबल नहीं पढ़ी है तो क्या आप बता सकते हैं कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है नहीं बता सकते और अगर आपने पढ़ी है तो बता सकते हैं कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी क्वेश्चन गलत इसलिए होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यहां पर आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपने आई का ऑब्जेक्ट लिखा मी सी का ऑब्जेक्ट लिखा हर बस बात खत्म क्लियर है मेरे दोस्त चलो एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हुआ शाबाश। भाई साहब, <coughs> चलो अगला क्वेश्चन देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देयर इज अप बिटवीन यू एंड आई यहां पर सबसे पहले हम नोटिस करेंगे बिटवीन को ये क्या है एक प्रपोजिशन है और यहां पर यू क्या है आई क्या है दोनों प्रोनाउन है तो आपको यहां से भी एक और रूल मिल जाएगा यहां से भी एक और कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है ठीक है यहां से एक और कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है भैया क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है जरा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट है, है? <laughs> देखो इस इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट मान लो अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रपोजिशन लिखी है उस प्रपोजिशन के बाद एक प्रोनाउन लिखा हुआ है तो आपको उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा जैसे बिटवीन के बाद यू है तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं तो ये तो ठीक है बट आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी जैसे मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया आई <coughs> हैव या फिर आई बॉट आई बॉट अ गिफ्ट I bought a gift for C. ठीक है आपने उसके लिए एक गिफ्ट खरीद लिया तो आप क्या कहोगे मेरे से सर आई वॉट अ गिफ्ट फॉर सी भाई फॉर क्या है फॉर एक प्रपोजिशन है और सी क्या है प्रोनाउन है इसको आपको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना ही पड़ेगा बात खत्म ये कॉन्सेप्ट नंबर 18 यहां से कवर होता है आगे बढ़ते हैं क्विक रिवीजन फास्ट स्पीड ठीक है भाई चलो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कुछ पर्सन होते हैं जैसे पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन होते हैं तीन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कभी कभी क्या होता है उन पर्सन को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना होता है और वो उसको जिक जेक फॉर्म में लिख देगा वो आपको अरेंज करना होता है इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब सिक्वेंस ऑफ पर्सन ऑफ अ प्रोनाउन प्रनाउन के जो पर्सनस होते हैं उनका एक प्रॉपर सिक्वेंस होता है प्रॉपर सिक्वेंस होता है दो तरह से आप यूज कर सकते हो सीक्वेंस को या तो टू थ्री वन या फिर वन टू थ्री या तो टू थ्री वन या फिर वन टू थ्री ठीक है अब आप बताओ कि टू थ्री वन कब यूज किया जाता है वन टू थ्री कब यूज किया जाता है देखो अगर आपके जो पर्सनस हैं वो पॉजिटिव सेंस देते हैं मतलब वो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का अगर सेंस पॉजिटिव है तब तो आपको सारे के सारे प्रनाउन को टू थ्री वन के सीक्वेंस में अरेंज करना है और अगर सेंस नेगेटिव है तो वन टू थ्री ये थ्री टू वन तो गलत लिख गया है वन टू थ्री और टू थ्री वन होगा ठीक है समझो जरा यहां पर लिखोगे वन टू थ्री ठीक है भाई क्या लिखोगे वन टू थ्री ये थ्री टू वन तो कोई सेंस होता ही नहीं है तो वो तो बाई मिस्टेक लिख गया है चलो इसको समझ लेते हैं या तो वन टू थ्री या टू थ्री वन थ्री सॉरी टू थ्री वन थ्री टू वन।, वन कुछ नहीं होता समझो अब पता कैसे चलता है सर नेगेटिव से, सेंस है कि पॉजिटिव सेंस है बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए सारे पॉजिटिव होते हैं जैसे अगर मैं कहूं एक सेंटेंस लिख के समझाता हूं जिसमें यू ही एंड आई आर क्रिमिनल्स अगर आपसे बोला जाए कि तुम वह और मैं क्रिमिनल है अगर क्रिमिनल है तो भाई इसका जो सेंस है वो कैसा हो जाएगा बताना जरा पप्पी नहीं मानोगे तुम इसका सेंस हो जाएगा नेगेटिव और अगर नेगेटिव सेंस है तो आपको क्या सीक्वेंस यूज करना होता है वन टू थ्री ये सही होना चाहिए जबकि ये क्या है टू थ्री और वन तो ये गलत हो गया ठीक है यू सॉरी आई यू एंड राहुल राहुल कौन सा है थर्ड पर्सन है यू कौन सा है सेकंड पर्सन है आई कौन सा है फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड कब यूज किया जाता है जब सेंस नेगेटिव होता है बट इसका सेंस कैसा है इसका सेंस क्या है भैया इसका सेंस तो पॉजिटिव है इसका सेंस तो पॉजिटिव है।, तो है सर आपको कैसे पता भाई वो कह रहा है कि आई यू एंड राहुल है फिनिश्ड आर स्टडी हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं इसमें बुराई क्या है जब तक कोई कड़ी बुराई ना हो तब तक सारी चीजें अच्छी होती हैं, ठीक है ठीके? तो आपने क्या किया इसको सही करके लिख दिया ठीक है सही हो गया ये रहा आई यू एंड ही सॉरी आई यू एंड राहुल आर क्रिमिनल्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यू राहुल एंड टू थ्री वन टू थ्री वन इसको आपको लगाना है टू थ्री वन और इसको आपको लगाना है वन टू थ्री क्लियर है

तो भाई साहब फिर गड़बड़ी गड़बड़े मामला यहां पर देख पा रहे हो माई आर योर हेज हर इट्स का इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव केस के बाद के बाद जेरेंड यूज होता है यूज होता है अब आपको यह पता होना चाहिए कि सर किरेंड क्या होता है जेरेंड होता है मेन वर्ब की आई फॉर्म क्या होता है जेरन भैया मेन वर्ब की आई फॉर्म जो कि काम करती है कैसे नाउन की तरह काम करती है ये पता है आपको नाउन की तरह काम करती है अब आ जाते हैं इधर जब एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ब लिखी होगी तो उसको आप आई फॉर्म में चेंज करके जेरन बना दोगे क्यों क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव एडजेक्टिव मतलब उसके बाद नाउन ही आ सकता है इतना ध्यान रखना कि हर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का आना कंपलसरी है ये कंपलसरी है ये मस्ट है मस्ट मतलब आना ही चाहिए और अगर नाउन नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और नाउन की जगह अगर वर्ब आ गई तो और ज्यादा गलती हो गई समझ पा रहे हैं तो करना क्या है आपको सिंपली उस वर्ब को नाउन बनाना हो तो क्या करोगे उसमें आई एनजी लगा दोगे लेकिन ये सिर्फ इसी केस में होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जैसे यहां पर लिखा हुआ है माई मदर डज नॉट माइंड डज नॉट लाइक माई मदर डज नॉट लाइक मी Sleeping. अब आ जाते हैं थोड़ा सा बैक यह कॉन्सेप्ट इंटरचेंजेबल होता है इतना ध्यान रखना इंटरचेंजेबल मतलब possessive adjective के के बाद आता आता है 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 और gerund से पहले possessive आता है. दोनों तरह के question आपके में पूछ सकता है, या तो प्रोनाउंस रिलेटेड पूछ सकता है या फिर वो आपका जरेंट से रिलेटेड टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है हाँ अब हो सकता है कि वो ये सही लिख दे ये गलत लिख दे

केस लगाना चाहिए भाई माई स्लीपिंग होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस होगा तो आपको मी की जगह माई करना पड़ सकता है ऐसे नीचे देखो कि आई वेंट टू मैं गया कहा? सीता के घर सीताज हाउस हु इज नेबर तो ये तो सही है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है सीताज हाउस माई नेबर ठीक है जो मेरा नेबर है इसमें तो कोई दिक्कत है इसमें पॉजिटिव केस का इस्तेमाल ही नहीं हुआ लेकिन हाँ ऐसे लिख सकते हो आई वेंट या फिर आई वेंट नहीं आई लाइक आई लाइक अरे अच्छी राइटिंग में लिखता हूं अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं आई लाइक like, मैं पसंद करता हूं क्या चीज सीताज सीताज singing या सिंग मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया कि मुझे सीता की सिंगिंग पसंद है तो भाई सीता क्या है एक नाउन जिसके ऊपर एस लगा है यही ये भी तो कॉन्सेप्ट में था देखो एस हो या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो दोनों के बाद जरंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो यहां पर भी आपको सिंगिंग करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा सिंगिंग यानी कि जेरेंट हो जाएगा कितने लोगों को यह वाली चीज क्लियर हो गई बताओ कॉन्सेप्ट नंबर ट्वेंटी श्याम है सुशील है रिया राजपूत है अभि सिंह है और सौम्या प्रीति विशाल अमन मिनी कुमारी सभी लोग हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया आगे चलो नेक्स्ट नंबर प्रोनाउन टॉपिक के अंदर आपको कुछ वर्ब्स या कुछ वर्ड्स याद रखने हैं जैसे सेपरेशन सेपरेशन का मतलब होता है जुदाई जुदाई मतलब अलग होना ठीक है हाँ लीव हो जाता है छोड़ना लीव होता है एक एक तरीके से इसका मतलब भी सेपरेशन ही होता है लीव मतलब छुटकारा पाना क्लियर भाई हम्म अंकित है पप्पी है और अर्पित सौम्या सब लोग हैं मैं सबके नाम देख लेता हूँ सब यहाँ पर जो है सबके कमेंट्स देखते हैं सिड है चाहत विपिन अमन अभिषेक है ना सबके नाम मुझे दिखते हैं टेंशन मत लिया करो सेपरेशन सैप, लीव फेवर एक्सक्यूज साइट ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनके लिए इनसे पहले आप कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते ठीक है आप इसके लिए एक नाउ एक जो है कॉन्सेप्ट लिख सकते हो डोंट यूज डोंट यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव डोंट यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव बिफोर फोर दीज बिफोर दीज वर्ड्स इन शब्दों से पहले इन शब्दों से पहले इन शब्दों से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते डोंट यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव बिफोर दीज वर्ड्स अब जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा योर सेपरेशन यानी कि आपने देखा कि सेपरेशन से पहले योर लिखा हुआ है ठीक है भाई क्या लिखा है सेपरेशन से पहले योर लिखा हुआ है ठीक है अब जैसे आपने देखा सेपरेशन से पहले योर लिखा है मतलब ये गलत हो गया अगर आपने डायरेक्टली सेपरेशन से पहले योर को रिमूव कर दिया तब तो हो जाएगा गलत ये रिमूव नहीं करना है इसको मॉडिफाई करना है भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज नहीं हो सकता लेकिन अगर इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव हटा दिया योर सेपरेशन तो अब तो ये हो जाएगा सेपरेशन इज वेरी पेनफुल लेकिन ये तो पता ही नहीं कि किसका सेपरेशन है समझ रहे हो तो आपको योर को हटा तो देना है लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग हो जाएगा सेपरेशन को पहले लिखना होता है इसका तरीका मैं बता देता हूं कैसे लिखा जाता है सेपरेशन लिखना पड़ेगा भी दिखाना पड़ेगा लेकिन इस तरह से नहीं दिखाना है आपको ऑफ लगा के पॉजिशन दिखाना पड़ेगा सेपरेशन सॉरी प्रेपोजिशन लगा के कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी वो सूटेबल प्रेपोजिशन लगती है जैसे सेपरेशन फ्रॉम यू सेपरेशन फ्रॉम यू अब देखो प्रेपोजिशन है फ्रॉम के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है तो आप इस सेंटेंस को कैसे सही करोगे भाई अगर ऐसा क्वेश्चन ये एक्चुअल क्वेश्चन है भाई जितने भी कॉन्सेप्ट्स के नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में है ना पूछे गए क्वेश्चंस मैंने यहां पर आपको लिखे हैं ठीक है नीचे समझ पा रहे हो जैसे योर सेपरेशन है तो ये गलत है लेकिन सही करने का तरीका कैसे होगा सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल ऐसे लिखना है लेकिन इसको चेंज करने का तरीका ठीक को 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 तो है इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना और ये थोड़े से ऐसे जनरली आप लोगों को हर जगह नहीं मिलेंगे और यूट्यूब पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे यार कोई रेगुलर क्लासेस में आपको ये पढ़ाएगा भी नहीं डिफेंस विलॉग है प्रीति राहुल सीमा अमन कल्पना सूरज और श्याम बाबू बहुत सारे लोग हैं चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में देखोगे आप देखोगे यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे बॉडी सॉरी बॉडी नहीं है बॉडी बड़ी वन ईच एवरी आदर एनी नन ठीक है आइदर एनी नन ईच एवरी ईच एवरी और बडी वन बड़ी वन क्या होते हैं जानते हो ये बड़ी और वन के ऊपर स्टार बना लेना यानी कि ये टोटल आठ वर्ड्स हैं एवरीबडी समी नो बडी एनी बड़ी एवरी वन समी वन क्लियर है इनको कहा जाता है बडी और वन शॉर्ट में फिर आ जाते हैं एवरी थिंग सम नथिंग और एनी थिंग ये थिंग वाले वर्ड अलग चले जाते हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है चलिए तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं इसमें से कुछ तो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कुछ है इंडेफिनेट पढ़ना हो तो मैंने सारे के सारे एक ही जगह लिख दिए ठीक है अब इनके लिए कॉमन कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कॉमन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फोकस करना है ठीक है इनके लिए जब भी आपको किसी सेंटेंस में इनके लिए इनके लिए अगर किसी सेंटेंस में आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना हो तो इसमें तो पता नहीं चल रहा है जैसे आई होता है तो माई लगा दिया बी होता है तो आर लगा दिया सी है तो हर लगा दिया ठीक है लेकिन इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि ये लड़के हैं कि लड़कियां हैं कि क्या है तो इनके लिए पॉजिटिव प्रोनाउन सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको फिक्स कर देना है हिज लगाना है बस ठीक है इनके लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो हिज फिक्स कर दो ठीक है यही यूज करना है बस जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप क्या कर दोगे इन वर्ड्स के साथ में पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज फिक्स कर दो जब भी आपका मेन सब्जेक्ट इनमें से कोई भी एक होता है मेन सब्जेक्ट होना चाहिए अरे ये मेन सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा ये आगे चल पता चलेगा जब मैं सब्जेक्ट वब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट इसी क्लास में कराऊंगा एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क आपने देखा कि यहाँ पर जो देयर है ये क्या है पॉजिटिव केस है लेकिन ये किसके लिए आ रहा है आपने देखा कि यहाँ पर जो एवरीबडी है यही मेन सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट क्या है ब्रीबडी के लिए आपने देर लगा दिया गलत नहीं हो जाएगा क्या होगा बताओ हे जाना चाहिए ये सुनो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ सुमन सीमा आर विशाल राहुल जोगी ये भाई नेहा नेहा अभी सिंह फटाफट से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं मिनी वेरी गुड ऐसे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट टेक करो सबसे पहले इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं सिंटेक्स और प्रोनाउन दोनों का कॉमन कॉन्सेप्ट है ये ठीक है चलो कुछ एग्जाम्पल्स देख लो जैसे यहां पर लेखा एवरी बडी तो ये बडी वाला वर्ड आ गया एवरी बडी इज नहीं होगा हिज वर्क होगा नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पर मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है स्टूडेंट्स नहीं है इसमें मेन सब्जेक्ट नाइदर है क्योंकि ऑफ से पहले वाला ही मेन सब्जेक्ट होता है अभी आगे पता चलेगा तो ये जो पॉजिटिव केस है ये किसके लिए आ रहा है नाइदर के लिए क्या लगाओगे हिज़ लगाओगे अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स की जगह गर्ल्स होता तो हम हर लगा देते ठीक है हाँ लेकिन हमें जब पता ही नहीं है कि स्टूडेंट्स जो हैं गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं तो हमें पता नहीं है तो भाई हिज मतलब हमेशा मेल को प्रेफर करते हैं हिज और हर दोनों लगा सकते हैं बट अगर पता नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रेफर करना है क्लियर है नाइदर ऑफ दी गर्ल्स अब देखो यहां पर नाइदर ऑफ दी गर्ल्स है तो यहां पर हिज और हर मेज दो ऑप्शन है आपके पास दोनों में से आप सबसे पहले किसको टिक करोगे हर को टिक करोगे यहां पर हिज नहीं लगाओगे क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है गर्ल्स की बात हो रही है ठीक है अब थोड़ा सा बैक आ जाते हैं यहां पर आप हिज भी लगा सकते हो हर भी लगा सकते हो ठीक है यहां पर क्या लगा सकते हैं हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं लेकिन दोनों में से अगर आपको चूज करना हो कोई पहले प्रेफर करना हो तो हिज जो होता है ना ये प्रेफरेबल होता है यानी कि मान लो आप कंफ्यूज हैं आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या लगाएं तो आप सबसे पहले हिज लगा दो आप इस वाले क्वेश्चन में भी गर्ल्स वाले क्वेश्चन में भी आप हिज लगा सकते हैं बट ये सूटेबल नहीं होगा प्रेफरेबल यहाँ पर हर लगाना है क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि लड़कियों में से ही एक ही लड़की ने जो है प्रेयर नहीं बोली तो यहाँ पर हर लगाओगे हिज नहीं लगाओगे ठीक है अगर यहाँ क्लियर नहीं होता जेंडर डिसाइडेड नहीं है जैसे स्टूडेंट्स है डॉक्टर है कुछ भी ऐसा ना होने जिसमें पता नहीं चल रहा है तो वहाँ पर हिज़ लगाओगे अच्छा अगर हम बात करें अगर हम बात करें प्रोनाउन वन की देखो अगर हम प्रोनाउन वन की बात करें तो हमने अभी अभी टेबल में पढ़ा था कि वन का जो पॉजिटिव केस होता है वो स्पेशल होता है अलग से वंस तो ये इसके भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वन के तो वन के लिए आप क्या लगाओगे भाई वन का क्या होता है पॉजिटिव केस वन का हिज नहीं होगा वन का क्या होगा भाई वन का हिज नहीं होगा वन का तो अलग से होता है ना वंस लेकिन थोड़ा सा इसमें भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें भी धोखा खा जाते हैं जरा कैसे समझ लेते हैं पीडीएफ मिलेगा आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल देखो लिंक दे रखा है आपके कमेंट बॉक्स में देख लो ठीक है हाँ वन के हिसाब से आपने वंस लगा दिया क्योंकि से पहले वन लिखा हुआ है one आपका main subject है लेकिन इसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं वाले क्वेश्चन में क्या इसमें कोई गलती है कि सही है सेंटेंस आखिरी वाला सेंटेंस जो है ये सही है कि गलत है सबसे पहले मुझे जवाब दो फटाफट से कॉमेंट करके ना गुड इवनिंग भाई सभी को अमरदीप गुड इवनिंग उमेश सीजियल हाँ वंस ड्यूटी सही है कि गलत है ये वाला नीचे वंस ड्यूटी सही है कि गलत है अरे वो वंस ड्यूटी तो ठीक है ये नीचे वाला बताओ आखिरी वाला सही है कि गलत है ये होमवर्क की जगह पर क्या आना चाहिए वंस ठीक है कि कोई गड़बड़ी है हम्म hmm. कुछ गलत बता रहे हैं कुछ सही बता रहे हैं देखो यहां पर गलत हो जाएगा ये वंस ये जो वंस है ये गलत हो जाएगा क्योंकि जब तक अकेला वन होगा तब तो अकेला वन सब्जेक्ट है लेकिन अगर वन जो है बॉय के साथ आ गया तो पहले तो ये नाउन था मतलब प्रनाउन था पहले ये जो वन था वो क्या था प्रनाउन था और इस वन का मतलब कोई एक ये संबन का सिनोनिम होता है वन या संबन दोनों का मतलब एक होता है ठीक है हाँ लेकिन जैसे ही वन जो है बॉय से पहले आता है तो ये डिटर्मिनर हो जाता है यानी कि एक तरीके से एडजेक्टिव का, का काम करता है ये एडजेक्टिव हो गया ये नाउन हो गया तो अब यहाँ पर जो मेन नाउन है ना वही सब्जेक्ट माना जाता है तो उसके हिसाब से यहां पर हिज लगाओगे अगर वन को नाउन से पहले लिख दिया तो हिज हो जाएगा उस नाउन के हिसाब से क्लियर है हा हां समझ गए मेरे दोस्त चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स देयर प्रेयर ये सही है कि गलत है भाई स्टूडेंट्स हैं पहले इससे पहले क्या था गर्ल्स था नाइदर ऑफ दी गर्ल्स लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स हैं तो अब हिज और हर में से कुछ भी नहीं लगाना सिर्फ हिज लगाना है ठीक है हर नहीं लगाओगे क्लियर है हा हा निशा बंसल्स कॉपी इज दैट बिल्कुल सही बात है निविशा बंसल मैम की ही कॉपी है ठीक है फायदेमंद है वो बहुत अच्छी सीरीज है वो भी ये भी नाइदर ऑफ देयर प्रेयर की जगह आपको प्रेयर करना है नाइदर ऑफ गर्ल्स यहां पर अगर गर्ल्स आ जाता है तो देयर की जगह हिज नहीं करना है अब यहां पर हिज और हर में से कुछ चूज करना हो तो क्या करोगे यहां पर भी अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो क्या लगाओगे हर नहीं लगाओगे सिर्फ हिज लगाओगे क्योंकि यहां पर ये यह क्लियर नहीं है नॉट क्लियर जेंडर इज नॉट क्लियर मीन्स यहां पर प्रेफरेंस आपको हिज को देना है और अगर यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है जेंडर तो भाई साहब जेंडर के हिसाब से आप लगाओगे सिंपल यहाँ पर हिज नहीं लगाओगे बात खत्म इतनी सी चीज भी आपको समझना है और अगर गर्ल्स भी दे रखे हो बॉयज भी दे रखे हो तो आप पास वाले के हिसाब से लगाना ठीक है चलो आगे नेक्स्ट वन शुड डू हिज ड्यूटी ये मैंने कॉन्सेप्ट जो है मुझे यहां सिखाना था लेकिन वो मैंने पहले ही सिखा दिया कि वन इज फॉलोड वन इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव वंस यानी कि जो वन होता है इसका खुद का अपने आप में एक पॉजिशन होता है वंस ठीक है तो आपको वंस का ही इस्तेमाल करना है आगे बात समझ में सभी को बताओ भाई आगे बात समझ में सभी को बहुत बढ़िया तो यहां पर आप देखोगे यहां पर हिज की जगह क्या आएगा वंश आएगा नीचे वाले में वन बॉय जो अभी अभी सॉल्व करके आए तो यहां पर भी वंस की जगह क्या आएगा हिज आएगा मतलब छोटी छोटी, छोटी चीजें क्लियर हो गई आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कॉन्सेप्ट नंबर ट्वेंटी फाइव ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजेबल भाई साहब सुपर फास्ट एक्सप्रेस चल रही है इतना धीमे चलने मतलब इतना फास्ट चलने के बाद भी मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा इस क्लास में ठीक है तो रिलेटिव प्रोन होते हैं हमारे तीन कौन कौन से हु विच दैट कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाथ दैट इनकी कहानी सुन लेते हैं थोड़ी सी अट... अतरंगी कहानी इनकी इसमें जो सबसे ज्यादा मेन रोल करता है ना वो करता है एंटीसीडेंट क्या करता है आपका जो एंटीसीडेंट होता है ना वही मेन रोल करता है अगर आपको याद होगा आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो आपको इस क्लास का बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है ठीक है आपको सबसे पहले यहां पर लिखना है एंटीसीडेंट सर एंटीसीडेंट क्या होता है हिंदी में इसको कहा जाता है पूर्व पद यानी कि एक ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी रिलेटिव प्रणाव से पहले लिखा होता है सर इस एंटीसीडेंट की जगह पर कुछ यूज होता है क्या मतलब क्या यूज होता है कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहां पर लिखोगे क्या यहां पर या तो आप नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्रनाउन यूज कर सकते हैं इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं कर सकते ठीक है मेरे दोस्त हाँ पास वाले के हिसाब से मतलब जो पहले पड़ जाए बैक बैक करके अमरदीप ठीक है मतलब दोनों लिखे होंगे तो जिसके पास में पजेसिव एडजेक्टिव होगा उसी के हिसाब से यूज किया जाएगा समझ पा रहे हो आ, देखो जरा रिलेटिव प्रोनाउन अब देखो इस तरह के सेंटेंस में आपको दो चीजें नजर आएंगी आगे वर्ब भी नजर आएगा ठीक है आगे वर्ब भी नजर आएगी आगे प्रोनाउन भी नजर आएगा दोनों चीजें समझ लेते हैं मान लो कोई सेंटेंस है कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है जरा समझ लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जित में से कोई भी एक रिलेटिव उससे पहले एक नाउन या प्रण लिखा हुआ है ठीक है तो इस ना नाउन या प्रनाउन को चेक करना पड़ेगा ये जो नाउन या प्रणाउन है इस रिलेटिव प्रणाउन का एंटीसीडेंट होना चाहिए यानी कि ये जो रिलेटिव प्रणाउन है वो इस नाउन या प्रनाउन को डिनोट कर रहा होगा या रिप्रेजेंट कर रहा होगा जैसे ही इस नाउन या प्रनाउन को यह रिलेटिव प्रणाउन रिप्रेजेंट करेगा उसी के हिसाब से रिलेटिव प्रोण यूज होगा उसी के हिसाब से आगे वर्ब यूज होगी उसी के हिसाब से आगे प्रोनाउन यूज होगा आगे बात समझ में देखो जैसे मैंने कहा कि अगर आपका एंटीसीडेंट लिविंग है कैसा है मेरे भाई लिविंग एंटीसीडेंट है तो आप लगाओगे हु अगर आपका एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है तो आप लगाओगे क्या विच और अगर आपका एंटीसीडेंट लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में से कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। तो वहां पर आप दैट लगा सकते हैं लेकिन वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए मतलब दैट यूज करते हैं स्पेशल कंडीशन में स्पेशल केसेस में अब वो स्पेशल केसेस क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा देखना जरा जैसे हु जो रिलेटिव प्रनाउन है इसके तीन केस होते हैं सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस इन तीनों में से कोई भी एक केस यूज किया जा सकता है ये आपका सब्जेक्टिव केस है हु का ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है ये आपका पॉजिटिव केस है ठीक है थीके? ऐसे ही विच का सब्जेक्टिव केस विच होता है ऑब्जेक्टिव केस आपका विच होता है और पॉजिटिव केस आपका ऑफ विच होता है अब इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा फाउंडेशन क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी और फाउंडेशन क्लासेस में आपको कम से कम 200 घंटे तो आप देने पड़ेंगे मतलब टोटल ग्रामर ग्रामर में कम से कम डेढ़ घंटे टोटल ओवरऑल इंग्लिश में ढाई से दो से ढाई घंटे आपको देने पड़ेंगे वो हमारी फाउंडेशन क्लासेस जितनी भी चलती हैं वो इतनी ही लंबी होती है लगभग पांच महीने का छह महीने का सिलेबस होता है उसको डीपली कवर करते हैं ठीक है अब एक क्लास में आपको पूरी क्लास का रिविजन करा रहा हूं इसका मतलब है आपको थोड़ा सा आ, सटीक सटीक चीजें दूंगा डीप चीजें नहीं दूंगा ठीक है अब आ जाते हैं देखो ये जो होते हैं ना हु वाले केसेस वो लिविंग नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और विच वाले नॉन लिविंग के लिए तो अब आप कहोगे कि सर दैट कब यूज होता है तो दैट की कुछ कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कौन कौन सी कंडीशन होती है दैट की और सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है वो आपका दैट होता है सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कॉन्सेप्ट uh, ऑफ देट रिलेटेड जो होता है इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि यही ज्यादा कंफ्यूज करता है ठीक है ये हुआ और बिच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट नंबर ट्वेंटी है ये कॉन्सेप्ट नंबर ट्वेंटी है ठीक है दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं इवन तीन कॉन्सेप्ट हैं ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन ठीक है तीनों अलग अलग तो तो हैं तो सबसे पहले हम दैट की कहानी सुन लेते हैं कि दैट कब इस्तेमाल किया जाता है अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखना चाहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट तो उसकी कुछ कंडीशन आपको याद रखनी है सर कौन कौन सी वो कंडीशन है पहली कंडीशन कि दैट से पहले वाले सेंटेंस में जिस पार्ट में एंटीसीडेंट होता है उसी पार्ट के अंदर सुपरलेटेड डिग्री होनी चाहिए अगर सुपरलेटेड डिग्री है या फिर बोथ वर्ड है या फिर या फिर ऑर्डिनल नंबर है ऑर्डिनल नंबर तो आप क्या लगाओगे आगे फिर भले ही आपका लिविंग हो एंटीसीडेंट या नॉन लिविंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अरे डिफेंस ब्लॉग अपने जो क्लास ले रहे हो ना उसको रिफ्रेश कर लो लाइक्स हमारे 800 प्लस है ठीक है नीरज कुमार हम यहां अलग हो गए हम देख लेना सुपरलेटिव डिग्री या फिर ऑर्डिनल नंबर या फिर बोथ वर्ड आ गया तो आपको आगे कंजेंशन क्या लगाना है कि रिलेटिव नाउन दैट लगाना है दूसरी कंडीशन होती है कि जो एंटीसीडेंट वाला पार्ट होता है यानी कि इधर आपको रिलेटिव प्रनाव दैट लगाना है मैं ऐसे प्रैक्टिकली समझाता हूँ यहां आपको दैट लगाना है उससे पहले वाला जो सेक्शन है अगर इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री नजर आ रही है या फिर बोथ वर्ड नजर आ रहा है या फिर ऑर्डिनल नंबर नजर आ रहा है तो आपको आगे दैट लगाना पड़ेगा आगे आपको दैट लगाना पड़ेगा चाहे आपका लिविंग एंट जो है सॉरी एंटीसीडेंट लिविंग हो या नॉन लिविंग हो उससे फर्क नहीं पड़ता अगर उससे पहले वाले सेक्शन में हु या विच में से कोई एक वर्ड दे रखा है वो भी इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह तो फिर आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग उससे फर्क नहीं पड़ेगा फिर से आपको दैट लगाना पड़ेगा अगर इनमें से कोई एक वर्ड है जैसे ऑल ऑनली सेम सच नन एनी इनको आप पेयर में याद करना ऑल ऑनली सेम सच नन एनी लिटिल फ्यू ठीक है एवरीथिंग समथिंग नथिंग और एनीथिंग इन चारों के साथ में अगर आपने थिंग लगा दिया तो भी आपको आगे दैट लगाने की जरूरत पड़ेगी ठीक है अब देखो जो मैन होते हैं मैन मतलब पर्सन जितने भी मैन वुमेन या चिल्ड्रन मतलब जो लिविंग नाउन होते हैं यानी कि जो इंसान होते हैं इंसानों के लिए लगाते हैं हु नॉन लिविंग के लिए और जानवरों के लिए लगाते हैं विच नॉन लिविंग प्लस जानवर पीछे लिख लेना नॉन लिविंग प्लस एनिमल ठीक है यहाँ पर एनिमल्स भी लिख लेना प्लस एनिमल्स और एनिमल्स के लिए हम हु भी लगा लेते हैं एनिमल्स के लिए विच भी लगा लेते हैं एनिमल्स के लिए दैट भी लगा लेते हैं दैट कब लगाएंगे जब कंडीशन होगी विच कब लगाएंगे जब वो जानवरों की तरह यूज किए जाएंगे हु कब लगाएंगे जब उनको इंसानों की तरह यूज किया जाएगा जानवर जो होते हैं वो कई तरह से यूज होते हैं जैसे गाय हमारी माता है तो इंसान हो गई मतलब देवता हो गए इंसानों से भी बढ़ के शेर जंगल का राजा है तो इंसान हो गया ठीक है चालाक लोमड़ी लोमड़ी अगर चालाक होने लग गई तो वो जानवर क्यों है ठीक है प्यासा कौआ थर्स्टिक रो तो ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको एक उपाधि दे दी जाती है इंसान से कंपेयर कर दिया जाता है इंसान के जैसे काम कर रहे होते हैं उनकी एक स्टोरी होती है उनका एक एक तरीके से उनका कंपेयर किया जाता है इंसानों से तब वो इंसान की तरह यूज होते हैं वहां पर उनके लिए प्रनाउन भी ही और सी लगाते हैं और रिलेटिव प्रनाउन हु लगाते हैं लेकिन जब उनको कोए को कौआ माने कुत्ते को कुत्ता माने ठीक है शेर को शेर माने गाय को गाय माने तब वहां पर विच लगाएंगे और जब दोनों एक साथ यूज कर लिए जाते हैं तीसरी कंडीशन देख लो जब उसमें इंसानों का नाम भी लिख रखा है और एनिमल्स का नाम भी लिख रखा है तो अब किसके हिसाब से लगाओगे तो फिर आपके पास कहने का मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है ना जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है ये एक यूनिवर्सल कंजंक्शन होता है इसको हम यूनिवर्सल कंजंक्शन कहते हैं ठीक है, है? यूनिवर्सल कंजंक्शन कहते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन बाद में पहले कंजेंशन होता है तो कंजेंशन एक ऐसा कंजेंशन है ये वाला दैट जो कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है भी दो किस को कनेक्ट करने के लिए है ना तो आप इसके लिए तो आप कभी कभी कहीं पे फंस भी जाया करो ना तो भी दैट से आप अपने सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं आप दैट लगा सकते हैं ठीक है दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो हु को भी रिप्लेस कर सकता है विच को भी रिप्लेस कर सकता है और खुद को भी रिप्लेस कर सकता है ठीक है मेरे भाई हाँ चलिए तो ये वाली बात आपको समझ all only, same, such, none, any, में आ गई सेम सच अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो आपको यहां पर दैट लगाना ही पड़ेगा और अगर इंसानों के नाम के साथ एनिमल का नाम भी जोड़ दिया तो भी आपको दैट लगाना पड़ेगा ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये चार कंडीशन है ठीक है फोर कंडीशन इन चार कंडीशन के बाद आपको दैट का इस्तेमाल करना होता है एग्जाम्पल समझ लेते हैं अच्छा मैंने आपको यह बता दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो वर्ब लगाते हैं ये वर्ब ये भी एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है आगे जो प्रोनाउन होते हैं ये भी आपके एंटीसीडेंट के हिसाब से होते हैं ठीक है दोनों चीज यहां पर लिख लेना एंटीसीडेंट के अनुसार एंटीसीडेंट के अनुसार यूज होते हैं जैसा एंटीसीडेंट वैसी वर्ब वैसा ही प्रोनाउन ठीक है और वैसा ही ये रिलेटिव प्रोनाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ जैसे मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में मुझे गलती बताओ क्या गलती है ऊपर वाले में ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए ठीक है बताओ फटाफट बताओ फटाफट से बताओ इट इज आई सॉरी इट इज नॉट आई हु टू ब्लेम ये सुनने में कितना बड़ा प्यारा लगता है इट इज आई इट इज नॉट आई ये मैं नहीं हूं जिसको ब्लेम किया गया है कहने का मतलब समझिए जरा आपने देखा कि ये जो, जो, जो है? है, हिसाब से ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, अब living है, भाई? Living है तो यहां पर सही है, living है तो सही है और हु के हिसाब से मतलब आई के हिसाब से यहां पर इज गलत है तो आपको यहां पर एम करना पड़ेगा ये एक्चुअली गलत ये जो गलती है ये आपके सिंटेक्स टॉपिक से पूछ ली गई है हालांकि इसमें यूज तो रिलेटिव प्रोनाउन का भी है मेरे भाई ठीक है बट आपने देखा कि यहां पर हु से पहले आई लिखा है आई का जो है आपको आई के हिसाब से वर्ब लगानी है तो बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी आंसर आपका बी हो जाना है ठीक है चलो अब आ जाते हैं नीचे वाले नंबर पे इवन दोच विच नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस देखो अगर कोई व्यक्ति है और वो वर्क एक्सपीरियंस ले रखा है तो मेरी भाई एक बात बताओ जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो किसके पास होता है इंसानों के पास ही तो होगा जानवरों के पास होगा नहीं पेड़ पौधों के पास होगा नहीं, पत्थरों के पास होगा नहीं मीनस कि आप कह सकते हैं कि जो विच है इससे पहले ये जो प्रोनाउन है ये लिविंग नाउन को डिनोट कर रहे हैं भाई वे लोग वे लोग ठीक है जिनके पास पिछला वर्क एक्सपीरियंस है उन लोगों को अप्लाई करना है मतलब उन लोगों ने अप्लाई किया है तो आपने देखा ये जो विच है, ना, ये है तो पहली बात तो लगाओगे यहां पर। बाकी सारी आपने देखा ये है। कैसा है भाई प्लुरल है और अगर ये प्लुरल है तो आपको यहाँ पर प्लुरल वर्ब लगानी पड़ रही है ये एकदम सटीक है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है बाकी सब कुछ ठीक है ये भी ठीक है सब कुछ ठीक है बस पहले वाले ही पार्ट में गलती है जहां पर विच दे रखा है पहले वाले पार्ट में गलती है। आंसर आपका ए हो जाना है मतलब कॉन्सेप्ट आगे देखोगे सलमान खान इज द एक्टर अब आ जाते हैं हु की बारी है यहां पर हु को समझ लेते हैं ये तो हु के कुछ केस होते हैं जैसे हु सब्जेक्टिव केस है इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है यहां पर लिख लेते हैं सब्जेक्टिव केस है हु ऑब्जेक्टिव केस है ठीक है और हुज जो है वो पॉजिटिव केस है ये अधिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब हु और हुज हु और हुम में से दोनों में से कौन सा आप लगाना पसंद करोगे बताओ ये सारे के सारे एस एस सी सीजल एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए एकदम रामबाड़ कॉन्सेप्ट साबित होंगे जितने भी मेरे भाई बंधु जो अभी दो दिन बाद एग्जाम देने वाले हैं एक तारीख से उनको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे भाई ये क्लास जरूर देख जाना इवन अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो ये क्लास जरूर देख के जाना चाहे आपका एग्जाम हो एसएससी का चाहे आपका एग्जाम हो बैंकिंग का चाहे डिफेंस का या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप आराम से इस क्लास को देख के जाना लेकिन आपके पहले थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ठीक है हाँ, तो आपने देखा सलमान खान इज द एक्टर सलमान खान वो एक्टर है जो नफरत करता है शाहरुख खान से मान लो आपने ये तो पहचान लिया कि यहां पर जो हुम लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है ये related pronoun है ये और ये living के लिए आ रहा है किस के लिए आ तो कोई दिक्कत है नहीं है लेकिन अब ये कैसे पता करोगे कि इसका कौन सा इस्तेमाल, कौन सा केस इस्तेमाल होना चाहिए भाई रिलेटिव प्रोनाउन पहचानना ज्यादा बड़ी बात नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन के cases में से कौन सा केस यूज होगा ये बड़ी बात होती है तो आपने देखा कि यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है उसके बाद में जो है एक सेंटेंस लिखा है तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है उसका कौन सा केस यूज होगा ये डिपेंड करता है कि इसके आगे वाला जो स्टेटमेंट है ना उसमें किस चीज की कमी है जिस चीज की कमी है वही उस कमी को पूरा करेगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आपने देखा कि ये जो हेट है ये क्या है वर्ब है और शाहरुख खान क्या है ऑब्जेक्ट भाई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो अब चाहिए क्या है? इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की जरूरत है किसकी जरूरत है मेरे भाई सब्जेक्ट ही अगर मान लो किसी सेंटेंस में यहां पर आपको हु लगाना है तो इसके बगल में वर्ब लिखी होनी चाहिए और उसके आगे ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए तब तो ये सही हो जाएगा मान लो यहां पर वर्ब ना लिख करके पहले ही सब्जेक्ट लिखा हो उसके बाद में वर्ब लिखी हुई है तो अब इसमें किसकी जरूरत है इसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो यहां पर हु आएगा पजेसिव केस में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि वहां पर तो सीधा सीधा पजेशन दिखाया जाता है ठीक है आपको होगी सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में अगर मान लो हु या हु में से कोई भी एक केस आपको लगाना है तो उसके बगल में चेक करना अगर वर्ब है है तो तो हु आएगा है तो हु आएगा सब्जेक्ट बात खत्म है ना और ये आपका 100 काम नहीं करेगा ये नाइनटी फाइव परसेंट काम करेगा हंड्रेड परसेंट वाली चीजें क्या होती हैं पांच दस परसेंट एक्सेप्शनल पॉइंट होते हैं उनमें क्या करना होता है कंफ्यूज कर देगा वो आपको क्योंकि एग्जामिनर बुद्धिहीन नहीं है एग्जामिनर आपकी तरह ही सोचता आपकी, beyond, आपकी सोच में या में आप जो लोग सिलेक्शन लेने की इच्छा करते हैं उनका एवरेज मार्क्स आते हैं उनके एवरेज मार्क्स आते हैं जो लोग एवरेज मार्क्स लाने की इच्छा रखते हैं वो फेल हो जाते हैं जो फेल होने की इच्छा रखते हैं वो सिर्फ सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं नगर में आके एकदम मौज मस्ती करते हैं ना बड़ी बड़ी सिटी में जाते हैं घूमते हैं, फिरते हैं एक दो साल ऐसे उनका टाइम पास करने का बस मन होता है घर वालों के पास पैसा बहुत है घूमे फिरे चले गए घर वापस ठीक है ऐसा होता है तो सलमान खान इज द एक्टर सलमान खान वो एक्टर है जो नफरत करता है मीन की ये नफरत करता है मतलब ये डूर हो गया यानी कि सब्जेक्ट हो गया तो यहां पर आपको सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा क्योंकि तो वर्ब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया सही हियर इज द मैन Whom, whom I thought. अब देखो यहां पर आपको कंफ्यूज कर देता है ये एक परसेंट वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है आपका नाइनटी फाइव परसेंट कर लो और इसको फाइव परसेंट कर लो ठीक है वाले पार्ट में आपको कंफ्यूज कर देता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना यहां पर क्या करेगा आपसे हुम लिखवा लिया इसके बाद में यहां सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके बाद में यहां पर वर्ब लिखी है तो बताओ यहां पर क्या आना चाहिए फटाफट से बताओ क्या यहां पर हु आना चाहिए क्या हुम आना चाहिए भाई मैंने बताया कि अगर यहाँ वर्व लिखी है तो हु आएगा सब्जेक्ट लिखा है उसके बाद वर्व लिखी है तो हु माना चाहिए सब्जेक्ट लिखा है उसके बाद वर्व लिखी है तो यहाँ पर हु माना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर हु नहीं आएगा यहां पर हु आएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ सेंटेंस खत्म हो गया लेकिन ये वाला सेंटेंस यहाँ पर खत्म थोड़ा ना हो रहा है उससे आगे भी तो लिखा हुआ है कमिटेड यानी कि एक और वर्व आ गई जब सेंटेंस के अंदर दो दो वर्व होती है तो दो दो सब्जेक्ट भी होने चाहिए मेरे भी स्कोर हर बार 50 50 50 50 रहता है 50 आउट ऑफ 50 30 आउट ऑफ 30 ठीक है 100 100 इस बार सीपीओ में दो नंबर कम रह गए लेकिन इस बार सीजल में फिर आपके साथ मैं एग्जाम देने जाऊंगा इस बार सीजल अभी मैंने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है लेकिन इस बार सीजल एक तारीख से जो होने वाले हैं उसमें मेरा भी नाम है बेटा ध्यान रखना ठीक है इसीलिए तो इतना अपडेटेड कंटेंट है मेरे भाई सटीक 95 परसेंट की एक्यूरेसी के साथ जब मेरा जो है स्कोर 100 परसेंट बन रहा है तो आपका क्यों नहीं बनेगा बताओ आपका क्यों नहीं बनेगा आपका इसलिए बनेगा क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूं जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं वही चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपको इसीलिए तो दे पाता हूं है कि नहीं देखो भाई देखो जरा यहां पर देख लेते हैं कौन है ये हाँ तो कमिटेड क्या होगी वर्ब ये दूसरी वर्ब आ गई एक वर्ब उसमें है तो जब दो दो वर्ब वर्ग है तो दो दो सब्जेक्ट भी होने चाहिए अभी इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा लेकिन इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट यहां मिलेगा इसीलिए आपको यहां पर हो लगाना पड़ेगा ठीक है ये वही व्यक्ति है जिसने इस क्राइम को किया है और जो हमने सोचा था मुझे लगता है इसी ने क्राइम किया है और फाइनली वही क्रिमिनल निकलता है तो हम कहते हैं देखिए वही व्यक्ति है जो हमने सोचा था इसी ने क्राइम किया है हाँ डिफेंस ब्लॉग ने एकदम सटीक पकड़े हैं भाई साहब ये बंदा है एकदम पढ़ाकू आदमी जिसने कॉन्सेप्ट्स को एकदम रट रखा है किसी को भी अगर इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स अगर ज्वाइन करना है मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप 2023 के लिए किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो और वहां पर आपको क्या करना चाहिए वहां पर जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं दो के लिए उनको अभी से फाउंडेशन क्लासेस लेना शुरू कर देनी चाहिए ठीक है हाँ ये वाला समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं प्रोनाउन टॉपिक का रिलेटिव प्रोनाउन की मैंने अलग से क्लास डाल रखी है यूट्यूब पे वो देख लेना ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन की कंप्लीट एक क्लास डाल रखी है दो ढाई घंटे की वो देख लेना सर्च कर लेना रिलेटिव प्रोनाउन उसमें अब ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा चलो देखो एक दो एग्जाम्पल्स और भी ऐसा है जैसे समझ में आ जाएगा आपको ठीक है हम्म हाँ प्रीवियस ईयर की वो की जो है कल क्लास है कल आप लोगों की एक और क्लास है जिसमें मैं आपको 1800 सौ कराने वाला हूँ कल सेम टाइमिंग सेम जगह सेम जगह सेम टाइम आप लोगों को मिलना है 1800 प्लस वो की क्लास आप लोगों को मिलेगी एक ही क्लास में लगभग छः से सात घंटे वो क्लास भी चलेगी तो आपको वो, <laughs> वो वाली क्लास भी लेनी है भाई <laughs> Who is the boy? Who abused? देखो दो दो बारू आ रहा है यहां पर भी हुआ रहा है और ये जो क्वेश्चन मार्क है ना ये किसके लिए आ रहा है ठीक यह है यहां पर लिविंग यह भी है मतलब सब कुछ सही है लेकिन फिर भी यहां पर हु नहीं आएगा फिर भी हु नहीं आ रहा है क्युं? क्यों क्योंकि जब हु पहले से एक और बार लिखा हुआ है तो यहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो जाकर के थोड़ा सा पीछे जाना यहां पर आपको मैंने जो सिखाया है कि अगर सेंटेंस में दैट से पहले वाले पार्ट में अगर हु या विच में से कोई भी एक वर्ड है वो भी इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह तो आगे दैट लगाना पड़ता है फिर चाहे आपका एंटीसीडेंट लिविंग हो या नॉन लिविंग फर्क नहीं पड़ता दिस इज द सेम बॉय देखो यहाँ पर विच देखा पहली बात तो विच के हिसाब से आपने देखा विच तो आना ही नहीं है लड़का है तो हु आना चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पर कायदे से हु भी नहीं आएगा अब हु क्यों नहीं आ रहा है सर यहां पर सिर्फ दैट आएगा विच नहीं आएगा ना आएगा ना विच आएगा दैट आएगा क्योंकि यहां पर ये कंडीशन दे रखी रखी है ये कंडीशन दे है सेम अब ये जो सेम वर्ड है सर ऐसे कहां से पकड़ पाएंगे भाई मुझे भी तो याद है मैं कोई ब्रह्मा जी थोड़े ना हूं। मैं कोई ब्रह्मा थोड़े ना हूं मैं कोई खुदा थोड़े ना हूं या जो बच्चे टॉप कर रहे हैं वो खुदा थोड़े ना है वो भगवान थोड़े ना है उन पर कहीं किसी का भूत की आशीर्वाद थोड़े ना है कि वो जादू से ऐसे करके इमेजिन करके अच्छा मेरी किताब में देख लिया तुरंत आंसर कर दिया वो भी इंसान है यार मुझे भी तो याद है सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं भी तो बिना देखे पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं रात में सोते सोते ही बता दूंगा ये सारे क्वेश्चन समझ रहे हो ना हाँ वो कैब की कल मैराथन है मेरे भाई कल लगातार छह से सात घंटे की मैराथन है <coughs> सात घंटे की मैराथन है वो कैब लड़ी की कल सेम सात बजे सभी को आना है तो सेम के साथ डेट आता है नीचे भी सेम देखो ये सही करके लिख दिया यहां पर हु नहीं आएगा यहां पर भी डेट आएगा ये वही लड़का है जिसने मेरा पेन चोरी कर लिया था भले ही यहां पर लड़का है फिर भी हु नहीं आ रहा देट आ रहा है सेम की वजह से सर कहां से लाए हो ये रूल देख लो ये लिखा है ऑल ओनली सेम सच नन एनी लिटिल फ्यू एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग इनमें से अगर कोई भी वर्ड आता है मैन प्लस एनिमल लिखा हो हु विच लिखा हो सुपर लेटी डिग्री लिखी हो बोथ लिखा हो ऑर्डिनल नंबर आपको दैट लगाना है चाहे लिविंग हो या आपका एंटीसीडेंट लिविंग हो या नॉन लिविंग उससे फर्क नहीं पड़ता बताओ यहाँ तक कितने लोगों की चीजें क्लियर हो गई है कल भंडारा होगा भंडारा होगा बिल्कुल सही बात है भंडारा होगा कल ठीक है चलिए मेरे दोस्तों ये क्लियर हुआ आगे आ जाते हैं अगला कॉन्सेप्ट ठीक है रूल नंबर ट्वेंटी एट सबसे पहले तो यहां पर यह चीज समझ लो कि भैया अगर आपसे पूछा जाता है कि काइंड ऑफ प्रोनाउन में एक और टाइप का प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ऐसा प्रोनाउन जिसमें सेल्फ या सेल्स लगा होता है इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं आप इसको इंपॉर्टेंट नहीं क्या लिखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखोगे और इसको मैं ट्रिक के साथ याद करा दूंगा भूलोगे नहीं सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है जरा समझ लेते हैं ये कह रहा है कि सम वर्ब्स कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो फॉलो करती हैं मतलब जो फॉलो की जाती हैं रिफ्लेक्स प्रोनाउन के द्वारा यानी कि यहाँ हिंदी में लिख लो कुछ वर्ब्स कुछ वर्ब्स अपने साथ कुछ वर्ब्स अपने साथ रिफ्लेक्स प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है रिफ्लेक्स प्रोनाउन ठीक है यानी कि सेल्फ या सेल्स लिख लेना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं ठीक है कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं यानी कि जब उनको सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो उनके बाद उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके साथ आए आएगा आएगा ही अच्छा सर कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जरा देख ले मैंने कहा बिल्कुल देख लो जैसे कि प्राइड हो गया रिकनसाइल हो गया इंट्रोड्यूस हो गया डिस्गाइज हो गया एंजॉय पांच वर्ब तो हो गई ये जिनको मैं एक बॉक्स में कर देता हूं बंद ठीक है और अगर आप चाहते हैं कि इन सारी की सारी वर्ब्स को याद कर लो सर तो याद करने का कोई इंतजाम है मेरे पास पूरा इंतजाम है टेंशन मत लो मेरे भाई मेरे पास ऐसा इंतजाम है कि कभी नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है ये आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है प्रनाउन टॉपिक से ठीक है अच्छा ये जो वर्ब्स आपकी लिखी है ऊपर पांच ये पांच वर्ड्स को तो आप एक झटके में एक चुटकी में याद कर लोगे ठीक है इनके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं एक ट्रिक है पांच वर्ड्स को याद करने की इसमें से सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है प्राइड ये मैं आपको कई बार डिस्कस करा चुका हूं यूट्यूब की क्लासेस में भी और हमारी पेड क्लासेस में भी ठीक है अगर आप अकेला एक प्राइड वर्ड याद कर लेते हैं तो इस प्राइड वर्ड की जो स्पेलिंग है जो पांच लेटर है इन पांच लेटर से आप पांच वर्ड्स याद कर सकते हो सबसे पहले आप इसको प्राइड लिख लो ऐसे खोल के ठीक है पी का मतलब हो जाएगा प्राइड आर का मतलब हो जाएगा रिकनसाइल आई का मतलब हो जाएगा इंट्रोड्यूस डी का मतलब डिस्काइस ई e का मतलब एंजॉय हो गया भाई साहब देख लो पी आर आई डी प्राइड क्लियर हाँ तो प्राइड याद करना है प्राइड का मतलब होता है घमंड रिकनसाइल का मतलब होता है समाधान करना गर्व करना समाधान करना इंट्रोड्यूस करना डिस्गाइज मतलब भेस बदलना खुद को छिपा लेना और एंजॉय मतलब आनंद लेना मजे लो मजे करो ठीक है चलिए अब आ जाते हैं नीचे वाली बब्स इनको कैसे याद करोगे इनको पेयर में याद करोगे ठीक है पेयर में कैसे याद करोगे एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं ऐसे करके याद कर लो भैया ये देखो एक दूसरे के एंटोनियम है तो एक्विट को याद करोगे तो अवेल भी याद हो जाना चाहिए जाए का मतलब होता है रिहा करना ठीक है छोड़ देना रिहा करना और इस अवेल का मतलब होता है पकड़ना गिरफ्त में लेना पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ दिया पकड़ लिया छोड़ लिया ऐसे करके एबसेंट और प्रेजेंट दोनों एक दूसरे के एंटोनियम होते हैं इनका मीनिंग आप लोगों को पता है बताने की जरूरत नहीं है उपस्थित और अनुपस्थित कोई प्रेजेंट है कोई प्रेजेंट नहीं है ठीक है

हालांकि बोलते तो सभी हैं करते भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन उन्हीं लोगों की लिस्ट में, में मेरा भी नाम होगा हमारा भी नाम होगा हम भी ओपन स्टडी को एक अच्छे रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म की तरह बाहर लेके आएंगे ठीक है बहुत से लोगों का भला होगा क्योंकि एक एजुकेशनल फील्ड ऐसा होता है जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं और इसकी सही गाइडेंस और सही एजुकेशन हर कोई व्यक्ति डिजर्व भी करता है और इसकी सख्त जरूरत भी है ठीक है तो इस फील्ड में हम बहुत सारी चीजें बद, बदलने वाले हैं साथ मिलकर के ठीक है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कर रहे हैं ऐसा कुछ तो रिवेंज और अवेंज दोनों एक दूसरे के सुनियम होते हैं इनको मत मान लेना इन दोनों का मतलब होता है बदला और बदला लेना क्लियर क्लियर अडेप्ट और प्रोस्ट्रेट क्या होते हैं अडप्ट होता है अनुकूल अनुकूल होता है इसका मीनिंग और प्रोस्ट्रेट मतलब होता है प्रणाम करना लेटना दंडवत प्रणाम करना लेटना ऐसे पोजिशन में लेट के प्रणाम करते हैं प्रणाम गुरु जी वो वाला सीन होता है ठीक है भाई हाँ चलो बहुत बढ़िया अब आ जाते हैं आगे अब आपने देखा कि ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है कैसे यूज होता है चरा समझ लेते हैं देखो समझ लेते हैं देखो जरा <coughs> देखिए सरकार यहां मैंने एक सेंटेंस लिख दिया दे एंजॉयड दैम सेल्स इन द पार्टी क्या यह सेंटेंस सही है गलत है बताना जल्दी से नहीं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एस वाला हम्म तो यहां पर जो है एकदम सही लिखा हुआ है क्यों सही लिखा है क्योंकि यहां पर आपने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके बाद एंजॉय के बाद, बाद। किसके बाद है भाई एंजॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नीचे लिखा हुआ है सी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी सी प्राइडस ऑन हर ब्यूटी सही है कि गलत है भाई गलत है क्या है गलत है क्योंकि प्राइड के बाद आपने देखा कि ऑन हर ब्यूटी क्या है ये तो जो जो हर ब्यूटी है ये ऑब्जेक्ट है ऑन का और प्राइड के बाद आपको क्या करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रण लगाना पड़ेगा तो ये गलत हो जाएगा आपको यहां पर लिखना पड़ेगा सी के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से हमें रिफ्लेक्सिव प्रणाम लगाना होता है हर सेल्फ क्या लिखना पड़ेगा ये हर सेल्फ लिखना पड़ेगा दे एंजॉय सेल्फ इन द पार्टी ये ठीक है सी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन पार्टी ऑन हर ब्यूटी ये सही है वो अपनी सुंदरता पे गर्व करती है सही है ठीक है मेरे भाई बहुत बढ़िया चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला अगले कुछ सेंटेंसेज हैं यहाँ पर देखोगे इसी से रिलेटेड हैं और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी नज़र आएंगे आपको कुछ करना है मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको बस एक काम करना पड़ेगा कि जो एन्जॉय है ना एंजॉय इसके ऊपर और इंट्रोड्यूस के ऊपर इन दोनों के ऊपर स्टार बना लेना क्योंकि इनके बाद कभी कभी रिफ्लेक्स प्रोनाउन आता भी है कभी कभी नहीं भी आता है और कब कब नहीं आता है, ये मैं आपको बता दूंगा ठीक है कमेंट्स में सबके देख रहा हूं सबके कमेंट्स पे मेरी नजर है सबके कमेंट्स में पढ़ भी रहा हूं पढ़ भी लेता हूं कोई भी कमेंट मुझे जरूरत का लगेगा मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा ठीक है? हाँ समझ गए हाँ। चलो यूपीएससी मोटिवेशन भैया कॉल वॉल कर लेना आप ठीक है नंबर वंबर आपको दे रखे होंगे ये नंबर लिखा हुआ है बट एक्चुअली अभी तो सच में नीड नहीं है हा <laughs> देखो जरा सी प्राइड हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी ये तो हो गया आगे देखते हैं ये रहा द टीचर एबसेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है भाई साहब गलत है ऊपर वाला गलत है नीचे वाला सही है अब नीचे वाला सही क्यों है क्योंकि यहाँ पर हर सेल्फ लिखा हुआ है और हर सेल्फ सही क्यों है भैया क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि ये एबसेंट वर्ड आ गया एबसेंट के बाद में आप क्या लगाना पसंद करोगे एबसेंट के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा ठीक है तो ऊपर वाला गलत नीचे वाला सही अच्छा ऊपर वाला जो नीचे लिखा हुआ है देखो दे एंजॉयड इन द पार्टी ये सही है कि गलत है? ये गलत है 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 ये दे एंजॉयड ठीक ये सही है अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछूंगा आप लोगों को जवाब देना ठीक है थीके? मैंने एक सेंटेंस लिख दिया दे एंजॉयड या फिर ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं शायद अगले स्लाइड पे रहा नीचे वाला सेंटेंस बताओ या फिर ये वाला बताओ पहले मैं यहां पर लिख देता हूं एक सेंटेंस लिख देता हूं दे एंजॉयड दे द पार्टी फटाफट से बताओ देखो कहने का मतलब ये होता है इस सेंटेंस को बताओ क्या ये सही है दे एंजॉयड पार्टी की गलत है फटाफट से बताओ दे एंजॉयड द पार्टी यह सही है कि गलत है उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया ये सही है कि गलत है बाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी वर्ब का जब ऑब्जेक्ट होगा ठीक है और वो वर्ब कुछ स्पेशल है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक प्रोनाउन लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो स्पेशल केस हो गया मान लिया लेकिन यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी कि एंजॉय के बाद देम सेल्फ कब आ रहा है जब यहां पर पार्टी से पहले इन लगा हुआ है जब भी पार्टी से पहले इन लगाओगे या प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट तो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मतलब हो जाता है क्या प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मतलब हो जाता है एडवर्ब प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब का भी काम करता है अभी फिलहाल ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है ये पूरा का पूरा एडवर्ब है एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये एडवर्ब है इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस जब सेंटेंस में एडवर्ब दे रखा होगा तब तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना इस ऑब्जेक्ट इस वर्ब का भाई वर्ब का तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कह रहा है कि भाई मैंने एंजॉय किया पार्टी में तो आपको ये तो बताना पड़ेगा कि पार्टी में किस चीज को एंजॉय किया आपने जो एक्शन किया किसके ऊपर किया तो आप कहोगे कि मैंने खुद को एंजॉय किया या फिर आप पार्टी में किसी दूसरी चीज का नाम ले दो कि भैया मैंने दारू को एंजॉय किया मैंने मटर पनीर को एंजॉय किया मैंने किसी अदर चीज को एंजॉय किया तो आप लगा सकते हैं आई एंजॉयड और उस ऑब्जेक्ट का नाम और इन द पार्टी लिख सकते हो लेकिन अगर वहां पर इन द पार्टी लिखा है और कुछ नहीं लिखा तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा अब आ जाते नीचे वाले सेंटेंस में यहां जो पार्टी है, ये है मैंने इस पार्टी को एंजॉय किया मैंने पूरी की पूरी पार्टी को एंजॉय किया जो कुछ भी पार्टी में था मैंने पूरी की पूरी पार्टी को एंजॉय किया मीनस कि यहां पर एंजॉय का ऑब्जेक्ट मिल गया पार्टी तो ये सेंटेंस एकदम सही है इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है टीचर के साथ हिमसेल्फ क्यों आया Herself भी तो आ सकता है नहीं जब भी कॉमन नाउन कभी भी नजर आता है और कॉमन नाउन के लिए आपको तो आप दोनों में से जो मर्जी है जेंडर के हिसाब से लगा सकते हो अगर आपका जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप हिज को यानी कि मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफर करोगे ये वाली बात दिमाग में सेट कर लो हमेशा के लिए सी इंट्रोड्यूस टू टू दी मिनिस्टर अगर टू दी मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर के सामने उसने इंट्रोड्यूस कराया है तो किसको कराया है यह नहीं बताया तो यह गलत हो गया तो आपको यहां पर रिफ्लेक्स से प्रणाम लगाना पड़ेगा यह हिमसेल्फ ये हो जाएगा सही आपका ऊपर वाला गलत सी इंट्रोड्यूस टू दी मिनिस्टर गलत हो गया सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू मिनिस्टर यह सही होगा लेकिन अगर किसी ने ऐसे लिख दिया सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू दी डीएम तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें उसने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट लिख के दिया है तो जब तक इंट्रोड्यूस और एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा तब तक तो वो सही है और ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा एडवर्ब लिखा होगा तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा समझ गए मेरी बात चलो अब आगे बढ़ते हैं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कॉन्सेप्ट नंबर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट देखो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं कुछ वर्ब्स के बाद जैसे कि प्राइड रिक इंट्रोडक्शन डिस्गाइज ये सब लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना नहीं है मतलब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं जैसे कि कीप हो गया स्टॉप हो गया टर्न हो गया क्वालिफाई बेद मूव रेस्ट हाइड एंड ड्रेस ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं मेरे भाई जो अपने साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं वी डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोल दिया आई वेद माई सेल्फ तो गलत हो जाएगा आई वेद माई सेल्फ इन द रिवर ये गलत हो गया भाई साहब क्योंकि ये जो वर्ब है वेद इसी में से एक वर्ब है देखो यहां पर लिखा है वी डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जानते हो क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं जानते हो वही सेल्फ और सेल्स वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है क्लियर hmm. तो हम्म गलत हो गया ऐसे नीचे देखो वी मस्ट सप्लीमेंट आर डाइट विद विटाम्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट भाई साहब हमें अपनी डाइट में मिनरल्स और विटामिन लेने चाहिए ताकि हम अपने आप को फिट रख सकें अपने आप को फिट रखने के लिए तो कीप के बाद जो वन सेल्फ लिखा है ये गलत हो जाना चाहिए क्या हो जाएगा भैया सिर्फ की जाएगा वन सेल्फ लगाने की सुनने में सही लगेगा सुनने में देखने में सब सही लग रहा है लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका आंसर हो जाना है डी आंसर हो जाएगा डी क्लियर है मेरे दोस्त शाबाश आगे बढ़ो नेक्स्ट अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्टी की तरफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कह रहे हैं जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं एक तो होता है आपका दिस और एक होता है दैट ठीक है इनकी प्लुरल फॉर्म होती है एक होता है दीज और एक होता है दोज ठीक है दीज और दोज अब आ जाते हैं कि सर इन दोनों में फर्क क्या होता है तो देखो दिस यूज करते हैं पास के लिए और दैट यूज करते हैं दूर के लिए दीज भी पास के लिए और दूर के लिए ठीक है भाई और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है सर इसका मतलब होता है ये उंगली करना हर काम में उंगली करना भाई उंगली करने का मतलब है संकेत करना मैंने कहा भाई ये व्यक्ति जो है ना ये मेरा भाई है ये व्यक्ति जो है ना ये मेरा भाई वो वो जो है ना वो मेरा दोस्त है भी. ये जो बाइक है ना ये मेरी है वो वाली बाइक तेरी है ये बंदी नहीं समझ पा रहे ना ये वो उंगली करना यही डिमोन्स्ट्रेशन होता है संकेत करना संकेत या फिर इशारा क्लियर अच्छा माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल अगर ऐसे किसी ने क्वेश्चन लिख दिया ये एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख रखा ये गलत हो गया अब गलत क्यों हो गया एक चीज भी आपको समझनी पड़ेगी वो क्या है एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी वो क्या है वो ये है कि जब भी आप कंपैरिजन करते हो तुलना करते हो वो हमेशा समान केस में किया करो ये बंदी मेरी है बंदी का स्टैंडर्ड देखो भाई अपना स्टैंडर्ड देखो भाई जो मन में आया पसंद कर लेते हो यार उंगली रख देते हो हर जगह उंगली नहीं की जाती स्टैंडर्ड मैच करो अपना ठीक है हाँ ये बंदा बंदी जो कुछ भी है पहले स्टैंडर्ड मैच करो ये कार मुझे खरीदनी है चाहे मेरा घर बिक जाए अरे घर तुम्हारे नाम पे थोड़ना है पिताजी का घर है कैसे खरीद लोगे भाई वो कार ही दो करोड़ की है तुम कैसे खरीद लोगे यार तुम लोग तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की जिसकी मैक्सिमम तनख्वाह होती है एक लाख डेढ़ लाख लास्ट एक लाख होगी या सत्तर अस्सी हजार पूरे जीवन भर दो करोड़ की जो है ई एम आई चुकाते रहोगे क्या ही करोगे यार नहीं स्टैंडर्ड मैच करके तब चीजें पसंद किया करो अगर किसी का स्टैंडर्ड हाई है तो आप उसको मान लो जाकिर खान की तरह कि पता है पटनी तो है नहीं है तो विंडो सीट क्यों दू समझ रहे हो ना हम लोग बस की विंडो सीट दे देते दे हैं तुम तो लोग प्लेन तो छोड़ो बस में अगर बैठे हो तो हम जानबूझ के पहले से हट जाएंगे हाँ बैठ जाओ आप भाई साहब हम तो खड़े हो जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको ठीक है पहले स्टैंडर्ड मैच करो जहां उम्मीद दिखे फिर आप चीजों को पसंद किया करो माय हाउस इज बिगर देन माय अंकल अब देखो इसने कंपैरिजन गलत कर दिया तो मामला गड़बड़ा गया मेरा घर जो है बड़ा है मेरे अंकल से सबका होता है यार अंकल से तो बड़ा ही होगा ना घर समझ पा रहे हो अंकल से तो बड़ा ही होगा ना घर <coughs> हाँ तो आपने देखा मेरे दोस्त कि घर का कंपैरिजन अंकल से कर दिया तो क्वेश्चन तो गलत होना ही है सेंस गलत है तो क्वेश्चन भी गलत है अब इसका सेंस सही करने के लिए आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने सेंटेंस में दो तरह के बदलाव यहां पर एक हिंदी में एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा कि तुलना हमेशा हमेशा समान केस में की जाती है तुलना हमेशा समान केस में की जाती है अगर तुलना आप समान केस में नहीं कर रहे हो आप रास्ता भटक चुके हो क्वेश्चन गलत होने की शंका है ठीक है चलिए तो माय हाउस इज बिगर देन माय अंकल्स सही है आप दो तरीके से सही कर सकते हैं इसमें आपको पोजेशन दिखाना पड़ेगा या तो आप ऐसे कर सकते हैं माय हाउस इज बिगर देन माय अंकल्स ये भी सही है या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास दूसरा तरीका यह है कि इसमें आप डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करके भी हां कल क्लास होगी सिनोनिम और एंटोनिम की अट्ठारह सो वो कराने वाला हूं उसमें एक हजार लिखा है मैं उससे ज्यादा कराऊंगा दो हजार कराऊंगा माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल दैट ऑफ मतलब समझ गए दैट क्या है That एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और माई अंकल जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका प्रपोजिशन ऑफ का अब ऑफ कब आता है पॉजिशन के लिए पॉजिशन किसका है माई अंकल का किस पे दैट पे जैसे मैंने कहा कि लेग ऑफ चेयर तो चेयर की टांग ऐसे ही अंकल जी का क्या डैश डैश मतलब दैट दैट मतलब हाउस तो मेरा जो घर है वो बड़ा है दैट से दैट मतलब हाउस अब यहां पर आप हाउस लिखोगे तो थोड़ा सुनने में सही लगेगा आपको जरा चेक करना माई हाउस इज बिगर देन हाउस ऑफ माई अंकल सही है भाई सही है लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त प्रॉब्लम पता है क्या है प्रॉब्लम ये है कि हाउस जो है वो एक नाउन है जो एक ही सेंटेंस में रिपीट हो रहा है एक नाउन को हम एक ही सेंटेंस में रिपीट नहीं करते उसकी जगह प्रनाउन यूज करते हैं तो हमने यहां पर प्रनाव लगा दिया दैट प्रनाउन लगा दिया दैट और दैट ही क्यों लगाया क्योंकि मेरा घर पास में है अंकल का घर दूर है और दूर के लिए हमें दैट लगाना पड़ता है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ रखा है अब ये ही कम से कम से से मिनट मिनट का है मैं आपको आपको में निपटा रहा हूं तो भाई तो भाई साहब कुछ अपनी तरफ से सीखना पड़ेगा और डीपली सीखना है तो फिर समय देना पड़ेगा चार छह महीने का समय निकाल के लाओ मेरे पास फिर मैं आपको हीरो बना दूंगा तो दैट ऑफ लगा दोगे अगर यहीं पर हाउस जो है प्लुरल होता हाउस अगर प्लुरल होता होता तो दैट की जगह दोस्त कर देते बस बात खत्म अब आ जाते हैं रेसी प्रोकल्पना की तरफ सर ये रेसी क्या होता है रेसी प्रोकल का मतलब होता है आपसी इसका हिंदी में मतलब होता है आपसी आपसी मतलब पारस्परिक ठीक है आपसी मतलब होता है पारस्परिक एक दूसरे जैसे आप मेरी मदद कर रहे हो मैं आपकी मदद कर रहा हूं इसको रेसी प्रोकल कहते चलिए भाई सरकार देखो रेसी प्रोकल्पन क्या होता है आपसी यानी कि पारस्परिक अब देखो अदर और वन एन अदर दो होते हैं हमारे रैसी प्रोकल्पन दो हमारे रैसी प्रोकल्पाउन होते हैं एक तो होता है अदर और एक होता है वन एन अदर ठीक है चलो तो ईच अदर और वन एंड अदर में से कौन सा कब इस्तेमाल किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए ईच अदर यूज करते हैं दो लोगों के लिए जब नंबर ऑफ कैंडिडेट दो होते हैं ठीक है और वन एंड अदर दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं और दोनों का मतलब होता है एक दूसरे इसका हिंदी में मतलब होता है एक दूसरे जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा ऑल ऑफ दिस स्टूडेंट्स हेट सारे के सारे स्टूडेंट हेट करते हैं किससे एक दूसरे से तो एक दूसरे के लिए हमने यहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज कर लिया अब ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इज दैट क्लियर ज दट करेक्ट और नॉट इज दट करेक्ट दिस इज करेक्ट और नॉट दो तरह से बोल सकते ठीक है हा देखो ऑल दारे uh, के सारे है, तो स्टूडेंट हैं तो ऑल तभी यूज करते हैं दो से ज्यादा होगा तो हमने यहां पर वन अंदर लगा दिया ठीक है भाई ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट ईच अदर अगर यहां पर लिखा होता तो, तो ये गलत हो जाता है ऊपर वाला सही नीचे वाला गलत है अगर यहाँ पर लिखा है बोथ ऑफ तो दी गर्ल्स मतलब दो लड़कियां हैं दोनों में से दोनों की दोनों एक दूसरे को चिढ़ाती हैं तो यहाँ पर हमने ईच अदर लिख दिया बताओ किसी को कोई तकलीफ ये सेंटेंस सही है क्योंकि पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं दो ये कितने हैं दो से ज्यादा जब दो से ज्यादा होते हैं तो हमें वन अनादर यूज करना होता है क्लियर है छोटी सी चीज है आगे बढ़ जाते हैं ना बहुत बढ़िया अब आ जाते हैं एक दो एग्जाम्पल और देख लो ही एंड आई हेल्प ईच अदर दो लोग हैं तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे ईच अदर वन अंदर गलत हो जाएगा ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट कॉन्सेप्टेटिव प्रोनाउन इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें से एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया वो ये है आपके लिए एक एग्जांपल लिख दिया मैंने हु इज योर फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड इंडस्ट्री शाहरुख खान सलमान सलमान खान शाहरुख खान और अक्षय कुमार अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपका कोई फेवरेट एक्टर पूछता है कि भैया कौन सा फेवरेट एक्टर है तो आप क्या जवाब दोगे आप अपनी पसंद मत बनाने लग जाना कि सर मुझे तो अक्षय कुमार पसंद है मुझे शाहरुख खान पसंद है मुझे सलमान खान मैं पूछ रहा हूं कि अगर किसी ने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो अपनी पसंद ना बता करके इस क्वेश्चन में गलती बता पाओगे पसंद तो दुनिया बता देगी मुझे वो पसंद है मुझे सोनाक्षी सिन्हा पसंद है मुझे कृति सेनन पसंद है मुझे कटरीना क्या पसंद है मिलने वाला क्या है उनके चक्कर में नौकरी और चली जाएगी समझ रहे हो जो भी पसंद है अपने दिल में रखो जरूरत पड़ने पे निकालना अभी क्वेश्चन का आंसर कर दो कि यहाँ हु जो लिखा हुआ है देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है सबसे पहले ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाने की चीज तो है बट इसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है मैं डायरेक्टली जंप कर गया कॉन्सेप्ट की तरफ ठीक है क्योंकि मुझे पता है अगर आप सीजीएल देने जा रहे हो तो आप इतने बच्चे नहीं हो और बच्चे हो तो मत जाना पेपर देने आपको यह पता होगा कि इंटेरोगेटिव वर्ड जब सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है तो प्रोनाउन ही होता है भाई सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन यूज हो सकता है अब वहां पर हमने एक वर्ड यूज कर लिया तो यहां जो हु है वो क्या है? Pronoun है। ये जो क्या है pronoun है 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 प्रोनाउन प्रोनाउन ये जो वर्ड यहां पर भी हु प्रोनाउन है एक डब्ल्यू एच वर्ड जब प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये क्वेश्चन हो जाता है गलत यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है और इसके आगे टेक कर लेना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट क्या कहता है नोट करके यहां पर नीचे लिख लो जब हमें सेंटेंस के अंदर किसी भी चीज का सिलेक्शन करना होता है चुनाव करना होता है ठीक है तो यहां पर लिख लो फॉर सिलेक्शन फॉर सिलेक्शन सिलेक्शन के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्शन के लिए हु का नहीं विच का यूज किया जाता है विच इज

चलिए आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ टॉपिक के कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स जो जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन में आते हैं सारे के सारे के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं ये वो रूल्स हैं हैं ये ये वो ये वो कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर एक कंपाइलेशन में आप लोगों के सामने रख दिया ठीक है और इनका फायदा लेना आपका काम है मेरे भाई इतना शेयर करना कि हर एक स्टूडेंट के हाथ लग जाए क्लास जाकर के एक बढ़िया तरीके से अपना जो है परफॉर्म करके आए ठीक है हाँ दे हु लिव इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन ये एक थॉट भी है और ये एक क्वेश्चन भी है है ना इसका जवाब आपको देना है हाँ बताओ फटाफट से जल्दी जल्दी जवाब दो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देना जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त सभी लोग सेशन को लाइक कर दो और एक एक बार चैनल को क्या कर दोगे सब्सक्राइब कर लेना जितने भी लोगों ने नहीं किया है और एक एक बार सेशन को क्या कर दोगे शेयर कर दोगे ठीक है हाँ किसी को भी अगर दिल्ली मुखर्जी नगर की लोकलिटी में आके ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो ओपन स्टडी गुरुकुल में रह करके आप जो है कस्टडी में रह रहकर पढ़ाई कर सकते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में ही अभी मैं आपको और डिटेल में बातें बताऊंगा ठीक है थोड़ी देर वेट कर लेना मिसलिनियस में एक कॉन्सेप्ट यहां पर आता है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई रिलेटिव प्रनाउन यूज करते हैं ठीक है और रिलेटिव प्रोनाउन तो होते हैं दो तीन चार पांच कई सारे होते हैं मैं सिर्फ दो की बात करूंगा एक हु की और एक की तो हु और दैट से पहले हु और से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हु या फिर दैट से पहले दे लिखा है तो ये गलत हो जाएगा ठीक है दे को काट के हम दोज कर देते हैं कभी भी दे यूज नहीं करोगे ठीक है दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि एक और कोई कंजंक्शन अगर आ जाता है तो वो भी नहीं आना चाहिए नो no कंजेंशन अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक और कंजेंशन लगा हुआ है वो गलत हो जाएगा नो no कंजेंशन ठीक है ना तो डबल कंजेंशन मतलब एक कंजेंशन यूज करना है उससे पहले और ना ही दे यूज करना है दे जगह क्या यूज करोगे दोज यूज करोगे ठीक है ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं जैसे आपने देखा कि यहां पर हु लिखा हुआ है और हु से पहले दे लिखा है तो आप दे नहीं लिख सकते इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा दोज लिखना पड़ेगा अब ये कॉन्सेप्ट है तो है ये कोई प्रोनाउन के टाइप्स में तो आता नहीं है ये कोई प्रोन के कॉन्सेप्ट में तो आता नहीं है ये तो मिसलिनियस पार्ट है ये हर कोई तो नहीं पढ़ाता आपको यूट्यूब पर तो नहीं कोई पढ़ाएगा यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीमियम क्लास है मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रीमियम क्लासेज भी यूट्यूब पर फ्री बच्चों को दे दूँ जिससे उनका फायदा हो जाए जिन्होंने पेड क्लासेज नहीं ले रखी है कम से कम मेरी जो नॉलेज है मेरी जो है मेरी जो चीजें हैं वो आप लोगों के काम तो आए भाई पेड क्लासेस में तो चल ही रहा है उसके साथ शॉर्ट कंपाइलेशन में आपको दे सकता हूं फ्री में तो मैंने दे दिया ये भैया पेड क्लासेस क्लासेस प्रीमियम का कंटेंट है है और इन्हीं से सिलेक्शन होते हैं ठीक है? तो सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा ईमानदारी से डीपली पढ़ना पड़ेगा एक बार तो पढ़ लेना मेरे भाई ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से आगे बढ़ जाते हैं एक और मिसलेनियस कॉन्सेप्ट आ जाता है ये मिसलेनियस कॉन्सेप्ट होते हैं ये कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं प्रॉपर ऐसे जाने माने कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है जैसे ये लिखा हुआ है इट्स अ लॉन्ग वे टू रीच आर डेस्टिनेशन अगर मैंने बोल दिया इट्स अ लॉन्ग वे टू रीच आर डेस्टिनेशन तो मतलब सुनने में तो सही है सुनने में तो आप पता नहीं कर पाओगे कि मैंने क्या बोला मैंने तो ये बोल दिया इट्स लेकिन असल में होता तो कुछ और है ना भाई बोलने में तो आप कुछ भी बोल सकते हो एक इट्स ये होता है एक इट्स ये होता है दोनों में फर्क पता होना चाहिए ये वाला जो इट्स है ना वो इट इज वाला इट्स है और ये वाला जो इट्स है ना ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑफ इट है पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन इट आगे बात समझ में इट का पॉजिटिव प्रोनाउन है ये हम्म तो यहां पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी भी यूज नहीं हो सकता ठीक है इट इज ये क्या है इट इज ये तो ऑब्जेक्ट है अलोंग वे ये पूरा का पूरा अलोंग वे क्या है ऑब्जेक्ट है किसका इज का तो यहां पर आपको इट इज लिखना पड़ेगा इट इज अग वे ये आपका मिसलेनियस कॉन्सेप्ट गए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन एक और है गोपाल इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड हु इज माय बेस्ट फ्रेंड अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के आया हूं मिसलेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर ही इससे पहले बताओ इसमें क्या गलती है फटाफट फटाफट बताओ अरे अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने ये रहा। ये रहा रहा कि भैया अगर रिलेटिव प्रनाव लिखे हुए हैं तो उससे पहले एक और कंजेंशन नहीं लगाते हैं मतलब दो दो कंजेंशन कभी भी सेंटेंस के अंदर नहीं आते यहां पर हु देखोगे ये क्या है रिलेटिव प्रनाउन और ये जो एंड है ये क्या है कंजेंशन गलत हो गया ठीक है तो यहां से एंड हटा देना है सिर्फ रिलेटिव प्रनाउन लिखा जाएगा हाँ ये हो जाएगा गोपाल इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु इज माई बेस्ट फ्रेंड गोपाल बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट और मेरा दोस्त है आगे बढ़ जाते हैं यहां आपके दो चैप्टर फिनिश हुए मेरे भाई दो चैप्टर फिनिश हो गए अब बारी है किसकी आप फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं डीपली अगर चार चार महीने की क्लासेस अटेंड करनी है तो कल सुबह सात बजे सॉरी कल शाम सात बजे सेम टाइमिंग पर सेम जैसी क्लास सात आठ घंटे की क्लास फिर से होने वाली है लगातार सात आठ घंटे ये भी सात आठ घंटे चलेगी देखते हैं कब तक तो चलेगी है ना और इससे पहले जो कल क्लास होगी वो बुकेब्लरी की अठारह सो वोबलरी की क्लास होगी ठीक है इससे पहले भी मैंने सात आठ क्लासेस आप लोगों को दे पांच पांच घंटे और फ्री पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा ओपन स्टडी जिसका लिंक कॉपी उसमें दे रखा है ठीक है और ये सारे के सर एग्जामिनेशन को कवर करती है फिलहाल एस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है तो ये जरूर देख के जाए लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका काम है टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताई दिया है किसी को भी ओपन स्टडी गुरुकुल ज्वाइन करना है दिल्ली में आना पड़ेगा आपको ये सारी सुविधाएं एक ही जगह पर दी जाती हैं हॉस्टल खाना पीना लाइब्रेरी वाईफाई क्लासेस सिक्सटीन आवर स्टडी रूटीन टीचर्स की गाइडलाइन डाउट सेशंस और भी बहुत कुछ मैनी मोर ठीक है हाँ सब कुछ एक ही जगह सारे के सारे एग्जामिनेशन कवर करते हुए बैंकिंग हो डिफेंस हो सी हो कोई, कोई बस आप सपने से उड़ान हम देंगे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास हैं आप लोग का क्या कर सकते हैं कॉल मैसेज करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं इंग्लिश फाउंडेशन बैच ये वाला हमारा चल रहा है लाइव प्लस बीओडी और रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं एडजेक्टिव टॉपिक की यहां पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं एडजेक्टिव होता क्या है ठीक है एडजेक्टिव जो होता है मेरे भाई एडजेक्टिव टॉपिक क्या होता है एक एडजेक्टिव जो होता है वो क्वालिटी होती है एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी और क्वालिटी मतलब क्या होता है किसकी क्वालिटी क्वालिटी ऑफ नाउन मतलब एक नाउन की या फिर प्रोनाउन की एक क्वालिटी को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं ठीक है आपकी क्वालिटी होगी तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा ऐसे करके और एडजेक्टिव के अंदर एक पार्ट होता है एडजेक्टिव प्लस डिग्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये किसका पार्ट होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये पार्ट होता है आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है इतना ध्यान रखना ठीक है एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आते हैं एडजेक्टिव प्लस डिग्री के कॉमन कॉन्सेप्ट होंगे और सारे कॉन्सेप्ट नहीं होंगे चुनिंदा कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा ठीक है चलिए मेरे भाई सभी लोग, लोग आ जाए पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्रिटिकल है समझ से बाहर भी हो सकता है ना थोड़ा ध्यान लगाना अच्छे से हाँ देखो सेम कैटेगरी और अदर कैटेगरी अगर आप कंपैरिजन करते हैं ये डिग्री वाले क्वेश्चन सबसे पहले डिग्री वाले करते हैं मैंने मैंने एक एग्जांपल देगा राहुल इज बेटर देन एनी बॉय कहा कि राहुल जो है वो किसी भी लड़के से अच्छा है इसका मतलब वो वो खुद 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 भी भी तो लड़का है वो खुद भी, खुद से भी अच्छा हो जाएगा ठीक है तो मैंने यहां पर लिख दिया राहुल मैंने यहां पर लिख लिया राहुल ठीक है और यहां पर लिख दिया सारे के सारे बॉयज और इस बॉयज वाली कैटेगरी में राहुल भी आता है यानी कि एक ग्रुप हो गया ये हो गया आपका ग्रुप वन ठीक है ग्रुप एक हो गया ग्रुप टू गर्ल्स वाला ठीक है गर्ल्स वाला ये हो गया आपका, अच्छा है तो क्या पॉसिबल है नहीं क्योंकि सारे लड़कों से अच्छा है मतलब वो खुद से भी अच्छा हो जाएगा तो ये जो बंदा है राहुल वो अभी इस सेंटेंस में सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है, है ना सेम कैटेगरी ऐसे लिख लो सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है क्योंकि उसकी कैटेगरी सेम है लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दू राहुल राहुल सारी लड़कियों से अच्छा है या राहुल बाकी सारी लड़कियों से अच्छा अगर मैं ऐसे बोल दू तो, राहुल बाकी सारी लड़कियों से अच्छा है तो ये भैया क्या हो जाएगा ये भी लड़का हो जाएगा लड़की हो जाएगा जबकि राहुल तो लड़का है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम किसी एक कैंडिडेट का कंपेरिजन करते हैं पूरी कैटेगरी से तो आपको यह पता करना है कि वो जो कैंडिडेट है क्या उसी कैटेगरी का मेंबर है या किसी अदर कैटेगरी का है अगर वो सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है सेम कैटेगरी से तो कंपैरिजन के सेंस में आपको देन के बाद एनी, ठीक है और उसके बाद अगर सेम कैटेगरी है तो अदर लगाना पड़ेगा अगर सेम कैटेगरी है तो आपको देन एनी के बाद अदर लगाना पड़ेगा और अगर सेम कैटेगरी नहीं है तो आप देन एनी के बाद अदर नहीं लगाओगे क्योंकि अदर लगाने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि वो तो पहले से अलग है अलग करने के लिए हमें अदर लगाना होता है जैसे मैंने कहा कि राहुल बाकी सारे लड़कों से अच्छा है यानी कि राहुल खुद को छोड़कर के बाकी जितने भी लड़के हैं उन सबसे अच्छा है तो खुद को उसने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो भी लड़का है अगर वो सेम कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता होगा तो उसको अदर लगाने की जरूरत नहीं है राहुल सारी लड़कियों से अच्छा है, अच्छा है राहुल बाकी सारी लड़कियों से अच्छा है राहुल बाकी सारी लड़कियों से अच्छा है इसका मतलब है वो खुद भी लड़की है लेकिन ऐसा तो है नहीं है ना हाँ तो राहुल लड़कियों से अच्छा है तो कैटेगरी ही अलग है अलग कैटेगरी है तो अदर लगाने की जरूरत नहीं है तो आप क्या कहोगे राहुल इज बेटर देन एनी अदर बॉय क्या करना पड़ेगा एनी के बाद अदर लगाना पड़ेगा ठीक है देन एनी के बाद अदर लगाना पड़ेगा जैसे यहां पर लिखा हुआ ताजमहल इज बेटर देन एनी अदर मॉन्यूमेंट ठीक है अच्छा यहां पर यह कौन सी डिग्री है कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री है ये भी कंपैरेटिव डिग्री है ये देन लगा हुआ है क्या है देन लगा हुआ है लेकिन अगर यहीं पर सुपरलेट डिग्री होती जैसे मान लो ऐसे लिखा होता राहुल बेस्ट बेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स तो अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है अगर यहां पर कंपेरेटिव डिग्री ना होकर के सुपरलेट डिग्री होती तब क्या होता ये सही होता कि गलत होता तो ये गलत हो जाता क्योंकि कभी भी इतना ध्यान रखना ये नोट करके एक पॉइंट लिख लेना यहां पर यहां पर लिख लेना कभी भी सुपरलेटेड डिग्री के साथ सुपरलेट डिग्री के साथ कभी भी अदर का यूज नहीं किया जाता इसका भी रीजन बताऊंगा क्यों नोट करके लिख लेना कि सुपरलेटेड डिग्री के बाद कभी भी अदर मतलब सुपरलेटेड डिग्री के साथ आप अदर का यूज नहीं कर सकते उसका एक रीजन है मेरे दोस्त क्यों क्यों नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका अदर वर्ड होता है वो किसी भी चीज को एक्सक्लूड करता है आपको छोड़ करके मैं मुझे छोड़ करके आप ऐसे करके तो एक्सक्लूड करोगे अगर कोई भी चीज अगर आप एक्सक्लूड करोगे तो वहां पर आप अदर लगाओगे और सुपर डिग्री पहले से ही अपने नाउन को सुपरलेटिव बना देती है सुपर डिग्री पहले से ही अपने नाउन को पूरी कैटेगरी से बाहर कर देती है मैंने कहा ये बंदा बेस्ट है तो बेस्ट है मतलब बेस्ट है फिर इससे आगे कुछ है नहीं ये कंप्लीट है ये सबसे ऊपर है सबसे ऊपर है तो वो सबसे अलग पहले ही है कंपैरिजन के लिए जैसे मैं बेटर हूं तो मेरे जैसा और भी हो सकता है लेकिन अगर मैं बेस्ट हूं तो मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता तो यह चीज यहां पर दिखाई गई है ठीक है सुपर लेटेड डिग्री के साथ कभी भी अदर नहीं आता है इसी के जैसा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट प्लीज इसका पीडीएफ हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा डोंट वरी पीडीएफ मिल जाएगा परेशान मत हो ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है हमारा वहां पर जाइएगा प्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूरी 120 रूल्स की देखो अगर ऐसे सेंटेंस लिख लिया वही है अदर वाला ही पार्ट है ये भी नो अधर, नो नो अदर सॉरी बॉय इज सो टॉल मोहन देखो आप एक बात बताओ यहां पर भी सेम कैटेगरी है यहां पर जो, जो बॉय है बॉय ये जो बॉय है ये मोहन सेम कैटेगरी है कि नहीं है आप इसको भी उसी से रिलेट कर सकते हो देखो जरा आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि देखो उसने पहले तो कह दिया भाई नो बॉय मतलब कोई भी लड़का नहीं है कोई भी लड़का लंबा है ही नहीं है लेकिन फिर भी आगे उसने लड़के का नाम लिख दिया लेकिन अगर पूरी की पूरी कैटेगरी को ही आपने एबसेंट कर दिया नो लगा के देखो नो प्लस कॉमन नाउन नो प्लस कॉमन नाउन मतलब होता है कोई भी नाउन अवेलेबल नहीं है कोई भी नाउन अवेलेबल नहीं है मतलब पूरी की पूरी क्या कर दी, दी। ठीक है तो फिर ये ये भी तो इसी कम्युनिटी का पार्ट है तो आपको फिर से वही करना पड़ेगा नो no बॉय के बीच में आपको नो अदर बॉय लगाना पड़ेगा नो अदर बॉय इज क्योंकि आगे नाउन लिख रखा है उसने या तो नाउन नहीं हो मैंने कहा कि नो कंपनी कोई भी कंपनी नहीं तो आगे किसी कंपनी का नाम नहीं लिखोगे ठीक है हाँ नो no बॉय तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा नो अदर बॉय इज एस्टोर जैसे मान लो किसी ने लिख दिया ऐसे करके नो मॉन्यूमेंट नो मॉन्यूमेंट एज सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एज ताज महल देखू मान लो ऐसे करके सेंटेंस लिख दिया तो वही चीज़ है अगर आपने नो no मोन्यूमेंट लिख दिया इसका मतलब अब कोई भी मोन्यूमेंट जो है सुंदर है ही नहीं है लेकिन अगर आगे आप बता रहे हो कि भैया ताजमहल तो है ताजमहल के अलावा और कोई नहीं बोला था मैंने आपको गलत फहमी गई तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही ताजमहल को एक्सक्लूड करने की बात करी है कि कोई भी मोन्यूमेंट सिवाय ताजमहल के और कोई भी मोन्यूमेंट सुंदर नहीं है जितना कि ताजमहल है तो आप कंपैरिजन कर रहे हो और कैटेगरी को एबसेंट भी कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी आपको क्या करना पड़ेगा नो अदर मॉन्यूमेंट आपको फिर से वही चीज करनी पड़ेगी सेम कॉन्सेप्ट है वही वाला आपको यहां पर फिट करना है ठीक है हाँ चलो आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्टी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है प्लस कन्फ्यूजेबल भी है कन्फ्यूजेबल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि तोते उड़ सकते हैं आपके कबूतर उड़ जाएंगे भैया तोते कबूतर सब उड़ जाएंगे अब समझ लो इसकी कहानी क्या क्या कह रहा है देखो ये कुछ इस तरह से बातें करेगा इसको समझने के लिए आपको कम से कम पांच मिनट खर्च करने पड़ेंगे ठीक है ध्यान से सुनिएगा। <laughs> देखो यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है राहुल इज बेटर देन टू प्लेयर और एक लिखा हुआ है राहुल इज बेटर देन इसकी तरफ मत देखना अभी वरना कंफ्यूज हो इस, इसकी तरफ देखो मात्र देखना, देखना, देखना। दो और इन दोनों सेंटेंसेस के बीच का डिफरेंस मुझे बताओ फटाफट से आपने देखा इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक ही फर्क है वो है यहां पर द लगा हुआ है बस इन दोनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस तो गलत है और एक सेंटेंस करेक्ट है सही है ठीक है <laughs> एक सेंटेंस सही है और एक सेंटेंस गलत है ऊपर वाला सही है नीचे वाला गलत है तो अब आप कहोगे कि सर इसको सही करना हो तो क्या करना चाहिए अरे सही करना है तो सिंपली जब ऊपर वाला सही है तो नीचे वाले को सही करने के लिए द हटा दो बात खत्म लेकिन ऐसा नहीं करना है बेवकूफ़ी होगी वो फिर आपकी ठीक है वो आपकी क्या हो जाएगी बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर आप ऐसा कर देते हो तो यहाँ से द हटाना नहीं है इस द की वजह से इस पूरे सेंटेंस में कई जगह बदलाव करने पड़ेंगे कई जगह बदलाव कैसे करने पड़ेंगे जरा ऊपर ध्यान दो स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है अगर टू से टू के साथ में एक नाउन लिखा हुआ है और वो प्लुरल नाउन है जैसे कि प्लेयर लिखा हुआ है तो पहली बात तो ये प्लेयर नहीं है प्लेयर्स होगा है ना गलत लिख गए टू प्लेयर्स लिखना और यहाँ पर भी टू प्लेयर्स लिखना ठीक है हाँ टू के बाद एक नाउन लिखा हुआ है प्लूरल ये सिर्फ टू के लिए टू से ज्यादा थ्री फोर फाइव उसके लिए नहीं सिर्फ टू के लिए बता रहा हूं और उससे पहले यहां पर द लिखा हुआ है ठीक है और उससे भी पहले यहां पर कंपेरेटिव डिग्री लिखी है तो आपने कभी भी कंपेरेटिव डिग्री से पहले जनरली द लगा हुआ नहीं देखा होगा नाइनटी तक जो कंपेरेटिव डिग्री होती है इससे पहले द नहीं लगाते दो परसेंट केस में

एडजेक्टिव पढ़ रखे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा नहीं पढ़ रखे हैं तो फिर भाई शायद ही मैं इसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं लेकिन कोई बात नहीं पूरी कोशिश करूंगा कि जिसने पहले नहीं पढ़ रखा है जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है वो भी समझ पाए ठीक है मैं कोशिश पूरी करूंगा राहुल इज बेटर देन द टू प्लेयर जैसे ही टू से पहले द आ जाता है या फिर टू से पहले द नहीं लगा होता इन दोनों में फर्क होता है अगर टू से पहले द नहीं लगाए इसका मतलब राहुल एक कैंडिडेट है और दो कैंडिडेट ये हैं टोटल यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स हैं थ्री कितने हैं भाई थ्री यानी कि सेंटेंस के अंदर तीन प्लेयर हैं लेकिन पता कैसे चला यहां पर टू से पहले द नहीं लगा हुआ जैसे ही टू से पहले दा लगा होगा तो यहां पर दो प्लेयर जो है ना उन्हीं में से एक प्लेयर है राहुल उनमें से एक प्लेयर है राहुल ये अलग से कोई प्लेयर नहीं है यही राहुल इनमें से एक है तो इस पूरे सेंटेंस में कितने प्लेयर हैं भैया है? इसमें दो प्लेयर हैं ध्यान देना जब भी आप टू के साथ में नाउन प्लूरल लगा हुआ देखते हो और उस टू से पहले अगर द लिखा हुआ है इस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं अलग स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा इस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं अगर टू प्लस नाउन प्लूरल है उससे पहले द लगा हुआ है इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ दो लोग हैं और उन्ही दो में से एक व्यक्ति को बाहर निकाल के यहां पर हमने कंपेरिजन कर दिया है कि राहुल इज बेटर देन राहुल इज बेटर देन द टू प्लेयर द टू प्लेयर मतलब इसमें जो दो प्लेयर है इसमें जो दो प्लेयर है इसमें से एक मैं हूं और एक और कोई अन्य है मतलब दो खिलाड़ियों में से जो राहुल है दो खिलाड़ियों में से जो राहुल है वो बैटर है लेकिन अगर आपने दो से पहले द हटा दिया दो से पहले अगर द हटा दिया सिर्फ टू प्लेयर लिख दिया तो ये एक नाउन बन जाएगा यहां पर ये एक नाउन बन जाएगा मतलब कहने का ये जो राहुल है इन दोनों खिलाड़ियों से अच्छा है ये जो राहुल है मैं राहुल मान लेता हूं इन दोनों खिलाड़ियों से अच्छा है कहने का मतलब ये जो दो खिलाड़ी हैं ये अलग हैं और राहुल अलग है राहुल और दो खिलाड़ी मतलब तो, टोटल तीन खिलाड़ी हैं उन दोनों खिलाड़ियों को अलग कर दिया एक अलग तीन हो गए लेकिन द नहीं लगा होगा तब द लगा होगा तो उन्हीं दो में से एक राहुल है मतलब टोटल दो ही लोग हैं उन्हीं में से एक राहुल है एक कोई दूसरा है ये सिर्फ द का खेल है जैसे ही टू से पहले द देखोगे तो आपको पता चल गया कि इनमें से एक व्यक्ति सेलेक्ट किया गया है व्यक्ति सेलेक्ट किया गया है राहुल राहुल को बाहर निकाला गया है तो सिलेक्शन के लिए भले ही यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर सिलेक्शन के लिए आपको ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा यह पहला कॉन्सेप्ट आप लोग अपनी लाइफ में सीख रहे होंगे जिसने पहले कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है कि भैया कंपेर डिग्री के साथ में देन नहीं आ रहा ऑफ आ रहा है कंपेरेटिव डिग्री तो आएगी ही साथ के साथ यहाँ पर देन नहीं आएगा ऑफ आएगा ठीक है तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन तो यहां पर कंपेयर डिग्री से पहले दा भी लगाना पड़ेगा ये स्पेशल केस हो जाता है इसीलिए कंपेर डिग्री से पहले द का इस्तेमाल जरूरी है उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बस ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है द प्लस कंपेयर डिग्री कब आता है जब ऑफ द टू होता है ऑफ द टू नहीं होगा तो कंपेयर डिग्री से पहले द भी नहीं आएगा ठीक है सिर्फ द होगा जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है कंपेरेटि डिग्री प्लस देन प्लस टू नॉट द टू टू प्लस प्लोरल नाउन ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर यह होता है लेजेंड स्ट्रक्चर कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर कितने लोगों को बातें समझ में आ गई मेरी अगर नहीं आई हो तो बता दो मैं दोबारा समझा दूंगा फटाफट से बताओ कितने लोगों को समझ में आ गई अगर नहीं आई हो तो बता दो मैं अभी खड़ा हूँ यहीं पर दोबारा समझा दूंगा क्लियर चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं इसी का एक और क्वेश्चन मैं लिख के बताता हूं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चलो फिर आगे बढ़ते हैं समझ तो गई हो ना देखो कॉम्पेरेटिव डिग्री के पहले एक और जगह दा आता है कॉम्पेरेट डिग्री से पहले एक और जगह दा आता है दूसरी जगह दो परसेंट बताए थे परसेंट तो ये हो गया एक हो जाएगा एक परसेंट वाला केस ये हो गया जहां पर कंपेयर डिग्री से पहले एक और दा आता है जब कंपेरट डिग्री हाँ गुरुकुल पे वीडियो बनाएंगे है ना बिल्कुल बनाएंगे कल परसों बनाएंगे <laughs>

वो सेंस कौन सा होता है पता है पैरल इंक्रीजमेंट और पैरल डिक्रीजमेंट जब किसी चीज का समानांतर रूप से बढ़ना और घटना मैंने कहा जितना तुम खेलोगे उतना तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा उधर खेलते जा रहे उधर फ्यूचर बर्बाद होते जा रहा है जितना तुम ऊंचा जाओगे ठंडा महसूस करोगे जितना तुम ज्यादा पढ़ोगे उतना मजा आएगा जितना तुम खेलोगे फिट रहोगे जितना तुम बोलोगे उतना पिटोगे समझ पा रहे हो जितना तुम बोलोगे उतना ही पिट, अरे भैया ऐसे ही सेंटेंस होते हैं जिनमें जितना और उतना वाले सेंटेंस होते हैं जितना और उतना वाले सेंटेंसेस यहां पर लिख लो जितना और उतना जितना आप ये काम करोगे उतना आपका ये काम हो जाएगा जितना आप झूठ बोलोगे उतना आप पे पाप चढ़ेगा तो यही सेंटेंसेस होते हैं जो कंपेरेट डिग्री से स्टार्ट होते हैं ठीक है ये कंपेरेट डिग्री से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस ठीक है और स्टार्ट होते ही इनसे पहले द लग जाता है क्योंकि आगे देन तो मिलने वाला नहीं है तो कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है हायर यू गो कूलर यू फील तो गड़बड़ है भाई एक गड़बड़ है बाबा यहां पर क्या लिखना पड़ेगा द हायर यू गो द कूलर यू फील क्या करना पड़ेगा द हायर यू गो द कूलर यू फील द मोर यू रीड द मोर यू लर्न द मोर यू रीड द मोर यू लर्न आ रही है भैया समझ में चीजें कि नहीं आ रही है बताओ चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ फटाफट ओके डन समझ में आ रही है क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर चलते चलावत देखो कहां तक पहुंचे भाई साहब चालीसवें कॉन्सेप्ट पहुंचे अभी चालीस चालीस और चालीस मतलब अभी अस्सी कॉन्सेप्ट बाकी हैं और टाइम कितना हुआ है ढाई घंटे मतलब ढाई और ढाई पांच और ढाई बाप रे साढ़े सात घंटे चले गए देखते हैं थोड़ा स्पीडअप करना पड़ेगा भाई कुछ तो करना पड़ेगा इतना लंबा तो मैं मर जाऊंगा जूनियर सीनियर इनफीरियर सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर प्रायर और इनके बाद कभी भी ये सारे के सारे डिग्री में यूज किए जाते हैं और इनके बाद ये भी कंपेर डिग्री का रूल है कि भैया कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कंपेरिजन का कंपेरिजन तो, तो दिखाते हैं कंपेरिजन तो दिखाते हैं बट उनके साथ आप कभी भी देन का यूज नहीं करोगे इनके साथ आप किसका यूज करोगे प्रेपोजिशन टू ये फिक्स रहती है इतना ध्यान रखना ये फिक्स प्रेपोजिशन है जूनियर सीनियर इंफीरियर सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर प्रायर प्रेफर प्रेफरेबल इनके बाद में टू लगाते हैं देन नहीं लगाते और एक और बात हमेशा ध्यान रखना इनसे पहले एक चीज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है ना तो मोर लगाना ना मोस्ट लगाना ना इनमें ई ER लगाना और ना ही एस इनके साथ ना तो ई आर ई एस मोर या मोस्ट इनमें से कुछ भी यूज नहीं करना होता इन वर्ड्स के साथ ठीक है डोंट यूज ई आर ई मोर मोस्ट विद दीज वर्ड्स क्लियर जैसे मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया किसी ने ऐसे लिख दिया ही इज जूनियर देन मी तो पहली बात तो जूनियर के साथ देन नहीं आता है, आता है है टू टू और के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉफी इज मोर प्रेफरेबल प्रेफरेबल देखो आ गया तो पहली बात तो देन नहीं आएगा टू आएगा दूसरी चीज इससे पहले मोर भी नहीं आएगा ये ऐसे बोला जाएगा कॉफी इज प्रेफरेबल टू कॉफी टी कॉफी जो है वो प्रेफरेबल है टी के मतलब आ, चाय से ज्यादा पसंद है मुझे कॉफी क्लियर हाँ समझ में आ गई चलिए नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको टिक करो फटाफट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करो मेरे भाई कुछ ऐसे एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव टॉपिक का कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जितने भी कॉन्सेप्ट मैं अभी सिखा रहा हूं ये एडजेक्टिव प्लस डिग्री के कॉन्सेप्ट हैं ठीक है थिके? हाँ देखो जरा ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने साथ अपने अंदर एक कंप्लीशन एग्जिस्ट करते हैं कंप्लीशन जानते हो मतलब इनके अंदर कंप्लीशन है पूर्णतया है मतलब ये कंप्लीट होता है इनसे ना तो कोई ऊपर होता है ना इनसे कोई नीचे होता है जैसे मैंने कह दिया कि मेरे हंड्रेड परसेंट मार्क्स आए हैं या मैंने हंड्रेड परसेंट स्कोर किया है और किसी ने बोल दिया हम वन हंड्रेड टेन परसेंट भाई वन हंड्रेड टेन परसेंट कैसे बोल सकते हो मैं भी गलत बोल देता हूँ कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ कि एक सौ दस परसेंट पढ़ा करो लेकिन असल में एक सौ परसेंट से ज्यादा तो कुछ होता नहीं है ना हंड्रेड परसेंट मतलब हंड्रेड परसेंट अरे ज्यादा पूरे से ज्यादा कैसे कर सकते हो भाई है कि नहीं तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ में कंप्लीशन शो करते हैं यानी कि हंड्रेड परसेंट होते हैं ये कंप्लीट होते हैं ये पूरे होते हैं इनसे ना कोई ऊपर ना कोई ज्यादा जैसे हाँ छोटा बड़ा हो सकता है जैसे मैंने कहा कि अगर मैं देखो ये ऐसे वर्ड्स हैं सबसे पहले यूनिक है सर्कल है चीफ है होल है यूनिवर्सल है एक्सीलेंट है एक्सट्रीम है कंप्लीट है आइडियल है इंफीरियर है परफेक्ट है स्क्वायर है सुप्रीम है पैरल है ट्राइंगल है रेक्टेंगल है जितने भी ये रेक्टेंगल एक्टेंगल होते हैं ना सारे के सारे अब मान लो किसी ने ऐसे शेप बना दी मैंने कहा बताओ ये क्या है मैंने मैंने कहा कहा स्क्वायर ये क्या है ये ज्यादा स्क्वायर ये कम स्क्वायर ये ज्यादा स्क्वायर हो सकता है मैंने कहा ये क्या है सर्कल मैंने कहा ये क्या है ज्यादा सर्कल ये क्या है कम सर्कल ऐसा तो नहीं बोलोगे आप ये कह सकते हैं कि भैया ये छोटा सर्कल है ये बड़ा सर्कल है ये छोटा स्क्वायर है ये बड़ा स्क्वायर है ऐसा नहीं कह सकते ज्यादा स्क्वायर है ये कम स्क्वायर है ऐसे तो आप पिट जाओगे ठीक है हाँ तो कभी भी कम और ज्यादा नहीं कह सकते छोटा बड़ा कह सकते हैं इसीलिए इनके साथ आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ना तो इनकी कोई कंपेरिटिव डिग्री होती है ना इनकी कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है ये सिर्फ जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं ठीक है पॉजिटिव डिग्री में लिखे जाते हैं इसीलिए इनके साथ आपको कभी भी गलती से भी डोंट यूज डोंट यूज ई आर ई एस टी मोर और मोस्ट ठीक है विद दीज वर्ड्स विद दीज कंजेंशन इन कंजेंशन के साथ आपको कभी भी ई आर टी या मोर या मोस्ट का यूज नहीं करना है और साथ के साथ एक और चीज का यूज नहीं करना साथ के साथ और क्या नहीं करना देन दून कुछ नहीं लगाना इनके साथ ठीक है अब देखो आज के दिन जो मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर क्लास ले रहा हूं आज है 26 नवंबर ठीक है 2022। यही एक दिन था 26 नवंबर 2011, ठीक है हाँ 26 नवंबर, 26 नवंबर 2011 में शायद 26 नवंबर 2011, 26 ग्यारह इसका नाम है आपको पता है ना क्यों है इसका नाम क्योंकि आ, ये मुंबई हमला हुआ था 26 ग्यारह को ठीक है ताज होटल में तो उसमें जो उसका जो मेन मुखिया था वो कौन था कसाब था तो मैंने उसी के हाँ पे आज की क्लास में सेम डे आज 26 नवंबर है 26 नवंबर को हमला हुआ था हमारे देश में मुंबई में मुंबई हमला हाँ तो उस हमले का जो चीफ ऑफेंडर था वो था कसाब तो मैंने उसके बिहाब पे क्या बना दिया एक एग्जाम्पल बना दिया कसाब वॉज चीफेस्ट ऑफेंडर अब मान लो कोई चीफ है तो उससे बड़ा कोई चीफ थोड़ा ना होगा मैंने कहा कि भैया केजरीवाल जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं मतलब चीफेस्ट मिनिस्टर हैं उनसे चीफ कोई दूसरा है और चीफेस्ट कोई और है वो ज्यादा चीफ है मतलब प्रधानमंत्री जी चीफेस्ट मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर कोई और है ऐसा हो सकता है भाई कोई चीफ ज्यादा चीफ और कम चीफ थोड़ा ना होता चीफ तो चीफ होता है भाई hey, फिर तो वो सस्ते वाला चीफ हो जाएगा चीफ और चीफ और चीफेस्ट ठीक है तो गड़बड़ हो जाएगा कि भैया केजरीवाल सस्ते से भी सस्ते ऑफेंडर हैं कसाब सस्ते वाला ऑफेंडर है ऑफेंडर मतलब क्रिमिनल तो चीफेस्ट नहीं हो सकता ये खुद अपने आप में कंप्लीट है संपूर्ण है चीफ मतलब सबसे बड़ा इससे बड़ा कोई है ही नहीं है तो उसमें ये लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है कसाब वॉज चीफ ऑफेंडर ऑफ उफ छब्बीस ग्यारह बहुत बढ़िया आगे चलते हैं ये वर्ड्स आपको रटे हुए होने चाहिए याद करना है याद करने सारे के सारे एडजेक्टिव याद होने चाहिए इससे पहले वाला भी ये भी याद होने चाहिए जूनियर सीनियर वाले इनको याद कर सकते हैं आप जी या पी पी ऐसे करके याद कर सकते हैं जी जूनियर सीनियर इंफीरियर सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर जी आ कर लो जी जे आई ए जी आ धड़क धड़क जाए ठीक है नीचे के पी पी कर लो ये पी और पी ये दोनों तो एक दूसरे से याद हो जाएंगे एंटोनी है जूनियर का सीनियर इंफीरियर का सुपीरियर एंटीरियर का पोस्टीरियर जी आ धड़क धड़क जाए ऐसे याद कर लेना कोई बात नहीं आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट हम्म hmm. अब आ जाते हैं तीन कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ेंगे हम लोग ठीक है बहुत छोटे छोटे और बड़े प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट होंगे मजा आएगा तीन कॉन्सेप्ट एक है नंबर अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको दो एडजेक्टिव नजर आते हैं एक है कंपेरेटिवली और एक है रिलेटिवली और इनके बाद कोई एडजेक्टिव आता है ये दोनों क्या हैं है। है। याद रखना और एडव के बाद में क्या आता है एडजेक्टिव आता है तो हमने यहां पर एक एडजेक्टिव लिख दिया ठीक है इनके बाद हमने यहाँ पर एक एडजेक्टिव लिख दिया तो उस एडजेक्टिव को कौन सी डिग्री में लिखना चाहिए देखने में ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली वर्ड जो है वो कंपैरिजन दिखा रहा है रिलेटिवली वर्ड जो है वो रिलेशन रिलेशन दिखा रहा है तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए मेरे दोस्त बताओगे हां भाई <laughs> देखो तो कंपेरेटिवली और रिलेटिवली दो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं एडवर्ब होते हैं जिनके बाद जो भी एडजेक्टिव आप लिखोगे उसको पॉजिटिव डिग्री में लिखना पड़ेगा जैसे यहां पर लिख दिया दिस रूम इज कंपेरेटिवली बेटर तो ये गलत हो गया ये क्वेश्चन गलत हो गया यहां पर बेटर नहीं आना चाहिए पॉजिटिव डिग्री जानते हो ना गुड होती है बेटर की अगर आपको ये नहीं पता है गुड बेटर बेस्ट में कौन सी कंपेरेटिव है कौन सी पॉजिटिव है कौन सी ठीक है हाँ सर पूरी क्लास की पी एनजी हाँ पीएनजी नहीं हम पी डी एफ डलवाएंगे ठीक <coughs> है हा पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का भी लिंक दे रखा है आप कमेंट में देख लो दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर फोर्टी थ्री क्या कह रहा है देखो जरा कॉन्सेप्ट नंबर फोर्टी थ्री कह रहा है टू और सो दो ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनके बाद फिर से आपको एक एडजेक्टिव लिखना होगा और वो जो एडजेक्टिव होगा वो भी आपका पॉजिटिव डिग्री में लिखा होना चाहिए जैसे ही इज टू वीकर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा ही इज टू वीक टू वर्क है कि नहीं तो टू के बाद या सो के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो पॉजिटिव डिग्री में अब आ जाते हैं एक और एडवर्ब होता है इनफ <coughs> क्या होता है भाई इनफ अगर मान लो ये जो इनफ एडवर्ब है ये एक ऐसा एडवर्ब है जो सबके बाद लिखा जाता है सिर्फ नाउन से पहले लिखा जाता है नाउन के लिए भी काम कर लेता है ये सब के लिए काम कर लेता है ठीक है हाँ ठीक है गुरुजी मेरा सीपीओ में वन फिफ्टी नाइन स्कोर हुआ बहुत बढ़िया कांटेक्ट करना मुझे कॉल करना मैं आपको सलाह दूंगा कि भैया मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो है ना अगर सलाह लेनी हो तो वैसे नहीं है मैं जबरस्ती नहीं दूंगा लेकिन कोई बात नहीं आप कर लेना अच्छी बात है आजकल तो पता है ना सिलेक्शन ले लो भैया तो मैं ऐसे ही कमेंट डाल देना आपको घर से उठा ले जाएंगे लोग इंटरव्यू लेने के लिए टेंशन मत लो आप सेलिब्रिटी हो बताओ यहाँ पर देखोगे कि तुम ने इनफ जो एडवर्ब होता है अगर इससे पहले कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो आप उस एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में लिखोगे जैसे कि यहां पर लिखा हुआ ही इज तो रिचर इनफ नहीं लिखना है इससे पहले एक एडजेक्टिव है इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखना है मतलब तीन एक साथ छोटे छोटे और ऊपर लिख लेना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑल कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई देखो मैं आपको बात बताऊं छह महीने का सिलेबस होता है इंग्लिश ग्रामर का कम से कम पांच महीने का अगर आप रेगुलर डेढ़ घंटे क्लास लेते हो एक घंटे की तो पांच महीने लगते हैं बिल्कुल बिना छुट्टी करे पाँच से छः महीने मान लो छः महीने का सिलेबस है ग्रामेटिकल और उसको आप अगर एक एक करके एक एक करके बड़े प्यार से पढ़ते जाओगे तब जाके आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है जिसको अगर वीडियोस के थ्रू पढ़ोगे तो लगभग आपके 200 से 250 वीडियोस या ग्रामर ग्रामर के कम से कम 150 वीडियोस आपके हो जाते हैं ठीक है ठीके? और उस 150 घंटे की क्लास को अगर मैं पाँच से छः घंटे में सात घंटे में आपको कवर करा रहा हूँ तो आपको भी पता है कि मैं कितना शॉर्ट कर रहा हूँ मतलब ऑलरेडी मैं शॉर्ट करके लाया हूँ और सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें लेकर के आया हूँ तो भाई जितना दिमाग लगाना था वो मैंने लगा लिया शॉर्ट करने में अब अपना दिमाग लगा के इसमें से भी शॉर्ट मत करना इसमें से भी शॉर्ट मत कर देना वरना गलत हो जाएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर फोर्टी फाइव कॉन्सेप्ट नंबर फोर्टी फाइव देखो मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका मनपसंद ठीक है मनपसंद अब चलो छोड़ो बाकी बात नहीं करेंगे बाद में फिलहाल की बात कर लेते हैं कि यहां पर, पर लाइक लिखा हुआ है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है क्या इससे पहले हमेशा द का यूज किया जाता है बताना जरा क्या हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है बताओ आपसे मिलना है तो मिल सकते हो गया टॉक कभी भी मिल सकते हो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना ठीक है हाँ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना आपको ठीक है जानकारी मिल जाएगी ये जो सुपरलेटेड डिग्री होती है इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है 98 परसेंट लेकिन दो परसेंट केस में

और वही चीज होती है पोस्ट एस के साथ में और वही चीज होती है लाइक वर्ड के साथ में ये अलग कॉन्सेप्ट है ये अलग कॉन्सेप्ट है दो कॉन्सेप्ट है अलग अलग ठीक है ये अलग है ये अलग है ए और बी ऐसे करके कर लेना लाइक के बाद अगर किसी सेंटेंस में डिग्री है तो भी आपको डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल बिल्कुल भी कतई नहीं करना ठीक है दोनों एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख रखे हैं जरा पढ़ लेते हैं फटाफट से बताओ इसका आंसर कौन बताएगा जल्दी से आंसर करके बताओ बताओ भाई यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड कभी आप बोलते हो कभी आप किसी से बोलते हो यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलते ना क्या बोलते हो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड क्यों क्योंकि माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये सुपर डिग्री है तो आप यहां से द हटा दोगे विच स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट मोस्ट इज दुपर सुपरलेट डिग्री एंड दस शुड नॉट बी यूज इन देंटेंस दस्ट बिकॉज ऑफ लाइक क्लियर तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर किसी सेंटेंस में आपको ऐसा लिखा हुआ नजर आता है ही इज मच गुड तो ये जो गुड है ये कौन सी डिग्री है भाई मैं डिग्री पढ़ा रहा हूं पॉजिटिव डिग्री और मच अगर आपके पास मच और वेरी दो ऑप्शन है मच और वेरी दो ऑप्शन है तो आप दोनों में से क्या लगाना पसंद करोगे डिपेंड करता है कि जो एडजेक्टिव है उसकी डिग्री कौन सी है आपके पास उसकी डिग्री आपके पास कौन सी है तो आप यहां पर देख रहे हो कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो आपको वेरी लिखना पड़ेगा और अगर कंपेयर डिग्री है तो आपको मच लिखना पड़ेगा ये पॉजिटिव डिग्री है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री के लिए आपको वेरी लिखना पड़ेगा और कंपेरिटिव डिग्री है ठीक है पॉलिस लेवल से पहले मोर लगा हुआ है तो आप यहां पर वेरी ना लगा करके क्या लगा दोगे मच लगा दोगे धुरंधर क्लास धुरंधर स्टूडेंट्स के लिए ठीक है सर आप कहां से लाइव हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से लाइव हैं एसएससी का एक बेहतरीन स्टूडेंट जोन जहां पर ओपन स्टडी नाम से गुरुकुल भी चलता है ओपन स्टडी गुरुकुल ठीक है जहां पर स्टूडेंट्स को एक कस्टडी में रख करके उनकी पढ़ाई करवाई जाती है ठीक है मेरे दोस्त चलो यहां पर भी वेरी और मच दो ऑप्शन थे आपके पास हम्म बहुत जल्द ही हम बेहतरीन रिजल्ट अपने गुरुकुल से निकालने वाले हैं अभी तो शुरू हुआ है ठीक है अभी तो प्रॉपर शुरू हो रहा है एक तारीख से तो क्लासेस स्टार्ट होंगी प्रॉपरली अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले रहे हैं एडमिशन ठीक है चल रहे हैं ओपन है एक तारीख तक अगर किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो अच्छा ये बैरी ये वाला दो बार हो गया ठीक है तो इसको इग्नोर कर देना चलो आगे बढ़ जाते हैं सम और एनी में क्या फर्क होता है ये टॉपिक शायद एडजेक्टिव का यहाँ देखो जरा जैसे मान लो अगर किसी से आपने कह दिया कि भैया सम और एनी में फर्क बताइए तो मैं आप लोगों को सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा और इसके एक्सेप्शनल पॉइंट की भी थोड़ी चर्चा करेंगे सम का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमारे पास सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है यानी कि अफर्मेटिव लिख लो अफर्मेटिव बेस्ट रहता है अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तब तो आपको लगाना होता है सेंटेंस में सम ठीक है और अगर एनी लगाना है तो आपका सेंटेंस जो होगा नेगेटिव होना चाहिए सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो वहां पर सम नहीं लगा सकते या फिर इंटेरोगेटिव है तो भी सम नहीं लगा सकते ठीक है भाई समझ गए हम्म तो सम कब लगाते हैं जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है मैंने कहा बताओ यहां पर आई हैव सम बुक्स सही है कि गलत है बताना जल्दी से फटाफट मेरे पास कुछ किताबें हैं क्या ये सही है कि गलत है ज़रा बता दो जल्दी से जवाब दे दो अगर हाँ तो बोल दो हाँ ना तो बोलो ना पीडीएफ मिल जाएगी कुलदीप मेरे भाई हाँ हाँ कितना फीस रखते हैं वो तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर लेना वो वाला नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हो ठीक है आई डोंट हैव एनी देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एनी लगा हुआ है क्यों लगा हुआ है ज़रा बताओ यहाँ पर आप देखोगे

Please. देखो इसमें एक एक बच्चा ना ना बहुत बड़ी करता है 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 मैं उस को निकालना चाहता हूं। है ना? कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि सम और एनी का जो फरक है, उसको थोड़ा सा आप लोग आइडेंटिफाई कर लेना ठीक है मैं यहाँ पर चलो ठीक है बुक्स हटा करके कुछ और लिख देता हूँ तब भी आप अपना दिमाग तो लगाओगे ठीक है पर वो अपना दिमाग लगाना नहीं है आपको मैं आपको बाहर निकालना चाह रहा हूं लेकिन आप खुद उसमें फंसते जा रहे हो ठीक है वुड यू हैव डैश वाटर प्लीज मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई क्या आएगा सम और एनीमे से तो आप लोग क्या करते हैं ये कहते हैं कि सर इसमें सम आएगा है ना और सम क्यों आएगा उसका जो रीजन है ना वो गलत देते हो फिर इसके जैसे और भी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो गलत हो जाते हैं उसका एक रीजन मैं बता देता हूँ सिंपल सा कि सम को आप कहते हैं कि सर ये जो सम है ना ये आता है नॉन लिविंग के लिए नहीं नॉन लिविंग के लिए अनकाउंटेबल के लिए क्या लिखते हैं आप अनकाउंटेबल के लिए ठीक है और ये आता है सर काउंटेबल के लिए आप ऐसे करके पढ़ लेते हो इसको लेकिन असल में ऐसा कोई सेंस ही नहीं है अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दू ना अगर मैं ऐसी सेंटेंस को ऐसे लिख दू डू यू हैव डू यू हैव एनी वॉटर अगर मैं ऐसे लिख दू तो ये गलत नहीं है अगर आप ये कह रहे हो ना मेन जो वाटर है ये अनकाउंटेबल है पहले सम आएगा तो ये सेंटेंस सही है देखो जरा डू यू हैव एनी वाटर क्या तुम्हारे पास पानी है क्या आपके पास थोड़ा पानी है तो भाई साहब इतना ध्यान रखना कि ये सम और एनी है ना इसका मतलब थोड़ा भी होता है कुछ भी होता है थोड़ा भी होता है कुछ भी होता है और कोई भी होता है अलग अलग तरह के सेंस होते हैं तो ये मत सोचा करो कि वाटर जो है अनकाउंटेबल इसलिए यहाँ पर सम आ रहा है आपने क्वेश्चन का आंसर तो सही कर दोगे कि सम आ रहा है लेकिन मैं अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि भाई साहब यहां पर सम क्यों आ रहा है तो आप बताओगे कि सर ये अनकाउंटेबल है वाटर से पहले एनी कैसे आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं है मैंने यहां पर देखो वाटर से पहले एनी लगा रखा है ये सही है लेकिन ये सही कैसे हुआ ये इसलिए सही नहीं हो रहा है कि यहां पर ये वाटर की वजह से ये अनकाउंटेबल काउंटेबल नहीं यहां पर जो सम यूज किया जा रहा है वो सिर्फ एक चीज की वजह से यूज किया जा रहा है वो है ये सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाती है ठीक है

तो नीचे वाला एनी सही है ऊपर वाला सम इसलिए सही है क्योंकि सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है यार प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट का सेंस मतलब जब सेंटेंस में सेंस ऑफ रिक्वेस्ट वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन केस ऑफ रिक्वेस्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी विल यूज सम इन प्लेस ऑफ एनी इन प्लेस ऑफ एनी क्लियर सर के लिए कैसे तैयार करें मेन्स के लिए आपको आपके लिए बैच आने वाला है कल आ जाएगा ठीक है कल आपका एक बैच अनाउंस होगा आराम से पड़ेगा फर्दर और फार्दर दो एडजेक्टिव होते हैं जिसका मतलब इसका मतलब भी आगे होता है लेकिन भावनाओं के लिए ठीक है, है, भावनाओं के के में, में। और इसका मतलब भी आगे होता है, लेकिन दूरी के sense में। जब हम दूरी नापते हैं तब फार्दर यूज करते हैं फार की कंपेरेटिव डिग्री और जब हम भावनाओं की बात करते हैं फीलिंग्स की बात करते हैं एब्सट्रेक्शन की बात करते हैं तब हम लोग यूज करते हैं फर्दर क्लियर ठीक है भाई चलिए तो अब आपको क्या करना है फर्दर और फार्दर में जो डिफरेंस है उसको कैसे जो है आइडेंटिफाई uh, करोगे ही मी नो फर्दर आंसर अब आंसर तो दिखता नहीं किसी को ही मी नो फार्दर नहीं फर्दर होना चाहिए था क्योंकि जो रिप्लाई है ना ये रिप्लाई है आंसर है ये सब एबस्ट्रेक्शन होते हैं एब्स्ट्रेक्ट नाउन होते हैं ठीक है हाँ देखो और मुंबई इज फर्दर मुंबई इज फर्दर फ्रॉम तो यहां पर जो है मुंबई जो है आगे है किससे दिल्ली से तो यहां पर आपको फार्दर लगाना पड़ेगा यहां पर क्या करना पड़ेगा फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन चेन्नई मतलब आ, जो मुंबई है वो दिल्ली से ज्यादा दूर है एज एज हैिजन ऑफ चेन्नई क्लियर है तो ऐसे करके आपको हमेशा ध्यान रखना ऐसे ही दो और भी होते हैं देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब पहले आप एग्जांपल देख लोगे ठीक है छोटा सा कॉन्सेप्ट है सभी लोग आप एग्जांपल को देखो ये वाले इस वाले एग्जाम्पल को देखना सभी लोग देखो दीज बॉयज सॉरी दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज कभी भी आपको किसी सेंटेंस में एज और एज के बीच में कोई एडजेक्टिव uh, नजर आता है किसके बीच में एज और एज के बीच में तो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री और सी डी मतलब कंपेर डिग्री एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री ठीक है तो सो एज और एज एस के बीच में अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसको कौन सी डिग्री में लिखोगे भाई पॉजिटिव डिग्री में लिखोगे इसने क्या कर दिया एज और एज के बीच में रायता फैला दिया ठीक है एज और एज के बीच में रायता फैला दिया मतलब लगता ही नहीं है कि ये बच्चों वाली हरकतें कर रहा है देख रहे तू तो भैया यहां पर गुड करना पड़ेगा आपको बेटर बेटर की जगह तो पहले वाले पार्ट में गलती हो जाएगी ऐसे नीचे वाले में देखो इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट आई विल हैव टू goodbye गुड my स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा बुरा होगा ना बुरे से बुरा होगा तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा अपना फैमिली बिजनेस सेटअप कर लूँगा। ये सेंटेंस का कहना है मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है भैया ठीक है ना आपके पास होगा अगर आपके पास है तो आप टाइम पास मत करना ऐसे नौकरी लगते हुए आसार दिखें तो नौकरी की तैयारी करना यहाँ पर अगर आपने एक एड्जेक्टिव पढ़ा होगा बैड बैड मुंडा बुरा वाला मुंडा ठीक है तो बैड की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो वर्स होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट और जनरल केस में 98 परसेंट केस में क्या होता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले द का कर इस्तेमाल करना होता है, है कि नहीं? और वही चीज यहां पर की भी गई है ऐसी बात नहीं है उसने पहले देखो द लगाया भी है दर्स्ट यहां पर नहीं लगाया द लगाना पड़ेगा सेकंड वाले पार्ट में गलती है सुपरलेट डिग्री से पहले द आता है द प्लस ई एस टी ये ई एस टी क्या है जरा चेक कर लोगे ये सुपरलेट डिग्री है ये क्या है कंपेर डिग्री है कंपेर डिग्री के साथ देन आता है डिग्री से पहले द आता है और एज एज के और एज so के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है ये इंडिकेशन है डिग्रीज के तीनों डिग्री के जो इंडिकेशन होते हैं ये होते हैं आ, सर जी बहुत दिन से ढूंढ रहा था कोई इंग्लिश का टीचर मिले आखिरकार आप मिल ही गए सर जी थैंक यू अखिलेश <laughs> चलो आगे बढ़ जाते हैं द प्लस दा प्लस एडजेक्टिव देखो एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लिख देते हो तो फिर वो नाउन का काम करने लगता है और नाउन कौन सा नाउन प्लुरल नाउन ठीक है नाउन का काम करने लग जाता है यहां पर इस वाली बात का ध्यान रखना प्लूरल नाउन का काम करने लग जाता है और इसके साथ में जब आप वर्ब यूज करोगे ना तो वो भी प्लूरल यूज करोगे ठीक है जैसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है ऑल दो द पोलिसंपेटाइज विद पुअर तो विद पुअर ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच देखो यहां पर जो रिच है ये क्या है ये आपका एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले द लगा हुआ है तो ये तो द जो है मैन के लिए आ रहा है फिलहाल तो ये सिंगुलर है लेकिन ये तो नाउन है नाउन के लिए एडजेक्टिव काम काम कर कर रहा रहा है है उसी नाउन के लिए द लेकिन इधर इधर देखोगे ना यहाँ पर जो पुअर है ये एक्चुअली एडजेक्टिव है बट ये किसी नाउन के लिए काम नहीं कर रहा तो ये खुद भाई प्रपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है भाई देखो यहां पर प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आता है या प्रनाव तो आई नहीं सकता कभी भी नेवर 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 तो यहां पर नाउन या प्रनाउन आ सकता है अब ना तो ये नाउन है ना प्रनाउन है क्या ऑल दो पुलिस ऑफिसर सिंपेड विद द पुअर हालांकि पुलिस ऑफिसर ने सिंपेथाइज तो किया किसको गरीबों के साथ ये जो होता है ना प्लस एडजेक्टिव ये क्या करता है ये पूरी कम्युनिटी को रिनोट करता है डिनोट द होल कम्युनिटी द होल कम्युनिटी समझ गए मेरी बात पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता है ये द प्लस एडजेक्टिव मतलब द प्लस पुअर पूरे के पूरे गरीब हो गए सारे के सारे गरीब द रिच सारे के सारे अमीर लोग हो गए इस तरह से ठीक है तो ये पहले वाले पार्ट में गलती हो जाएगी पुअर की जगह द पुअर करना पड़ेगा अगर किसी सेंटेंस में दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं So, पार्ट होता है तो मैं अलग से उनकी क्लास कराने वाला हूं, है? अलग से तावर तोड़ प्रैक्टिस कराऊंगा लगभग तीन से चार घंटे पैसे तीन से चार घंटे नरेशन ठीक है अब देखो भाई अगर समय कम है तो इसमें मेरी गलती नहीं है जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ मेरे दोस्त है ना समय कम होता है इसमें टीचर की गलती नहीं होती बच्चे को समय से आना चाहिए लेकिन फिर भी टीचर से जितना हो पा रहा है पूरा जान लगा रहा है ना चलो ऑर्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर क्या होते हैं पहले तो ये समझ लो ऑर्डिनल नंबर होते हैं आपके फर्स्ट द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड द लास्ट द नेक्स्ट द फॉर्मर ये सब और कार्डिनल नंबर होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सब ठीक है तो इन ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इनको किसी सेंटेंस में एक साथ यूज कर लिया जाए तो पहले ऑर्डिनल नंबर लिखे जाते हैं बाद में कार्डिनल ठीक है तो ओ और सी बड़े बड़े लेटर्स में लिख लो ओ और सी ओ और सी मतलब पहले ऑर्डिनल और बाद में पहले ऑर्डिनल बाद में कार्डिनल ठीक है मेरे भाई तो यहां पर आपने देखा कि जो टू है ये तो कार्डिनल है फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल है होना क्या चाहिए उल्टा तो यहां पर फर्स्ट लिखोगे यहां पर टू लिखोगे ये हो जाएगा द फर्स्ट टू ये गलत हो जाएगा ठीक है पहले वाले पार्ट में गलती है आंसर आपको पता चल गया इस तरह से कॉन्सेप्चुअली आपको समझना और सीखना पड़ेगा वो कैबलरी की कल क्लास चलेगी ठीक है वो कैबलरी की कल चलेगी सात बजे शाम को सात आठ घंटे की क्लास है टेंशन मतलब एक और क्वेश्चन देखोगे दॉय मतलब होता है मिट्टी इस देश की मिट्टी मिट्टी का कर्ज चुकाना सोइल मिट्टी है मिट्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है कैसा है अनकाउंटेबल नाउ ठीक है मिट्टी है जो मिट्टी है वो मॉइस है मॉइस मतलब थोड़ी सी नम नम मतलब हल्का सा गीला As there was little रेन लिटिल रेन लिटिल क्या है एक एक है है जो कि 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 कहते कहते हैं हैं इनको क्या कहते है? quantitative adjective यानि कि एक noun की बताता जरूर यहां पर बारिश हुई होगी तो कितनी हुई है? जरूर यहां पर बारिश हुई होगी तो मतलब कितनी बारिश हुई है लिटिल बारिश हुई है लेकिन लिटिल बारिश कितनी बारिश होती है मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊं प्रैक्टिकली सिखा देता हूं ठीक है अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसमें कितना पानी है तो आप कहोगे कि सर इसमें तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है अब मैं इसमें से पूरा का पूरा पानी पी जाऊं जैसे मान लो मैंने पूरा पानी पी लिया अब देखो इस वाटर में कितना पानी है बताओ बिल्कुल भी पानी नहीं है खाली कर दी मैंने पूरा पानी पी लिया तो आप कहोगे कि मैंने भैया कितना पानी पिया मैंने इसमें से द वॉटर पानी पिया सॉरी द लिटिल वाटर कितना पानी द लिटिल वाटर मतलब पूरा अगर मैं इसमें जितना भी था मुझ आपको नहीं पता इसमें कितना पानी था हो सकता है इसमें दो ग्लास पानी हो, हो सकता है इसमें एक ग्लास पानी हो हो सकता है इसमें एक सिप हो मात्र इतना सा पानी हो, हो सकता है पूरी भर रही हो आपको पता ही नहीं था क्योंकि आपने देखा ही नहीं इसमें से कोई दिख दिक्कत ना रहा है पानी ये ट्रांसपेरेंट थोड़ा ना है देखना ओपेक है बोतल तो तो इसमें पता नहीं चला लेकिन अब मैंने पूरा खाली कर दिया उल्टी कर दिया आपको पता है कि इसमें से पूरा पानी पी लिया गया है तो इसका मतलब होता है द लिटिल मतलब हंड्रेड परसेंट ठीक है वट एवर इज अवेलेबल वट एवर इज अवेलेबल जितना भी अवेलेबल अवेलेबल होता है वो सारा का सारा ठीक है ये होता है द लिटिल और द फ्यू फिर बात करते हैं कि मान लो अगर इसमें इतना सा पानी होता इतना सा मात्र इतना सा तो इस वाटर को कितना कहते है? मतलब इतना सा पानी था मान लो इतना सा है एक सिप पानी है तो आप कहोगे कि भैया ये कितना है अ लिटिल मतलब थोड़ा सा आप लिख सकते हैं थोड़ा सा लिटिल मतलब थोड़ा एक तरफ इंग्लिश लिख रहा हूं एक तरफ हिंदी जो जिसको पसंद आए वो लिख लेना ठीक है अ लिटिल मतलब थोड़ा और अफ यू मतलब भी थोड़ा समथिंग इज देयर ऐसे लिख लो समथिंग इज देयर तो आपने कहा कि भैया थोड़ी सी चीज अगर कहीं पर है तो आप उसके लिए अलिटली या फिर अफ्यू लगाओगे अगर मैं कहूं कि क्या इसमें पानी है और आप जो जवाब देते हैं वो मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें पानी है कि नहीं बस इतना बता दो तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि सर इसमें कोई पानी नहीं है बिल्कुल भी पानी नहीं है आप कहोगे इसमें पानी नहीं है लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें पानी है आप ये नहीं कह सकते कि इसमें पानी नहीं है हां बट ये कह सकते हो कि अ लीटर या द लिटल पानी नहीं है इसमें पानी तो है बट पानी नहीं है इसमें पानी है लेकिन उतना पानी नहीं है जितना हमें चाहिए बट नाम के लिए इसमें पानी है अगर मैं निकालू तो इसमें से एक बूंद पानी निकाल दूंगा देखो देखो एक बूंद पानी, पानी है मतलब नाम के लिए इसमें पानी है मीनस इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो अगर किसी चीज का इतना अमाउंट है ऑलमोस्ट जीरो वेरी नेग्लिजिबल बोल सकते हैं नेग्लिजिबल जिबल मतलब जानते हो नगण्य मतलब बिल्कुल कम बहुत ही न के बराबर बोल सकते हैं हिंदी में न के बराबर जिसको हिंदी समझ में आती है वो इधर से पढ़ ले ये मत सोचना कि लिटिल का का मतलब न के बराबर है फ्यू मतलब येबल अरे कुछ तो दिमाग लगा लिया करो भेसर ये हिंदी इंग्लिश लिखी है इधर हिंदी लिखी है बाकी इन दोनों में क्या फर्क होता है वो मैं अलग से बताऊंगा इन दोनों में फर्क ये होता है कि जब हमारा सेंटेंस है और उसके अंदर नाउन अनकाउंटेबल है कैसा है अनकाउंटेबल नाउन है ठीक है तब आपको यह वाले एडजेक्टिव यूज करने हैं और अगर आपका काउंटेबल नाउन है कैसा है काउंटेबल नाउन है तो आपको यह वाले एडजेक्टिव यूज करने हैं आगे बात समझ में चलिए ठीक है देखो भाई अब आ जाते हैं इधर यह कह रहा है कि भैया ये जो मिट्टी है वो थोड़ी सी नम लग रही है ठीक है मतलब गीली लग रही है तो कितनी बारिश हुई होगी या तो बिल्कुल नहीं हुई हो अगर बिल्कुल बारिश नहीं हुई है तो फिर ये मिट्टी कैसे गीली होगी मतलब बारिश जैसा मौसम तो हो रहा था एक बूंद बस गिरी थी फिर उसके बाद में बारिश हुई नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि यार अः बारिश हुई नहीं तो फिर मिट्टी कैसे गिली होगी तो मिट्टी गीली बता रहा है लेकिन बहुत ज्यादा पानी भी नहीं भरा ताला बाढ़ नहीं आई है वो थोड़ा सा थोड़ी सी गीली मिट्टी है तो आप क्या कहोगे ये जो लिटिल मतलब है कि बहुत ज़्यादा बारिश 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 हो हो गई हो। तो लिटिल लगा दो भैया ही बारिस हो गई नहीं। जितना भी नहीं था, कितने लोगों के पास कार है कौन बताएगा फटाफट से कमेंट करके बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट है जो इस लास्ट वाले सेंटेंस का आंसर कर सकते हैं भैया एक बात बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं आ, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कार है इस पूरे संसार में क्या सारे के सारे लोगों के पास कार हो सकती है इज इट पॉसिबल भाई बिल्कुल नहीं है तो फ्यू पीपल मीन कि सारे के सारे लोगों के पास कार है नॉट पॉसिबल मेरे पास तो नहीं है है ना मैं भी तो इंसान हूं मैं जानवर थोड़े ना हूं तो आप कहोगे क्या कि सर यहां पर द तो नहीं आना लेकिन अगर आपने द हटा दिया तो भी गलत हो जाएगा फिर हो जाएगा कि किसी के पास भी कार नहीं है तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कुछ लोगों के पास कार है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अ फ्यू पीपल हैव कार मतलब कुछ लोगों के पास कार है कुछ के लिए नहीं है आ रही आवाज समझ में सभी को द फ्यू गलत हो जाएगा रितिका कर क्या रहे हो तुम तो? क्वेश्चन गलत हो रहा है सर मुझे इंग्लिश वीक है लग रहा है तो आप फाउंडेशन कोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन से चलो आगे बढ़ जाते हैं लिटिल और फ्यू तो आपका क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट मैनी और मच में क्या फर्क होता है ये काउंटेबल के लिए फॉर काउंटेबल नाउन और मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए ठीक है ऊपर वाला मतलब मैनी जो है वो काउंटेबल नाउस के लिए आता है और मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउस के लिए आता है फ्यू कहां यूज होता है फ्यू यूज होता है जब हमारे नाउन काउंटेबल होते हैं फ्यू और उसकी जो नंबर है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है मतलब लगभग बिल्कुल जैसे मैंने कहा मेरे पास दस पैसे हैं तो मेरे पास कितना रुपया है फ्यू रुपया है फ्यू धन है फ्यू मनी है मतलब फ्यू रुपीज है तो इसका मतलब है कि पैसा है नहीं है यार एक रुपया भी तो है नहीं तुम्हारे पास है है कि नहीं ये है, ये खोटा पैसा है। तो चलने वाला तो है नहीं है ऑफ द मिलियन सॉरी बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर नहीं होगा हाउ मैनी होगा क्योंकि गैलेक्सी में जो स्टार्स हैं ये कैसे हैं स्टार्स काउंटेबल होते हैं कुछ लोग कहते हैं अनकाउंटेबल हैं क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते अरे गिन नहीं सकते तुम्हारी प्रॉब्लम है वो स्टार्स की प्रॉब्लम थोड़ी ना है अगर तुम स्टार्स को काउंट नहीं कर पा रहे इसका मतलब नाउन अनकाउंटेबल हो गया अरे कैसी बात कर रहे यार नाउन अनकाउंटेबल या काउंटेबल नहीं है नाउन तो काउंटेबल है बट वो काउंटलेस है आप इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल ना बोल के काउंटलेस कहा करो जैसे मेरे बाल हैं गिन सकता हूं बट गिन नहीं पाता ये मेरी प्रॉब्लम है बालों की प्रॉब्लम नहीं है तो बाल तो काउंटेबल हैं बट इनको काउंटलेस कहते हैं ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता गिन सकते हैं बट गिन नहीं पाते हैं यू आर नॉट कैपेबल टू काउंट दैट समझ गए हां तो आप कहोगे कि भैया यहां पर मैनी आ जाएगा देयर आर सो मैनी फिल्ड फिल्ड जानते हो क्या होता है फिल्ड मतलब होता है गंदगी आज मेरे कपड़े में पांच गंदगी हो गई पांच गंदगी हो गई भैया कैसे यार मेरी समझ में नहीं आ रहा पांच गंदगी थोड़े ना होती है मेरा पेंट आज ज्यादा गंदा हो गया या कम गंदा तीन गंदा हो गया चार गंदा हो गया ऐसे थोड़े ना बोलोगे तो गंदगी जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है अनकाउंटेबल नाउन ठीक है भाई ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर चलती है पेड क्लासेस हमारी सारी की सारी टेंशन मत लेना तो आपको मच और मैनी फर्क पता चल गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हाफ सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है मतलब लगभग uh, uh, कवर होने वाले हैं देखो एक वर्ड होता है अल्टरनेट और एक होता है अल्टरनेटिव अल्टरनेट का मतलब होता है एक फिर उसके बाद खाली नहीं आ, एक एक सीट एक सीट एक सीट एक सीट ऐसे मान लो सीट भरी हुई है कोरोना वायरस में जब मेट्रो में जो सीट पड़ी होती हैं यहां पर यहां पर यहां पर एक दिन छोड़ के एक सीट छोड़ के इसको कहते हैं अल्टरनेट और अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प मतलब ऑप्शन आपके पास चार विकल्प हैं यू हैव फोर अल्टरनेटिव चूज एनी वन वन आउट ऑफ चूज करना है आपको ठीक है मेरे भाई समझ पा रहे मेरी बातें तो यहां पर कह रहा है वेन माई सिस्टर वॉज इल जब मेरी सिस्टर जो थी वो बीमार थी आई वेंट टू द हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल गया ऑन ऑल्टरनेटिव डेज ऑल्टरनेटिव डेज नहीं ऑल्टरनेट डेज ठीक है ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आ, एक दिन छोड़ा फिर एक दिन छोड़ा फिर एक दिन छोड़ा एक के बाद एक एक के बाद ऐसे करके एक छोड़ने के बाद ठीक है चलो आगे अगला कॉन्सेप्ट बताओ लेस और फ्यू वाला कॉन्सेप्ट कौन बताएगा जल्दी से बताओ जब तक मैं पानी ले हूँ चलो भाई देखो यहां पर मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं बहुत प्यारी सी सबसे पहले तो जो लेस है और फ्यूअर है ये आया कहां से इसको समझ लेते हैं बस मैं थोड़ा सा पानी लेने गया था अपने लिए ठीक है हाँ साउंड बताएं प्लीज साउंड अभी आ रहा है देखो ये आ गया लेस और फ्यूअर में क्या फर्क होता है जरा चेक कर हाँ, रुक जाओ लेस और फ्यूअर ये यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए कहाँ से आए ये भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर रुक जाओ ये आपका यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए ठीक है देखना जरा लेस और फ्यूअर ये आए कहां से ये आए हैं लिटिल से लिटिल जानते हो मैंने अभी अभी कराया था आपको लिटिल की कंपेयर डिग्री होती है लेस अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको सीखनी चाहिए इसकी कंपेयर डिग्री होती है लेस और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट ठीक है ऐसे ही फ्यू की कंपेयर डिग्री होती है फ्यूअर और डिग्री होती है फ्यूएस्ट, ठीक है भाई? पॉजिटिव, और सुपरलेटिव पॉजिटिव, और सुपरलेटिव। यही चीज मैंने बीच में से दोनों उठा करके यहां पर रख दिए सेम नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इज अ काउंटेबल नाउ और अनकाउंटेबल नाउ बताओ साउंड अपने फोन का चेक करो मेरे भाई तो यहां पर जो लेस है ना ये स्टूडेंट के लिए आ रहा है ये काउंटेबल तो आपको यहां पर फ्यूअर यूज करना पड़ेगा नो फ्यूअर देन स्टूडेंट प्रेजेंट थे हाँ, से फोर्स के क्लास ले सकते हो बिल्कुल भाई ये मास्टर क्लास है एयरफोर्स एनडीए सीडीएस और आपका सारे के सारे एग्जामिनेशन कवर करेगा अगर मान लो यहीं पर ऐसे लिखा होता नो फ्यूअर देन फ्यूअर देन 50 के जी राइस नीडेड राइस इज नीडेड कम से कम 50 किलो चावल की जरूरत है या जरूरत है या जरूरत है तो बताओ इसमें क्या लगाना पसंद करोगे यहां पर आप फ्यूअर नहीं लगाओगे क्या लगाओगे लेस लगाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइव के जी राइस क्लियर सभी को बताओ अगला कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को चेक करके बताना बस फाइनली मैं वापस आ गया अब नहीं जाऊंगा देखो यहां पर लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग ठीक है बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग यहां पर आपने देखा सबसे पहले लिखा हुआ है बोथ उसके बाद लिखा है आर उसके बाद लिखा है नॉट कभी भी किसी सेंटेंस में अगर आप बोथ के साथ नॉट लगा देते हो ये गलत हो जाता है बोथ के साथ नॉट ये पूरी तरह से गलत होता है ठीक है ये गलत होता है बोथ के साथ कभी भी नॉट आपको नहीं लगाना है अगर आप इसको नेगेशन नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इन दोनों की जगह आप एक वर्ड लगा सकते हैं नीदर ठीक है नाइदर जो होता है ये रिप्लेस कर सकता है बोथ प्लस नॉट को ठीक है तो आपको क्या करना है यहां से बोथ के साथ में जो नॉट लगा है इसको हटाओ सबसे पहले फिर बोथ को भी हटाओ और इन दोनों की जगह आप लगा दोगे यहां पर क्या नाइदर पहली गलती तो आपको ये करनी है और भाई बोथ के साथ यहां पर आर लगा रखा था लेकिन नाइदर के साथ में सिंगलर बरवाती है तो आपको इज करना पड़ेगा कहने का मतलब इस सेंटेंस को आप अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे करके करना पड़ेगा नाइदर ऑफ दैम नाइदर ऑफ दैम इज कमिंग ये सेंटेंस का करेक्ट आंसर आ रही है बात समझ में सभी को बताओ फटाफट पड़ से बताओ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये था हमारा एडजेक्टिव टॉपिक का आखिरी कॉन्सेप्ट अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर फोर्थ की तरफ सभी लोग ध्यान देना मेरे भाई चैप्टर नंबर फोर्थ हमारा क्या कह रहे हैं ये है आपका एडवर्ब एडवर्ब टॉपिक में सबसे खास चीज जो होती है ना सबसे पहले वो सिखाऊंगा ठीक है उसके बाद आगे की चीजें सिखाऊंगा सबसे खास चीज जो होती है एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब टॉपिक में वो समझ लेते हैं एक तो एडव होता है ठीक है एडव क्या होता है सर एडव होता है यह किस किस को क्वालिफाई करता है एक तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है साथ के साथ वर्ब को क्वालिफाई करता है और साथ के साथ खुद को भी क्वालिफाई करता है एडव को मतलब इन तीन लोगों के लिए काम करेगा एडव ठीक है भाई तीनों को क्वालिफाई करता है दूसरी चीज इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है इनवर्जन ठीक है इन्वर्जन क्या होगा सबसे पहले मैं इन्वर्जन ही आपको सिखाने वाला हूं ठीक है भाई सबसे पहले मैं इनवर्जन सबसे पहले सिखाऊंगा क्वेश्चन के आंसर करने से पहले चलो पहला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि यहां पर दो एडवर्ड लिखे हुए हैं दो वर्ड लिखे हैं हार्ड hard और हार्डली इनसे बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली तो सर यहां पर हार्डली सही है कि हार्ड आना चाहिए इन दोनों में क्या फर्क होता है उसके लिए पहले हार्ड hard और हार्डली के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं हार्ड मीनस होता है कठिन जो कि एडजेक्टिव भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है लेकिन फिलहाल ये दोनों सेंटेंस दोनों तरह से यूज किया जाता है एडवर्ब की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी लेकिन ये सेंटेंस जो होता है ना ये जो जो हार्ड वर्ड होता है ये एक पॉजिटिव सेंस देता है मतलब ये जो वर्ड होता है ना ये पॉजिटिव होता है ठीक है और इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से इसका मतलब होता है मुश्किल से ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब की तरह काम करता है और ये एक नेगेटिव सेंस देता है नेगेटिव सेंस देता है कैसा सेंस देता है नेगेटिव सेंस देता है ठीक है तो यहाँ पर यह कह रहा है कि भाई अगर कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने एग्जामिनेशन के लिए तो पॉजिटिव सेंस हो गया नेगेटिव सेंस की तो बात ही नहीं कर रहा तो यहाँ पर आपको हार्डली यूज नहीं करना है हार्ड करना है जो इज वर्किंग वेरी हार्ड वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है यानी कि पॉजिटिव सेंस बता रहा है ठीक है अपने एग्जामिनेशन के लिए तो पहला नंबर मतलब पार्ट वन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाना है बात समझ में आ रही है चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब आ जाते हैं इन्वर्जन टॉपिक की तरफ इन्वर्जन क्या होता है हुँ? देखो आठ नौ आ रहे हैं तो फिर शुरू से शुरू करो भाग भागम भाग मत लगे रहो जब आपके नंबर बहुत कम आते हैं ना तो दौड़ मत लगाओ यार सबके साथ जो सबके साथ दौड़ते हैं वो फिर फेल हो जाते हैं अपनी कैटेगरी में दौड़ो समझ रहे हो पहले तैयार करो अपने आपको

सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की बाद हेल्पिंग और लिखी जाती है ये इकलौता सेंटेंस होगा सेंटेंस का केस होगा जहां पर हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है वो केस होता है इन्वर्जन केस लेकिन इन्वर्जन केस हमेशा अपनी तरफ से नहीं बनता है उसकी कुछ कंडीशन होती है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ठीक है तो यहां पर सबसे पहले तो इन्वर्जन को सीख लेते हैं इसको बाद में सीखेंगे अभी कॉन्सेप्ट नंबर 59 जो है उसको बाद में सीखेंगे पहले इसको समझ लेते हैं कि इन्वर्जन कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है मान लो अगर कोई सेंटेंस है कोई भी सेंटेंस है और वो सेंटेंस इनमें से किसी भी एक एडवर्ब से स्टार्ट होता है ठीक है इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद स्टार्ट्स विद हार्डली स्कास्टली रेयरली वियरली नो सूनर सेल्डम लिटिल फ्यू ऑफन नेवर नो नेवर ठीक है नेवर दो बार लिख गया है क्लियर है अगर इन एडवर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आपको सेंटेंस में इनवर्जन बनाना पड़ेगा ठीक है यहां पर लिख लो इफ अ इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद स्टार्ट विद दीज वर्ड्स अगर कोई सेंटेंस है इन शब्दों से स्टार्ट हो रहा है विदर्ड्स दैन दैन इनवर्जन दैन द सेंटेंस टेक्स इनवर्जन दैन दस सेंटेंस या फिर ऐसे लिख लो हिंदी में लिख लो अगर सेंटेंस इन शब्दों से शुरू हो से स्टार्ट हो स्टार्ट हो हिंदी में लिखो और शॉर्ट में लिखो सेंटेंस इन शब्दों से स्टार्ट हो तो इन्वर्जन बनेगा ऐसे लिख लो शॉर्ट में इसका एक रीजन बता रहा हूं क्योंकि ये याद तब भी रहेगा एग्जामिनेशन हॉल तक आपको याद तब भी रहेगा समझ रहे हो हाँ तो इनवर्जन बनेगा बस बात खत्म

और हेड हेल्पिंग और हो गई इस हेल्पिंग और को यहां से हटाओ मिनिस्टर से पहले लिखना पड़ेगा ये हो जाएगा क्या ये हो जाएगा क्या नो सुनर हेड द मिनिस्टर हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट दैन ही रिफ्यूज टू देखो देन, ये भी गलत है ये टी एच ई एन नहीं आएगा इसमें दो दो गलतियां दे रखी हैं ठीक है थीके? एक ही सेंटेंस के अंदर दो दो गलतियां दे रखी हैं तो यहां पर टीएचई एन नहीं होगा टीएचएन होगा ये क्यों होगा मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी थोड़ी देर आगे चल के कंजेंशन टॉपिक में पढ़ाऊंगा ये टीएचई एन की जगह क्यों हो रहा है ठीक है चलो तो ये एडवर्ब्स याद कर लो कि अगर कोई सेंटेंस है इन एडवर्ब्स से शुरू होता है तो आपको इन्वर्जन बनाना पड़ेगा अब आ जाते हैं थोड़ा सा बैक वापस 59 की तरफ 59 में क्या होता है यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूं इसी में मैंने सिखा रखा है वैसे इसमें सिखा रखा है देखो ये रहा इसमें मैंने ये इस सिखा रखा है कि अगर कोई सेंटेंस है इन एडवर्ब से शुरू होता है या फिर एडवर ऑफ प्लेस से शुरू होता है ठीक है अगर कोई सेंटेंस है एडवर ऑफ प्लेस से शुरू होता है एडवर ऑफ प्लेस जानते हो से स्टार्ट हो तो इनवर्जन लेगा तो भी वो इनवर्जन लेगा इसी में है इसी में लिख रखा है या तो इन एडवर्ब से कोई सेंटेंस की शुरुआत हो रही है या फिर एडवर ऑफ प्लेस से एडवर ऑफ प्लेस में मतलब एक एडवर्बियल फ्रेज होगा जो स्थान बताएगा कि कौन सी जगह पर क्या हो रहा है जैसे आपने देखा इस वाले में फिफ्टी नाइन में इन द गार्डन भाई गार्डन में क्या हो रहा था गार्डन में शादी हो रही थी भाई साहब डांस बैंड वाजे बज रहे थे तो आपने देखा कि गार्डन में गार्डन में मतलब ये हो गया आपका एडवर ऑफ प्लेस ठीक है इन द गार्डन द ब्यूटिफुल वर फ्लॉर्स ब्यूटिफुल वर फ्लॉर्स कैसे हो सकता है भाई इंपॉसिबल आपको क्या करना है ये हेल्पिंग वर यहां से उठा करके इधर रख देनी है ये हो जाएगा क्या वर द ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बैल्स मतलब जो गार्डन था उस गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत से फूल थे ठीक है मेरे दोस्त ये हो जाएगा द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपीरियंस अब इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन है यह क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करूंगा फिलहाल इतना समझ लो कि यहां पर जो मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि हार्डली जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के साथ में आप कभी भी नॉट एक साथ नहीं लगा सकते ठीक है तो ये हो जाएगा द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट ठीक है बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंप्लीट किया है ना लेकिन मतलब लगभग कंप्लीट किया ही नहीं तो यहां से हार्डली के साथ नॉट न लगेगा अभी अच्छे से समझ में तब आएगा जब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ठीक है 61 या 62 वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा तो आगे चलते हैं थोड़ी देर अपने आप समझ में आ जाएगा ये वाला देखो यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं यही कॉन्सेप्ट ऐसी से समझ में आ जाएगा ये सारे के सारे वर्ड्स ना जितने भी यहां पर लिखे हैं सारे के सारे नेगेटिव हैं दीज वर्ड्स आर नेगेटिव सारे के सारे कैसे वर्ड्स हैं भाई नेगेटिव वर्ड हैं। इसीलिए जिस सेंटेंस में ये वर्ड्स होंगे उसमें नॉट तो नहीं यूज होगा कभी भी नॉट या फिर नो no यूज नहीं होते ठीक है? ना तो नॉट लगाओगे ना नो लगाओगे हाँ अगर कहीं पर सेम सम लगाना हो तो सम भी नहीं लगाओगे सम की जगह आप एनी कर दोगे ठीक है सम भी नहीं लगाओगे एनी कर दोगे क्लियर इतना ध्यान रखना चाहे सेल्डम हो फॉरवर्ड हो लिटिल हो रेयरली हो बली हो हार्डली हो नो सुनर no हो इनके साथ में कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसीलिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा था अभी देख लो ये वाला यहां से हमने नॉट हटा दिया क्योंकि हार्डली नेगेटिव वर्ड है ऐसे यहां पर देखोगे सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज एंड सेपरेट देखो हार्डली सेल्डम इफ एवर एक और कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आ जाएगा सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर सेल्डम और नेवर ये आपका एक पूरा पेयर होता है और इन दोनों को पेयर में यूज करना होता है वो आपसे क्या करेगा पता है एवर की जगह नेवर लिख देगा नेवर की जगह एवर लिख देगा इफ की जगह और करवा देगा और की जगह इफ करवा देगा तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का ठीक है हाँ देखो ठीक ठीक है, पूरा है। पूरा नेचर के बाद यहां पर helping और लिखी है, है, है है। और seldom से से की शुरुआत हो हो, रही तो 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 इसमें इसमें तो आ गया। seldom मतलब ये रहा बनना बनना क्या कि डज को यहां से उठा के यहां पर रखना पड़ेगा ये ऐसे हो जाएगा सेंटेंस कैसे हो जाएगा क्या बनाना है भैया इन्वर्जन का क्वेश्चन हो गया ऐसे ही दस साइंटिस्ट कुड नॉट अब देखो यहां पर कुड नॉट की जगह क्या करोगे भाई नॉट हट जाएगा क्योंकि हार्डली नेगेटिव वर्ड है चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट बैटरी चार्जिंग में लगा कर देख अच्छा बैटरी चार्ज करो सब लोग फोन हम्म क्या बात है नीतीश कल तक तो तुम बड़ी तारीफ कर रहे थे आज तो तुम्हें धोखा दे दिया मैंने स्टूडेंट वी आर कमाल लोग भाई मिस मैच में मेरी गलती थोड़ा ना है वो और टेक्निकल टीम उस पर लगी पड़ी है अब टेक्निकल टीम जो है वो उस पर काम करेगी और मैंने बोला भी है कि अगर वो वॉइस मिस मैच हो गई है तो सही हो जाएगी नहीं तो मैं दोबारा क्लास ले लूंगा उसमें धोखा देने वाली बात थोड़ी ना होती है पागल मतलब कुछ भी है जब भी आप एडव को इस्तेमाल करते हैं तो उसको एडजेक्टिव से पहले लिखने अगर कोई एडजेक्टिव है और उससे पहले एक एडव यूज किया गया है तो यही तो स्ट्रक्चर होता है, है ना नाउन सबसे लास्ट में उससे पहले एडजेक्टिव एडजेक्टिव नाउन के लिए काम कर रहा है एडव ऐसे करके एडव एडजेक्टिव के लिए काम कर रहा है और एडजेक्टिव नाउन के लिए काम कर रहा है तो आपने सेंटेंस के अंदर देखा कि ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर है मेरे भाई ये क्या है ये आपका एक स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अब स्ट्रक्चर इसमें कैसे देखो ये स्ट्रक्चर की ही गलती है इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं लगा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर वाली गलती है ठीक है ये इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर की गलती है <clears throat> जैसे आपने देखा कि ये पर्टिकुलर वर्ड है

कुछ हद तक सही है 90 परसेंट तक मान लो ऐसे आप पहचान सकते हो जिसमें दे रखा है वो एडवर्ब जिसमें वाई नहीं है वो एडजेक्टिव ठीक है हमेशा नहीं होता हमेशा कुछ नहीं होता यार लैंग्वेज में ठीक है कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं दस परसेंट केस में जिसमें एलवाई लगा होता है कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं ज्यादातर एडवर्ब होते हैं जिनमें वाई नहीं लगा होता पर्टिकुलर तो जो था वो एडजेक्टिव था और ये आपका अभी पर्टिकुलरली है वो आपका बन जाएगा एडवर्ब ठीक है तो इसमें गलती क्या है पर्टिकुलरली करना पड़ेगा सेकंड वाले पार्ट में स्ट्रक्चरल गलती है और कोई नहीं तो स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अब यहां से आपका टॉपिक शुरू हो जाता है आर्टिकल ठीक है यहां से टॉपिक आपका शुरू हो जाता है आर्टिकल ये तो एडजेक्टिव टॉपिक कैसे आ गया कै मेरे भाई ये आर्टिकल टॉपिक है ठीक है यहां से आप चेंज कर लोगे आप क्या करोगे यहां से ये टॉपिक आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है चलो मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूं ये आपका एडजेक्टिव टॉपिक सॉरी एडवर्ब टॉपिक फिनिश हो गया ठीक है मेरे भाई यहां से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 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 टॉपिक यहां से शुरू होगा आर्टिकल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनको हम लोग सीखेंगे आर्टिकल और यहां पर लिख लो एन ए, ए, द, द आर्टिकल ए एन द, द ए एन द का यूज आपको सीखना है ठीक है भाई चलो देखो आर्टिकल के यूज़ सीख लेते हैं ये एडजेक्टिव यहां से हटा देना ठीक है भाई मैं बाद में हटवा दूंगा देखो चलो शुरू करते हैं यहां से पहले तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल का यूज सिखा देता हूं कि ए और एन में क्या फर्क होता है सबसे पहले ए और एन की बारी है एन कब यूज करते हैं जब इसके बगल में जो भी वर्ड होता है उसका जो साउंड होता है इस वर्ड का जो साउंड होता है आपको वो साउंड चेक करना पड़ेगा ठीक है वो साउंड चेक करना पड़ेगा वर्ड का और वो साउंड अगर वॉबल से मैच करता है अगर किससे मैच करता है मेरे भाई वॉबल साउंड से अगर मैच करता है अब वॉबल साउंड से साउंड जो है ना वो वॉबल होना चाहिए लेटर वॉबल नहीं होने चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है वोवेल साउंड होना चाहिए कैसे पता चलेगा वोवेल साउंड मेरे भाई वोवेल साउंड होते हैं ए ए आई ओ यू ये साउंड आपको चेक करना है वोवेल साउंड होना चाहिए तब आपको एल लगाना है अदरवाइज आपको ए लगाना है कितने लोग हैं यहां पर जो इस बात से सहमत हैं कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हो गए तो फटाफट से बताओ ऑनेस्ट का जो साउंड है ऑनेस्ट का साउंड है वोवेल साउंड है कि नहीं ठीक है ऑनेस्ट हिंदी के से मैच कर लिया करो सबसे बेस्ट होता है तो आपने आपने देखा देखा ये साउंड है तो आपने यहां पर देखा, ओ, तो 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 पर पर ऐसे पढ़ोगे इसको आ गया तो यहां पर एन लगाओगे भाई सब यूनियन में आ रहा है आएगा इसको यूरोपियन पढ़ते हैं यूरोपियन हिंदी के वॉबल लिख लो हिंदी के बॉबल लिख लो इसके आगे हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा हिंदी वॉबल हिंदी वॉविल से मैच कर लिया अगर वो लिख के ठीक है ना जैसे यहां पर देखोगे यूरोपियन यूरोपियन अब यूरोपियन है तो भाई साहब आपको ए लगाना पड़ेगा एन थोड़े ना लगाना है हाँ ऐसे यहां पर एम एल एम एल एम एल ए तो भाई साहब एम में ए आ गया मतलब इसमें आपको एल लगाना पड़ेगा वॉवल साउंड होना चाहिए वर्ड से पहले अगर आपको एन लगाना है तो समझ गए मेरे भाई रिया है अनुपम है रोहित कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो भाई साहब क्लास शुरू होते हैं तब से क्लास आखिरी तक देखते हैं कितना डेडिकेशन होगा इनके अंदर बताओ भगवान इनकी सारी मनोकामना पूरी करेगा ठीक है हम बिस करते हैं ऐसा क्योंकि इतने हार्डवर्किंग स्टूडेंट जो तो क्लास में एक तरफ से लगातार बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं छे छे घंटे टीचर तो चलो मेहनत कर ही रहे हैं उस टीचर के साथ मिलकर के मेहनत कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है ठीक है स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है वो भी यूट्यूब के थ्रू घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं देखो होटल पढ़ते हैं इसको होटल अगर आप होटल पढ़ोगे तो यहां पर ए लगाना पसंद करोगे अच्छा एच ई आई आर इसको क्या पढ़ते हैं इसको ईयर पढ़ते, तो हायर, हायर पढ़ते।, पढ़ते हैं इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं ईयर है तो इसको क्या पढ़ेंगे भाई इससे पहले ए लगाएंगे ठीक है हाँ वन आइड को आप ऐसे पढ़ोगे वन वन तो वन में यहां पर भी ए लगाओगे अच्छा एक और वर्ड आता है ये भी ट्रेंडिंग में है ई e ई -E, इससे पहले आप क्या लगाना पसंद करोगे बताओ ई e ई -E से पहले क्या लगाना पसंद करोगे और इसका साउंड क्या होता है बताओ हम्म hmm. डब्ल्यू से पहले हम लगाते हैं ए क्योंकि इसका साउंड होता है यू जिसका मतलब होता है फीमेल सीप मैं कितनी बार बता चुका हूं क्लासेस में जो भेड़ होती है ना भेड़ फीमेल भेड़ वही होती है ठीक है हाँ हम्म बहुत अच्छा किया तुमने है देखिए जरा ये, ये चीज क्लियर होगी अब आ जाते हैं सीधे आर्टिकल के बाकी के कॉन्सेप्ट की तरफ ये तो हो गया नेक्स्ट ये दो बार रिपीट हो गया है देखो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे यहां पर देखेंगे कि कुछ ऐसे आर्टिकल आ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके नाम से अगर आप लोग डेफिनेट आर्टिकल द का कर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज अब आपको यूज ऑफ द सीखना है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द तो मैं आपको एग्जाम्पल तो नहीं दे पाऊंगा बस मैं आपको ओरली बता देता हूं कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कहां कहां कर सकते हैं और उसके लिए एक मास्टर लाइन जो है वो कौन सी याद रखनी है आपको एक मास्टर लाइन आपको याद रखनी है कहां है अभी बताता हूं मास्टर लाइन याद रखनी है मैं यहां पर बता देता हूं ठीक है ये तो आप लोगों ने फिल कर ही लिया होगा मैं यहां पर एक नोट पॉइंट करके लिख लेना नोट करके एक मास्टर लाइन याद रखना ठीक है मास्टर लाइन डेफिनेट आर्टिकल द के लिए जो द होता है ना द ये हमेशा आपके पर्टिकुलर पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज किया जाता है जो आर्टिकल द होता है ये आपका पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज किया जाता है मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो कॉमन नहीं है थोड़ी सी पर्टिकुलर है स्पेशल है तो स्पेशल सिचुएशन में हमें यूज करना होता है डेफिनेट आर्टिकल द ठीक है मेरे दोस्त हमेशा आपकी काम करेगी जहां पर आप फंस रहे होंगे वहां पर यही आपको बाहर निकाल के लाएगी ठीक है चलिए तो अब आ जाते हैं यहां पर यह तो कॉमन वो मास्टर लाइन है ठीक है ये तो आपके कॉन्सेप्ट्स uh, है लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आपको द यूज करना है द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डैश अब उस डैश में हर एक वर्ड को फिल करते चलना अगर मान लो सेंटेंस में किसी ट्रेन का नाम दे रखा है तो आप उस ट्रेन नाम के नाम से पहले दा लगा सकते हैं कैनल के नाम से कैनल मतलब होता है नहर रिवर नदियां सी समुद्र ओशियन महासागर डेजर्ट रेगिस्तान ग्रुप ऑफ आइलैंड ठीक है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं जो द्वीप होते हैं ना उनके समूह द्वीप समूह के नाम से पहले पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीजेपी कांग्रेस इनके नाम से पहले दा लगाते हैं द बीजेपी द कांग्रेस किसी आ, ओशियन का नाम लिखा हुआ है द पैसिफिक ओशियन द है ना लाल महासागर बहुत सारे होते हैं डेजर्ट हैं बहुत सारे डेजर्ट के नाम हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड इंडोनेशिया आइलैंड के नाम है ठीक है सी है समुद्र का नाम है किसी का रिवर का नाम है गंगा यमुना इनके नाम से पहले दाला लगाते हैं रिलीजियस कम्युनिटी है कोई रिलीजियस हिंदूज्म ठीक है बुद्धिज्म ऐसे करके इनसे पहले दा लगाते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग है द ताजमहल द लाल किला द कुतुब मीनार ऐसे करके इंसिडेंट है कोई फेमस इंसिडेंट हो गया पास्ट में जलियावाला हत्याकांड जलियावाला बाग हत्याकांड छब्बीस ग्यारह पुलवामा ये सब डायनेस्टी है किसी वंश का नाम है किसी कुल का नाम है तो आप उससे पहले भी दा लगा सकते हैं ऑर्डिनल नंबर्स हैं सिनेमा एंड थिएटर्स हैं न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के नाम है उनके नाम से पहले भी दा लगाते हैं ठीक है तो इनके नाम से पहले द का यूज किया जाता है अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्योंकि इनमें टाइम वेस्ट होता है चीजें तो आपको एक बार में समझ में आनी होती है तो आ जाती है ठीक है एक दो यहाँ पर लिख देता हूं जैसे द ताजमहल द शताब्दी एक्सप्रेस ठीक है ये ट्रेन का नाम हो गया द हिंदू न्यूज का नाम हो गया ठीक है द हिंदू न्यूज तो ये सब ऐसे करके लिख सकते हैं बहुत ज्यादा डीपली इसमें कुछ भी सीखने लायक है नहीं अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट और इसके जैसे और भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाना है ना ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं है ना जैसे डायरेक्शन है दिशाओं के नाम से पहले डायरेक्शन के नाम से पहले आपको द लगाना होता है नेशनलिटी क्या होता है सर नेशनलिटी मतलब अगर आप किसी लैंग्वेज के नाम से पहले द लगा देते हैं जैसे द इंग्लिश मतलब ये हो जाएंगे लोग अंग्रेज लोग ये हो गया आपका नेशनलिटी ये कब किया जाता है जैसे द हिंदी लिख दो तब द हिंदी मतलब हिंदू लोग हो जाएंगे जो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं ठीक है भाई इन्वेंशन हैं जैसे पंखा कूलर ठीक है फ्रिज टीवी कैमरा ये सब ये सब क्या होते हैं ये आपके इन्वेंशन होते हैं अगर किसी चीज का इन्वेंशन हुआ है तो आप उन इन्वेंशन के नाम से पहले दा लगा सकते हैं जैसे द रेडियो द मोबाइल द गिटार ऐसे करके चलिए रामू भाई हां फिर आते हैं यूनियन कंट्रीज जैसे यूएसए यूएसएसआर यूएसएस यूएसएसआर हो गया और आपका यू ए हो गया ये जो जितने भी यूनियन कंट्रीज हैं इनके नाम से पहले द लगाते हैं अगर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि हाथ पैर मुंह ये सब इनके नाम से पहले द लगाते हैं अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कोई भी जैसे वाद्य यंत्र है तो आप उसके नाम से पहले द लगाओगे अगर फोर्स है कमेटी है क्लब ट्रस्ट बुक्स ये ना फेमस बुक्स हैं रिलीजियस बुक्स है या कोई फेमस बुक है रिलीजियस बुक या फेमस बुक है तो इसके नाम से पहले भी द लगाओगे जैसे किसी ने बोल दिया द गीता तो द गीता इसलिए है क्योंकि ये रिलीजियस बुक भी मानी जाती है और इसको फेमस बुक भी माना जाता है ठीक है द रामायण लिख दिया ठीक है द रामायण अच्छा इसमें एक और चीज लिख लेना मेरे भाई इसमें आपको लिखना है क्या इसमें लिखना है माउंटेन रेंजेस माउंटेन रेंजेस जो होती है ना जो पर्वत श्रृंखलाएं है होती हैं जैसे हिमालयास हो गया यहां पर लिख लो द हिमालयाज ठीक है ये आपके आर्टिकल सिखा रहा हूं मैं एक लाइन में फटाफट फटाफट आर्टिकल मतलब ये जो आर्टिकल का टॉपिक है ना मेरे भाई ये आर्टिकल का टॉपिक आपका कम कम से घंटे का है जिसको मैं आपको आधे से एक घंटे में निपटा दे रहा हूं यानी कि मास्टर कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं किसी क्लब का नाम का नाम हो ट्रस्ट का नाम हो कमेटी का नाम हो फोर्स का नाम है पुलिस आर्मी इन सबसे पहले द लगाते हैं आगे बढ़ते हैं आर्टिकल द देखो यूज ऑफ आर्टिकल द मतलब द के कई सारे और भी यूज होते हैं एक लाइन में कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स में आपको सिखा देता हूँ जैसे कि मान लो सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले द आता है होल से पहले दा आता है सम से पहले दा आता है कंपेरेट डिग्री से पहले द आता है कब जब ऑफ द टू जो मैं अभी अभी पढ़ा के आया हूँ लाइक के बाद सुपरलेटिव डिग्री से पहले द नहीं आता है एडजेक्टिव के बाद डिग्री डिग्री से से पहले पहले द द नहीं आता है, से पहले दा आता है 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 ठीक लेकिन जब दो डिग्री एंड से जुड़ी होती है जब दो सुपरलेटेड डिग्री एंड से जुड़ी होती है तो सिर्फ एक सुपरलेटेड डिग्री से पहले द लगाओगे पहले वाले से बाद वाले से पहले नहीं लगाओगे ठीक है पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अगर सुपरलेटेड डिग्री आती है तो द नहीं लगाते हैं दो बार रिपीट हो गया ऐसे ही दा प्लस एडजेक्टिव लगा सकते हो ये प्लूरल राउंड की तरह काम करता। एक यहां से समझ जाएगा, प्लस दोनों आर्टिकल चैप्टर खत्म ठीक है जहां जहां डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है ये चीजें तो आपको होगी खत्म अब आते हैं कहां, कहां आर्टिकल का यूज नहीं होता आर्टिकल टॉपिक के अंदर जीरो आर्टिकल का भी सेक्शन होता है जीरो आर्टिकल वाला पार्ट भी होता है जीरो आर्टिकल में क्या होता है मेरे दोस्त ऐसे केस होते हैं जहां पर आर्टिकल का यूज ही नहीं होता जैसे मैंने कहा कि आपको अगर इनमें से कोई भी एक नाउन नजर आता है तो इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अगर मान लो इन नाउन्स को आप सेम पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो अगर आप इन नाउन के लिए इन नाउन को अगर सेम पर्पज के लिए यूज करते हो जैसे स्कूल है स्कूल पढ़ने के लिए होता है अगर पढ़ने के लिए इस्तेमाल करोगे स्कूल को सेंटेंस के अंदर तब तो आपको आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है अगर सेम पर्पज के लिए यूज करोगे तो इनसे पहले कोई आर्टिकल मतलब डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल आर्टिकल नहीं आना ठीक है का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है कब जब इनको सेम पर्पस के लिए यूज किया जाएगा ठीक है जैसे कॉलेज है स्कूल है यूनिवर्सिटी है टेम्पल है मॉस्क है चर्च है मार्केट है हॉस्पिटल है बेड है जेल है प्रिजन है कोर्ट है इनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल कब नहीं आता है जब हम इनको सेम पर्पज के लिए यूज करते हैं अगर आप इनको अदर पर्पस के लिए यूज करोगे ना अदर पर्पस के लिए अगर आप इनको यूज करोगे तो आपको क्या करना है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना होगा ठीक है करना होगा आ रही है बात समझ में कि नहीं बताओ भाई आ रही है बात समझ में कि नहीं हम्म जैसे मैंने कहा आई गो टू टाइम जैसे ही मुझे समय मिलता है तो इस्तेमाल किया जा रहा है मतलब यहाँ से द हटा दो ठीक है अगर यहीं पर मान लो मैं ऐसे ही चला जाता शादी करने के लिए भाई मंदिर शादी करने के लिए थोड़े ना मान लो शादी करने के लिए लोग चले जाते हैं मंदिर उसने जाकर के मंदिर में शादी कर ली ही वेंट टू मंदिर टू वेंट uh, to the टेम्पल हम्म hmm. <laughs> समझ पा रहे मेरी बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे अब आ जाओ आगे नेक्स्ट ये क्या शुरू हो गया हाँ ये है आपका आर्टिकल टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हैं ठीक है ये आर्टिकल टॉपिक के क्वेश्चंस हैं आर्टिकल टॉपिक के क्वेश्चन है याद रखना अब यहां पर बताओ इस क्वेश्चन में क्या गलती है पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड जो पैसिफिक ओशियन है ये सबसे बड़ा सबसे गहरा ओशियन है सबसे गहरा महासागर है पूरे संसार में तो ये जो पैसिफिक ओशियन है भाई ये तो ओशियन का नाम हो गया तो आपको इससे पहले द लगाना पड़ेगा अभी अभी सिखा के आया हूं मैं ठीक है भाई चलिए द पैसिफिक हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया न बहुत बढ़िया सीमा रिया साक क्या नाम है शक्ति रितिका राजकुमार प्रीति बहुत बढ़िया एक है टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट ये कह रहा है कि वो चाय ठंडी है वो चाय बहुत गर्म है जो मैं पी रहा हूं तो यहां पर ये जो टी है ना ये पर्टिकुलर टी है ये वही चाय की बात कर रहा है जो मैं पी रहा हूं जो चाय मैं पी रहा हूं वही गर्म है तो भाई डेफिनेट टी जो है डेफिनेट हो गया अब आगे आ जाते हैं देखो एक सेंटेंस लिखा है अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली तो अगर कोई सेंटेंस है और उसके अंदर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए और एन नहीं लगा सकते नेवर ये तो रूल के खिलाफ है ठीक है भाई ये तो खिलाफ है अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन आता ही नहीं है वो तो काउंटेबल नाउन होना चाहिए ठीक है दूसरी चीज मान लो अगर कोई कॉमन नाउन है कोई भी कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन को आप कई तरह से यूज कर सकते हो अगर कॉमन नाउन है और उसको आप पूरे संसार के लोगों के लिए यूज करना चाहते हो पूरे संसार के नाउन की बात करना चाहते हो ठीक है ऑफ द होल्ड वर्ल्ड ऑफ द होल वर्ल्ड ऐसे लिख लो ऑफ द होल वर्ल्ड अगर आप पूरे संसार के लोगों की बात करोगे तो मैन लिखोगे ओनली वन मैन Only 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 one person. Only one person, man man man, man. you can say means a a a particular man. Only a particular man. particular particular, तो आपको दा लगाना है। मतलब मैन हो या वुमेन हो या मिल्क हो आप कुछ भी करोगे आप इन तीन कैटेगरी से एक कॉमन नाउन को यूज कर सकते हैं। देखो मिल्क से पहले ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन इससे पहले द आएगा कि नहीं आएगा ये डिपेंड करता है कि इसको यूज कैसे किया गया है मिल्क जो है ये यूनिवर्सली यूज किया गया है यूनिवर्सली यूज किया गया है यूनिवर्सली यूज किया गया, यूज किया गया मतलब पूरे संसार की बात करी गई है पूरे शहर की पूरे सिटी की पूरे देश की बात की गई है कि जो मिल्क होता है ना वो चाहे यहां का आदमी हो या विदेशी हो जो मिल्क होता है वो प्रोवाइड करा सकता है आपको प्रोटीन अन्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, की तो बात नहीं कर रहा वो तो सब के लिए बात कर रहा है क्या है ये सबके लिए यूज किया गया तो milk, milk है, मिल्क अकेला मिल्क रहेगा इसमें द मिल्क लिखोगे लेकिन अगर आप बोलोगे द मिल्क ऑफ मी मतलब मेरा जो ऐसे करके आप बोलोगे है ना मेरा दूध इसने पी लिया ऐसे करके तो फिर वहां पर क्या करोगे द लगाना पड़ेगा ठीक है चलो यूज ऑफ द अभी एक और जगह है जहां पर द का यूज कर सकते हैं ये एक मास्टर लाइन का हिस्सा है याद रखना मास्टर लाइन में क्या होता है एक पर्टिकुलर नाइन नाउन जब होता है पर्टिकुलर जैसे मैंने अभी अभी आपको सिखाया पर्टिकुलर जो नाउन होता है उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं जैसे यहां पर देखोगे आफ्टर नोइंग ट्रुथ तो ये जो ट्रुथ है ना ये एक ऐसा नाउन है जो पर्टिकुलरली एक चीज का ट्रुथ है मतलब ये संसार के ट्रुथ की बात नहीं कर रहा पूरे संसार के सत्य की बात नहीं कर रहा यह जो सत्य है ना आफ्टर नोइंग द ट्रुथ हो जाएगा क्यों क्योंकि ये जो सच्चाई है ना ये सिर्फ किसकी सच्चाई है द राइट डिसीजन इन द मैटर आफ्टर द आफ्टर नोइंग द ट्रूथ हाँ इस मैटर ये रहा इस मामले का जो सच है उनके सामने आया ठीक है ये जो ट्रुथ है वो किसका है इस मामले का इस मामले का जो सच है जब उनके सामने आया तब तो ये जो सच है ना ये इस मामले का सच है कि इस मामले के पूरे सच को जानने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया तो ये जो सत्य है वो इस मामले का है वो सारे सत्य की बात नहीं कर रहा पूरे संसार के सत्य की बात नहीं कर रहा क्लियर है भाई? आगे चलते हैं नेक्स्ट द फादर इन मी ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है जब हम एक कॉमन नाउन को क्या करते हैं ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है जब हम एक कॉमन नाउन को क्या कर देते हैं जब हम कॉमन नाउन को एक कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज कर लेते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज कर लेते हैं नाउन की तरह यूज कर लेते हैं तब हम उस कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं डिफेंस लवर नोबिता सबदब खान अमरदीप चाहिया विजय रिथिका बहुत बढ़िया तो जैसे यहां पर उसने कहा कि भैया जज जो है जज फादर इन मी मेरे अंदर का पिताजी जाग गया मेरे अंदर का जानवर जाग गया मेरे अंदर का क्रिकेटर बाहर आ गया तो क्रिकेटर पिताजी जज ममता ये सब क्या होते हैं ये अंदर के जो होते हैं ना अंदर के मतलब ये कॉमन नाउन है लेकिन फिलहाल इसको एब्सटेक्ट नाउन बना दिया गया है एबस्टेक्ट नाउन कैसे कि मेरे अंदर का जज है मेरे अंदर जज है मैं जज नहीं हूं तो मेरे अंदर का जज है यानी कि अंदर का जज हो गया भाई अब अंदर का जज है तो डेफिनेट हो गया अगर अंदर का जज है भैया तो डेफिनेट हो गया द लगाना पड़ेगा द इज यूज्ड बिफोर द नाउन दैट कैन बी यूज्ड दैट विल बी यूज्ड Uh, that is used as an abstract noun in the sentence. अगर कोई ऐसा common noun है जो abstract noun की तरह use किया गया है, उस noun से पहले definite article दरकार use करना पड़ेगा। ठीक है? Clear? चलो। आगे बढ़ते हैं next। अच्छा आर्टिकल टॉपिक के कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं मेरे भाई जो फिक्स रहते हैं या तो विदाउट आर्टिकल और कुछ होते हैं जो विद आर्टिकल होते हैं ठीक है ये विदाउट आर्टिकल सॉरी विद आर्टिकल फिक्स फ्रेजेस हैं ये विद आर्टिकल इनका आपको ध्यान रखना है इनको रट लेना भाई कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं फिक्सड फ्रेजेस विद आर्टिकल और ये होते हैं विदाउट आर्टिकल इनके साथ बिल्कुल भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना विदाउट आर्टिकल ठीक है हाँ विदाउट आर्टिकल ये विदाउट आर्टिकल यूज होते हैं ये विद आर्टिकल यहां पर ए लिखा हुआ है सब में ए लगा हुआ है ठीक है ये ऐसे ही यूज होंगे हाँ जैसे मान लो ये फिक्स है इनमें दिमाग मत लगाना कोई दिमाग नहीं लगाना मे का नॉइज होता है तो होता है और नॉइज भले अनकाउंटेबल ना होना फिर भी उससे पहले ये आ रहा है ठीक है एक्सेप्शनल बोल सकते हैं इनको इन अहरी जल्दी में होना in a fix होना as a rule, in a cell बोलते हैं ये आपका नजदीक इसका meaning होता है keep a secret होता है have a good day, have a nice day, ऐसे करके बोलते हैं ना ये फिक्स रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कुछ लोग कर देते हैं बाय द मिस्टेक हो गया नहीं गलत हो जाएगा बाय मिस्टेक होता है बाय कार होता है ठीक है बाय बस होता है सेट ऑन फायर होता है सेट ऑन सेट फायर नहीं होता इन द फैक्ट होता है इनफेक्ट तो आपने पढ़ाई होगा इन डेप्ट होता है एट लास्ट होता है एट द लास्ट नहीं होता कुछ लोग एट द लास्ट लिख देते हैं ठीक है एट द लास्ट गलत हो जाएगा कुछ लोगों को पढ़ा दिया जाता है ना कि भैया लास्ट से पहले द आएगा लेकिन एट लास्ट जो है वो खुद अपने आप में एडव है भाई जब लास्ट को एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है तब उससे पहले द लगाते हैं एडवर्ब की तरह यूज किया जाएगा तब नहीं लगाएंगे ठीक है इन डिटेल होता है इन दी डिटेल नहीं होता समझ गए टू गिव ears होता है मतलब कान देना नहीं टू गिव ears मतलब ध्यान देना होता है इन ट्रबल होता है इन डेंजर होता है परेशानी में होना खतरे में होना दीज आर दी फ्रेजेस जो फिक्स रहते हैं कुछ होते हैं जो विदाउट आर्टिकल कुछ होते हैं जो विद आर्टिकल <coughs> बताओ कितने लोगों को यहां तक की चीजें क्लियर हुई फटाफट से बताओ चलिए भाई ए आर्टिकल खत्म हो गया आपका भाई आर्टिकल खत्म हो गया अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस ठीक है कंडीशनल सेंटेंस की कुछ बढ़िया खूबियां मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है सभी लोग सेशन को लाइक कर देना जितने भी मेरे भाई बंधुओं ने लाइक नहीं किया है और ऑफलाइन कमेंट जरूर करना आखिरी में ठीक है सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी जिसपे आपको पीडीएफ मिलने वाली है इस क्लास की इंग्लिश बाय अनिल जादौन भी टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लेना हाँ ओपन स्टडी गुरुकुल के बारे में अभी कोई पूछ रहा था उनको मैं बता दूं कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या डिफेंस का कोई एग्जाम हो या फिर अदर किसी कंपटीशन का कोई एग्जाम हो जिसमें आप लोग अगर कस्टडी में रहके पढ़ाई करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन ओपन स्टडी गुरुकुल गुरुकुलट मुखर्जी नगर मु, मुखर्जी नगर दिल्ली दिल्ली में है ठीक है हमारा गुरुकुल ओपन हो चुका है एक तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर भी हैं ठीक है ठीके? और ये सब कुछ एक ही बिल्डिंग में मिलता है कस्टडी में रहकर बच्चों को पढ़ाया जाता है ठीक है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं किसी को अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर हमारी पेड क्लासेस चलती हैं और रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है ये लाइव प्लस वी है जिसमें कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड कुछ लाइव मिलती हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है ठीक है चलो भाई कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत करते हैं ठीक है कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की बात मैं कर, करूं तो तीन चार तरह के कंडीशन होते हैं जरा एक बार ध्यान देना पहली चीज कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनके अंदर दो क्लॉजे मिलेंगे एक तो कंडीशनल क्लॉज मिलेगा एक रिजल्टेड क्लॉज मिलेगा ठीक है कंडीशनल क्लॉज एक रिजल्टेड क्लॉज कंडीशनल क्लॉज कैसे पहचानते हो इसको एक ब्रैकेट में बंद करो फिर पहचानना सीखना ठीक है जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनको पहचाना कैसे जाता है उसमें एक कंडीशनल वर्ड लगा होगा कंडीशनल वर्ड कौन कौन से होते हैं जैसे इफ हो गया वैन हो गया अनलेस हो गया अंटिल हो गया एज सुन एज हो गया सपोज हो गया सपोजिंग हो गया आफ्टर हो गया ठीक है ये सारे के सारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि ये कंडीशनल क्लॉज है ठीक है एक होता है आपका रिजल्टेड क्लॉज जिसको कॉमा के बाद लिखा जाता है मतलब उसमें रिजल्ट आता है जैसे मैंने कहा कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे तो पढ़ोगे तो ये कंडीशन होगी तब पढ़ोगे तभी, तभी पास हो पाओगे पढ़ना कंडीशन है पास होना रिजल्ट है नहीं पढ़ोगे पास नहीं हो पाओगे ठीक है तो ये दो कंडीशन होगी आ रही बात समझ में चलिए अब तीन से चार तरह के कंडीशन होते हैं यानी कि एक तो आपको ऐसा सेंटेंस दिखाई देगा जिसमें कंडीशनल सेंटेंस बनता है प्रेजेंट में ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की लगा, लगा के और उसके बाद ये तरीका होता है एक तो बनाने का एक होता है इसी का पास्ट कर दो इसी का कर दो, दो पास्ट कर दो यानी कि सेकंड फॉर्म लगा दो भैया प्रेजेंट की जगह पास्ट कर दो प्रेजेंट की जगह क्या कर दोगे पास्ट कर दोगे पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट और इसमें जो है आप पास्ट कर दोगे पास्ट ऑफ फ्यूचर ये क्या कर दोगे पास्ट ऑफ फ्यूचर यानी कि जो भी मॉडल वर्ब है इसमें आप क्या लगा दोगे इसको पास्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे क्लियर है मैं सिर्फ रूल्स को रिवाइज करा रहा हूं इसीलिए थोड़ा फोकसड होके पढ़ना भाई वरना सब कुछ ऊपर होके ऐसे करके बह जाएगा पानी की तरह आपको पता भी नहीं चलेगा अच्छा इसमें एक बात हमेशा नोट करके लिख लेना नोट करके कि जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं कंडीशनल क्लॉज जो होते हैं उनमें कभी भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करते मॉडल वर्ब यूज नहीं करते ठीक है भाई कंडीशनल क्लॉज में जो रिजल्टेड क्लॉज होता है उसी में आता है सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी बाकी कंडीशनल क्लॉज में कभी यूज नहीं करते इतना ध्यान रखना इतना क्लियर हुआ ये दोनों पार्ट क्लियर हुए अभी इनके एग्जाम्पल दूंगा तब क्लियर होगा अच्छे से अब आ जाते हैं तीसरे टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की तरफ तीसरा टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है इसमें भी आपको दो चीजें नजर आएंगी एक तो होता है रिजल्टेड क्लॉज एक होता होता है है कंडीशनल कंडीशनल क्लॉज 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 में हेड लगा रिजल्टेड दूसरा वाला होता है जो कौमा के बाद में लिखा जाता है ठीक है हाँ जैसे देखोगे कि यहां पर इफ लिखा हुआ इफ के बाद हेड प्लस वी तो ये होता है पास्ट ये वाला होता है सेंटेंस पास्ट का जिसमें हेड प्लस वी थ्री यानी कि पास्ट परफेक्ट में बनाना होता है पास्ट परफेक्ट ठीक है और एक होता है रिजल्टेड क्लॉज यानी कि कॉमा के बाद वाला क्लॉज इसमें हम लोगों को बनाना होता है वुड प्लस है थ्री ऐसे करके ठीक है ये आपका कॉन्सेप्ट होता है ध्यान देना समझ पा रहे मेरी बातों को क्या कह रहा हूं इफ वाले में ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीन सेक्शन है ठीक है जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्कड हिम दो सेंटेंस हैं वो एक सेंटेंस है उसके अंदर दो क्लॉज हैं आप दो क्लॉज कौन कौन से हैं भाई बताओ सभी लोग दो क्लॉज कौन कौन से हैं इसमें भाई मेरे ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ आपका एग्जाम है एग्जामिनेशन आपका है मेरा भी है हालांकि लेकिन मैं तो खुद पढ़ लूंगा आपको भी तो पढ़ाना होता है ठीक है तो हमारे प्रीमियम क्लासेस के सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में से भी टॉप मोस्ट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ठीक है हाँ ये एग्जाम डोज है ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है लेकिन एग्जाम डोज ऐसी है कि ये हाई डोज है जब आपका बुखार या फिर कोई ऐसी बीमार जो बीमारी जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या फिर उस पर डॉक्टर्स भी फेल होते हैं फिर वहां पर हाई डोज दी जाती है एक जिससे उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए ये वो वाली चीज है ठीक है परमानेंट सोल्यूशन तो फिर वो होम्योपैथिक दवाई लेनी पड़ती है उनसे सोल्यूशन होता है तो <laughs> मैंने ऐसा सुना है इफ वाला क्लॉज आ गया तो इफ वाले क्लॉज में क्या लगाते हैं हेड प्लस वी थ्री यहाँ पर देखोगे हेड प्लस वी थ्री लिखा हुआ है तो इसमें क्या होना चाहिए वुड है प्लस वी थ्री सब कुछ तो लिखा हुआ है सही है नो no एर इसमें कोई गलती नहीं है कोई दिक्कत नहीं आंसर है इसमें क्या हो जाएगा फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड इवनिंग मेरे भाई सभी को गुड इवनिंग नमस्ते चलो एक और होता है चौथे टाइप का कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं इमेजनरी सेंटेंसेस इनको हम कहते हैं इमेजनरी सेंटेंसेस इनको कहते हैं इमेजनरी सेंटेंसेस इमेजनरी सेंटेंस का सीधा सा फंडा है कि जो इमेजनरी पार्ट है उसमें हमें लगाना होता है वर ठीक है और जो दूसरा वाला होता है क्लॉज उसमें लगाना होता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इमेजनरी सेंटेंस में क्या लगाना होता है मेरे भाई वर लगाना होता है ठीक है हाँ और बाकी का जो पार्ट होता है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी अब एक और बात सुनना एक और बात सुनना इसमें एक चीज और आपको अलग से सीखनी होगी कि इमेजनरी सेंटेंसेस को पहचानते कैसे हैं मान लो अकेला एफ लिखा होगा या फिर एज एफ लिखा होगा या फिर एज दो लिखा होगा एज दो या फिर आई विश लिखा होगा या फिर वुड दैट लिखा होगा ठीक है ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं, ये पहचान है इसके आगे लिख लो नेट नोट करके पहचान किस चीज की पहचान है भाई पहचान है किसकी पता है ये पहचान है आपकी इमेजनरी सेंटेंसेस की ये इमेजनरी सेंटेंसेस की पहचान ये इमेजनरी सेंटेंसेस की पहचान है कि अगर इफ लगा हुआ है एज इफ लगा हुआ है एस दो लगा हुआ है आई विज लिखा हुआ है वुड दैट इसमें रियलिटी नहीं होती उसमें सिर्फ इमेजिनेशन होती है जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर अभी मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूं जैसे ये लिखा हुआ है आई विश देखो क्या लिखा हुआ है आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड पूरे बड़े से बड़े पूरा संसार है इस पूरे संसार में मैं सबसे बड़ा पैसे वाला हो जाऊं मैं चाहता हूं लेकिन चाहने से अगर सब कुछ होता तो मैं भी आज बहुत कुछ पा चुका होता ठीक है हाँ तो भाई चाहने से नहीं होता है आई विश आई वर जरूर नहीं है यहां पर इफ होगा, तभी आप वर लगाओगे आई विश ये पहचान होती है इनसे भी पहचान सकते हैं ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आफ्टर यू विल रिटर्न ये आफ्टर जो है ना इफ का ही सब्सटीट्यूट है याद रखना इफ बोलो या आफ्टर बोलो दोनों सही है इफ का ही सब्सटीट्यूट है या तो इफ बोलो या आप बोलो ठीक है लेकिन दोनों ही कंडीशनल वर्ड है इफ यू विल रिटर्न तो भाई ये तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया कंडीशनल क्लॉज में तो मॉडल वर्ब आती नहीं है आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल ये है कॉमा के बाद वाला क्लॉज कॉमा के बाद वाले क्लॉज में विल लगा सकते हैं यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ठीक है ये कौन सा पार्ट है आपको पता है ना ये वही वाला पार्ट है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कॉमा के बाद वाले में क्या लगाते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल होते हैं अगर ये चीज आपने एक बार समझ ली तो भाई साहब ऐसा बल्ले बल्ले। ही एक जो पास्ट वाला है ना वो सबसे ज्यादा खास था ये वाला जो था ना ये सबसे ज्यादा जरूरी था ये ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड प्लस वी थ्री वाला अब इसमें एक और चीज सिखाऊंगा आपको अगला क्वेश्चन बताओ इफ यू हैड टोल्ड मी मतलब इसमें इफ वाला क्लॉज आ गया जिसमें हेड प्लस वी थ्री आ गया हेड प्लस वी थ्री आ गया अब आ जाते हैं कोमा की बाद वाले में यानी कि रिजल्टेड क्लॉज में अब रिजल्टेड क्लॉज में देखो क्या लिखा हुआ है आई हैव हेल्प मतलब पूरा का पूरा सटीक है यहां पर वोडे प्लस वी थ्री यहां पर हेड प्लस वी थ्री कोई दिक्कत नो दिक्कत आर्मी क्लर्क वाले क्लास लो डेली क्लास लो चलिए भाई ये क्लियर हुआ नो एरर इसमें कोई गलती नहीं है बस मैं आपको बता रहा हूं यहां पर वुड ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ठीक है आगे चलो नेक्स्ट इफ ही इज अ मिलेर अगर वो एक millionaire होता ही वुड हेल्प तो वो मदद करता भाई एक कंडीशनल सेंटेंस तो है साथ के साथ इमेजिनरी सेंटेंस है सर आपको कैसे पता क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी रख रहा है ऐसा तो मैं भी रख दूंगा कि अगर मैं एसएससी का कमिश्नर होता तो मैं आप सबकी नौकरी लगा देता लेकिन हूं नहीं ना तो मैं क्या कर सकता हूं <laughs> अगर हूं नहीं तो क्या कर सकता हूं तो यहां पर क्या करोगे इसकी जगह वर कर दोगे भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो या उससे मतलब नहीं है सिंगुलर हो या प्लुरल हो आपको वर्ग लगाना है और ये इसलिए नहीं लगाना है कि ये प्लूरल है ये हेल्पिंग वर्ब थोड़े ना ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई और सेकंड फॉर्म सबके लिए सेम होती है समझ पा रहे ये हेल्पिंग नहीं है सो तो आप वर्ग लगा दोगे कि पे लगा है। मत कर देना देना कर चलो पहले वाले पार्ट में गलती हो जाने आप आ गया बड़ो नेक्स्ट अनलेस यू विल स्टडी हार्ड ये फिर से इफ का सब्सटीट्यूट आ गया ये कंडीशनल वर्ड है मेरे भाई कंडीशनल वर्ड है तो ऑबियसली यहाँ पर मॉडल वर्ब कैसे आ सकती है बताओ आ सकती है कि नहीं आ सकती नहीं आ सकती भाई बिल्कुल भी नहीं आ सकती अनलेस यू विल स्टडी हार्ड नहीं होगा अनलेस यू स्टडी हार्ड जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू कैन नॉट पास यहाँ पर विल का सब्स्टिट्यूट जो है आप कैन भी लगा सकते हो मे भी लगा सकते हो और सेल भी लगा सकते हो ये चारों में से कोई भी लगा सकते हो बस प्रेफर हमको हमेशा विल करना होता है ऐसे ही वुड के साथ कर सकते हैं वुड भी लगा सकते हो सुड भी लगा सकते हो कुड भी लगा सकते हो माइट भी लगा सकते हो लेकिन प्रेफरेंस हमेशा वुड को देना है जब आपके पास चारों ऑप्शन में है तो फिर वुड लगाओ ऐसे चारों ऑप्शन में है तो विल लगाओ प्रेजेंट है तो विल पास्ट है तो वुड क्लियर है मेरे भाई चलिए नेक्स्ट ही वॉक एज इफ एज इफ आ गया देखो कंडीशनल सेंटेंस ही वॉक एज इफ द अर्थ बिलोंगड टू बिलोंग टू बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है जो इमेजनरी सेंटेंसेस होते हैं इमेजनरी सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट के साथ वर भी लगा सकते हो हेड प्लस वी थ्री भी लगा सकते हो और सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो ठीक है अब सेकंड फॉर्म असल में ये सेकंड फॉर्म ही होती है असल में ये सेकंड फॉर्म ही होती है इतना ध्यान रखना है ना तो यहां पर बिलोंगड जो है ना ये भी सेकंड फॉर्म है सही है वहां पर इज थी तो इज की सेकंड फॉर्म लगाई थी पर, इज की सेकंड फॉर्म क्या होती है वर समझ पा रहे मेरी बात हाँ तो यहां पर आपने देखा कि ही वॉक एज इफ द अर्थ देखांग टू हिम वो तो ऐसे दौड़ता है ऐसे चल रहा है जो चल तो ऐसे रहा है जैसे इसी की पूरी की पूरी जमीन है ये पूरी की पूरी जायदाद इसी की है तो ऐसे नहीं करना है ठीक है आगे चलो नेक्स्ट हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव है ड यहां पर एक न्यू कॉन्सेप्ट नजर आएगा आप लोगों को यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा देखो जरा सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दोगे थोड़ी सी बातें हो गई हो तुम्हारी तो इधर देख लो एक नया कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिलेगा मान लो अगर कोई ऐसा सेंटेंस है इफ यू हैड स्टडीड ठीक है और ये आगे ऐसे लिख दिया आप इसी सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हो इंटरचेंजिबली दूसरे तरीके से आप इसमें इफ मत लगाओ आप इसमें इफ लगाओ ही मत बस इस हेल्पिंग वर्क को पहले लिख दो हैड यू एड यू स्टडीड ठीक है दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं दोनों का मीनिंग सेम है दोनों कैसे हैं भाई दोनों सेम है दोनों का मतलब भी सेम है दोनों के दोनों सेम है आ रही है बात समझ में सभी के ओ भाई फिरोज अहमद जरा देख लो भाई मेरे न्यू कॉन्सेप्ट आपको यहां से सीखने को मिला कि आप चाहो तो एक कंडीशनल सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है थीके? तो आपने देखा कि हेड जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा है थर्ड फॉर्म है कि ये हो गया, V3, तो अब आपको करना क्या है सब्जेक्ट के साथ वुड है थ्री ये लिखना है ठीक है आगे देखो यू सब्जेक्ट के साथ विल का वुड करना है वुड हैव और वी थ्री ये तो लिखा ही है तो बस तीसरे वाले पार्ट में गलती हो जाए आंसर आपका पता चली गया तीसरा हो जाएगा ठीक है मेरे भाई तो यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल एज इट इज कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं उनको लगता है उनको पता ही नहीं चल पाता है कि ये एक्चुअली एक कंडीशनल सेंटेंस का ही पार्ट है ठीक है हाँ देखो जरा समझ गए नेक्स्ट ये आपका कंडीशनल सेंटेंस फ्री हुआ अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट की तरफ मजा आने वाला भाई साहब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसमें मैं पहले आपको बता देता हूं कि एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा इसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट हमें करवाना होता है ठीक है इसके लिए एक टैगलाइन हमेशा इस्तेमाल करना जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब जैसी करनी वैसी भरनी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब बस आपके लिए जो टास्क होगा ना टास्क वो है सब्जेक्ट ढूंढना सब्जेक्ट ढूंढना ये एक टास्क होता है अगर ये आपने पहचान लिया समझ लो तुरंत आंसर टेक कर दो कि कोई बड़ी चीज होती नहीं है सर वो सीधे सीधे आ जाते हैं इधर यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बेहतरीन वाला देखो ये जो कॉन्सेप्ट है पहले एग्जाम्पल है उसके बाद कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट मैं यहां पर सिखाऊंगा एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर लिख चुका हूं ये रहा पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद एग्जाम्पल ठीक है एग्जाम्पल तो मैंने ये दोनों दे रखे हैं अब इनको सॉल्व कैसे करोगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा सा है भाई इसमें क्या मिलेगा मान लो आपको वर्व लगानी है यहां पर और वर्व हमेशा आता है सब्जेक्ट के हिसाब से भाई वर्व किसके हिसाब से आती है सब्जेक्ट के हिसाब से और मैंने कहा कि आपके लिए एक टास्क हो जाता है भाई सब्जेक्ट ढूंढना जो मेन सब्जेक्ट होता है उस मेन सब्जेक्ट को ढूंढना ही तो टास्क है अगर आप मेन सब्जेक्ट को ढूंढ पा रहे हो तो वर्व तो आराम से लगा दोगे कोई दिक्कत थोड़ी ना है तो मान लो अगर एक सब्जेक्ट है एक शब्द है तो आप आराम से तुरंत इसी के हिसाब से लगा दे तो राहुल इज ठीक है कोई बात नहीं है लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है प्रॉब्लम असली ये है कि यहाँ पर कई सारे वर्ड्स होते हैं उनमें से आपको मेन सब्जेक्ट ढूंढना होता है दिस इज दास्क तो आपको अगर सिचुएशन बताती जाऊं मैं मतलब अलग अलग सिचुएशन बताते जाऊं तो आप आराम से पहचान लोगे जैसे मैंने कहा कि यहां पर एक नाउन लिखा हुआ है नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है और उसके बाद यहां पर एक प्रपोजिशन लिखी है और उसके बाद यहां पर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको यहां पर वर्ब लगानी है तो ये वर्ब किसके हिसाब से लगाओगे ये वर्ब हमेशा ऑफ से पहले वाले ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाओगे ठीक है ये पूरा सब्जेक्ट है इसमें मेन सब्जेक्ट है ये ये होता है आपका मेन सब्जेक्ट ठीक है यही है मेन सब्जेक्ट इसी के हिसाब से आएगी ऑप से पहले वाले ऑप से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आपको आगे वब है क्लियर है मेरे भाई सिंपल सी कहानी आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आपने देखा नॉलेज ऑफ एट लीस्ट टू लैंग्वेजेस ये पूरा सब्जेक्ट है यहां से यहां तक सब्जेक्ट तो पूरा है यहां से यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये जो आर आ रहा है ना ये एक्चुअली ना तो इसके लिए आ रहा ना इसके लिए, ना इसके लिए ना इसके लिए ना इसके लिए ना इसके लिए किसी के लिए नहीं आ रहा ये आ रहा है सीधे सीधे नॉलेज के लिए क्योंकि ऑफ से पहले जो लिखा है नॉलेज नॉलेज क्या है एक अन un... नॉलेज क्या एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है तो यहां पर आर नहीं लगाना आपको क्या लगाना एजी मुझे सिखाना था इसलिए मैंने इतना डेप्थ में जाकर सिखाया है बाकी तो आपको पता ही है कि इसमें होगा क्या ठीक है भाई प्रकाश कुमार वेलकम मेरे डियर भाई दोस्त तुम लोग इसकी कद्र कर रहे हो आप अप्रीशिएट कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ठीक है भाई दोस्त हाँ देखो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ यहां पर भी एक नया कॉन्सेप्ट नजर आ जाएगा आपको जब भी किसी सेंटेंस में आपको वन ऑफ नजर आता है वही चीज है वन ऑफ के बाद नाउन जो लिखा जाएगा ये प्लुरल फॉर्म में होगा ठीक है ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और आगे जो वर्ब आएगी ये फिक्स रहेगी सिंगुलर आएगी वर्ब जो है ये फिक्स है सिंगुलर आएगी और नाउन जो है वो आपका प्लुरल आना है ठीक है मेरे भाई समझ पा रहे मेरी बात वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर देखो फिर से वही वाली बात वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर पहली बात तो ऑफ से पहले टेररिस्ट आया टेररिस्ट में भी वन तो भाई साहब वन के हिसाब से बर्वानी चाहिए आगे देखो कहाँ है ये रा आर ये जो आर है ना इसमें भी मेन सब्जेक्ट ढूंढना है आर से पहले वैली कश्मीर द ऑफ ऑफ से पहले भी टेररिस्ट में से भी एक तो आपको आर की जगह इज करना ये मास्टर कॉन्सेप्ट था ऑफ वाला समझ पा रहे हो मेरी बात जो ऑफ वाला कॉन्सेप्ट था ना वो एक मास्टर कॉन्सेप्ट था ठीक है हाँ इसको समझ के रखना भाई चलिए आगे नेक्स्ट यहां आपको एक और क्वेश्चन नजर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ऑरियंटेड कोर्सेस इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स वही चीज है सेम अगर दो सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट ये रहा बीच में ऑफ है फिर दूसरा सब्जेक्ट है ठीक है और आगे आपको वर्ब लगानी है तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब है वो ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाती है वही चीज यहां पर देख पा रहे होंगे कि द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इज दिन सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट अगर पहचानना सीख गए ना भाई मजा आ जाएगा ठीक है बीच में ऑफ लगा हुआ है इस ऑफ से कुछ नहीं करना जॉब कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस ये ये जो वर्ब है ना ये किसके लिए आ रही है इंट्रोडक्शन एक इंट्रोडक्शन जो होता है ना ये एक अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन यानी कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन है तो भाई साहब आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी और ये जो मेन वर्ब है मेन वर्ब को अगर आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो इज एस या एस लगानी पड़ेगी यानी कि अट्रैक्ट्स करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा अट्रैक्ट्स करना पड़ेगा यहां पर आपको अट्रैक्ट्स लगाना पड़ेगा क्लियर है मेरे भाई आगे बात समझ में तीसरे वाले पार्ट में गलती है इसका करेक्ट आंसर आंसर भी पता चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो आपको कॉन्सेप्ट भी नजर आ रहे हैं मुर्शिद भाई मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ मुर्शिद मुर्शिद किधर गया मुर्शिद खान आएगा वेरी गुड यहां खान आ चुके हैं सर सीपीओ में एक सौ पैंतालीस हुआ है बीस लिए तैयारी करो आपका तो सिलेक्शन हो गया अभी से, भाई कॉन्ग्रेचुलेन ठीक है ईमानदारी से पेपर देने आना बस टेन किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस यहां पर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टेन किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस एकदम सही है नो एरर अब नो एरर एर। क्यों है क्योंकि क्यों यहां पर ये जो टाइम है डिस्टेंस है और मनी है इनको आप अगर यूनिट में यूज करते हो तो भाई साहब सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं और अगर डिवाइड कर देते हो तो भाई साहब इनको प्लुरल में यूज किया जाता है मतलब अगर काम खत्म हो चुका है वर्क फिनिश्ड, तब तो आपका ये मान लो कि आप इसमें प्लुरल वर्ब लगा दोगे कि भैया ठीक है ऐसे मत समझो आप ये डिवाइड और यूनिट करके ही समझ लो इसी से आप क्लियरली समझ पाओगे दोनों तरह से यूज कर सकते हो फिलहाल इसमें इंडिकेशन दे रखा है तो इजी आना है ठीक है आगे चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं सिंटेक्स का एक सबसे सुपर फास्ट और बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट इसको समझ लेते हैं ठीक है मेरे दोस्त इस कॉन्सेप्ट को लेने के लिए मुझे थोड़ी सी जान चाहिए जान मतलब पांच घंटे होने को है तो थोड़ा सा तो हु विच और दैट हु विच और दैट इन तीनों वर्ड्स को हम कहते हैं रिलेटिव प्रणाव क्या कहते हैं इनको रिलेटिव प्रणाव ठीक है भाई अब इनकी एक कहानी सुनना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ ठीक है हुँ. ये इसके ऊपर लिख लूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं इसको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है देखो भाई ये जो लिखा हुआ है ना ये मास्टर कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना ठीक है सिंटेक्स के बेसिक ये हाईलाइट कर लेना इसको इंपॉर्टेंट वाला है इसमें बस कुछ नहीं करना देखो इसी के जैसे जो है क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ दो तीन एग्जाम्पल बस इसमें जैसे मैंने प्रोनाउन में बताया था सेम टू वही चीज है यहाँ पर बस कुछ नहीं करना इनका जो एंटीसीडेंट होता ना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना जो एंटीसीडेंट होगा यही मैटर करता है आपके रिलेटिव प्रोनाउन के लिए कि यहाँ पर हु आएगा या विच आएगा या दैट आएगा और यही मैटर करता है इन सब के बाद में जो आप वर्ब लगाते हो मतलब सिंपल सी कहानी है कि अगर अगर सिंटेक्स टॉपिक के अंदर आप हु दैट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाते हो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके और वहां पर आप वर्ब यूज करना चाहते हो सीधे सीधे टारगेट करो अपने एंटीसीडेंट को अब इसमें जो कंफ्यूजन होती है ना अपर लेवल की जो मेन्स वालों को दिक्कत होती है या फिर कुछ स्टूडेंट को कॉमन मिस्टेक होती है उनको ये हो जाता है कि वो एंटीसीडेंट तो ढूंढ लेते हैं बट एंटीसीडेंट के अंदर मेन सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाते

ये पूरा का पूरा एंटीसीडेंट है यहां से यहाँ तक अब इसमें जो ढूंढना है ना आपको मेन सब्जेक्ट ढूंढना है अब असर में देखोगे कि देखो सर ने सिखाया था सबसे पहले यहाँ पर राइटर्स देखो अब राइटर्स में से भी किसी एक की बात हो रही है सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाती है कि भैया एक के हिसाब एक से भाव लगा देता है और वो ऑलरेडी लगी हुई है नो नोवेरा टिक करके चले आओगे सारे ऑप्शन नो नोवेर ही नजर आते हैं वहां पर समझ रहे हो तो थोड़ा ध्यान लगाना कि ये कह रहा है कि वो व्यक्ति उन राइटर्स में से एक है जो जीत चुके हैं अब जो जीत चुके हैं उनमें से एक व्यक्ति हुआ तो जीते तो सब है ना जो आगे जो हैज के साथ लगा रहे रहे हो हो कॉम्प्लीमेंट दे कि भैया वो प्रशंसा जीत चुके हैं मतलब उन्होंने लोगों की प्रशंसा जो है गेन करी है तो ऐसी सिचुएशन में वो सारे के सारे राइटर्स का हक हाँ है तो यहां पर जो इसका असल एंटीसीडेंट है ना भावना में नहीं जाना है सिर्फ स्ट्रक्चरली पढ़ाई करोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे यहां पर आपको हु के बाद में जो हैज लिखा हुआ है इसको प्लुरल करना पड़ेगा क्योंकि उसका असल एंटीसीडेंट है राइटर्स ना कि उनमें से सिर्फ एक ये वन ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं स्टूडेंट ठीक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना अच्छा नीचे वाला सेंटेंस इट इट इज 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 आई आई यहां पर क्या लिखा हु टू ब्लेम ये तो मैं अभी अभी करा के आया हूं ये तो मैं अभी अभी सोल्व करा के आया हूं कि यहां पर ये जो हु है ना इसका एंटीसीडेंट है आई आई के हिसाब से यहां पर इज नहीं आना चाहिए एम आना चाहिए बात खत्म छोटा सच छोटी सी तो है छोटी बच्चों वाली हरकत है ना चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करो बताओ अगले कॉन्सेप्ट का कौन बताएगा यह बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है मास्टर कॉन्सेप्ट है भाई ऊपर टिक करोगे क्या टिक करोगे इसको मास्टर कॉन्सेप्ट मास्टर कॉन्सेप्ट यही है सबसे असली वाला और बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट पूरे सिंटेक्स टॉपिक का जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ठीक है जनरली ये पूरी की पूरी ग्रामर है भाई डेढ़ सौ घंटे की जिसको अगर आपको मैं छह सात घंटे में कवर करा रहा हूं तो सोच लो कुछ तो छूटा होगा जितना शॉर्ट होना था वो मैंने कर दिया तो अपना दिमाग मत लगाना ठीक है हाँ अपना दिमाग लगा के और शॉर्ट करके चले जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी शॉर्ट हो जाएगी फिर ठीक है हाँ तो ये कुछ कंजेंशन है और इन कंजेंशन को मैंने एड करके एक जनरल फॉर्मेट तैयार किया क्या फॉर्मेट तैयार किया कि भैया मान लो एक सब्जेक्ट यहां पर लगा हुआ है बीच में कोई कंजेंशन लगा हुआ है ठीक है और उसके बाद एक और सब्जेक्ट लिखा हुआ है फिर उसके बाद आपको वब लगानी है अब बात आती है कि सर ये कंजेंशन कहां से लाएंगे कंजेंशन आप इनमें से उठा लो नीचे जो मैंने लिख रखे ना इन्हीं में से कंजेंशन उठा लो अब इनमें से जितने भी कंजेंशन आप लगा देख रहे हो ना इनमें से कोई भी कंजेंशन अगर आपको मिल जाता है दो सब्जेक्ट के बीच में तो वही वाली बात जो ऑफ वाला कॉन्सेप्ट था ना वैसे यूज करना है आपको ये जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यूज करनी है जो कंजेंशन से पहले जैसे विद है, together with है, as well as है, along with है, and not है, है like, या फिर accompanied by, ये as well है, as है, पूरा यहां तक ठीक है ये ऐसे कंजेंशन हैं जिनके साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्व लगानी है आगे नीचे लिखना चाहो तो लिख लो वर्व जो होगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब यूज करनी है आ रही है बात समझ में एग्जाम्पल देख लो एग्जाम्पल देखना फटाफट से, से सेंटेंस, दो सेंटेंसेज हैं दोनों का आंसर करके बताओ दो सेंटेंस है दोनों का आंसर करके बताओ फटाफट से 2235 लाइक्स सभी लोग सेशन को लाइक कर दो बताओ पेशेंस क्या है एक नाउन है बीच में एक कंजेंशन लगा है एज वेल एज और उसके बाद परसिवरेंस हालांकि दोनों ही अनकाउंटेबल हैं, दोनों ही सिंगुलर हैं, तो वर्ड तो किसी के अकॉर्डिंग लगाओगे सिंगुलर ही आनी है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहां पर हो सकता है पेशेंस का पेशेंस की जगह कुछ और आ जाए परसिवरेंस की जगह कुछ और आ जाए तुम किसी और की जगह से लगा के आ जाओ तो पेशेंस भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या लगाओगे सिंगुलर वर्ब लगाओगे क्योंकि वो सिंगुलर होता है तो इज लगा दोगे इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद वाइफ देखो सिंगापुर में मेरा दोस्त और उसकी वाइफ रहते हैं मेरा दोस्त और उसकी वाइफ रहते हैं तो भाई मेरा दोस्त हो गया नहीं दोस्त नहीं है माई ब्रदर इन लॉ है ठीक है मेरा साला है सिंगापुर में रहता है और विद हिज वाइफ उसकी वाइफ तो सब्जेक्ट तो दो हो गए तो सब्जेक्ट टू और ये सब्जेक्ट वन ठीक है यहां पर जो वर है इसकी जगह क्या करना पड़ेगा आपको वॉज करना पड़ेगा क्योंकि पहले वाले सब्जेक्ट यानी कि ब्रदर इन लॉ के हिसाब से आपको वब लगानी ठीक है ब्रदर इन लॉ क्या है सिंगलोर की आ रही बात समझ में सभी को मुर्शेद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ मुर्शेद बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा वॉज होगा वाह चलो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन है द एव ये यहां से आपका नया कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है नाइनटी थर्ड नंबर पे ठीक है चलो बताओ इसका आंसर नाइनटी थर्ड जो 93 थ्री कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होगा इसमें एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जितने भी हमारे पेयर वर्ड्स होते हैं पेयर नाउंस कहते हैं या फिर पेयर वर्ड्स कह सकते हो पेयर नाउंस कहते हो जो पेयर नाउंस होते हैं इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं अब पेयर नाउन्स क्या होते हैं भाई बताओ पेयर नाउस क्या होते हैं ऐसे है? नाउन जिनको एंड से जोड़ करके एक साथ यूज किया जाता है और वो सिंगुलर का ही सेंस देते हैं जैसे यहां पर आपने लिखा है एव एंड फ्लो एव एंड फ्लो मतलब उतार चढ़ाव ऑफ टाइड मतलब जो समय का उतार चढ़ाव है ना भाई समय किसी का अच्छा आता है किसी का बुरा आता है ठीक है हाँ एव एंड फ्लो ऑफ टाइड्स आर ये आपका पेयर वर्ड है यहां से यहां तक ये आपका पेयर नाउन हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा यहां से यहां तक पेयर नाउन हो जाएगा तो जाएगा पेयर नाउन और पेयर नाउन हमेशा सिंगुलर सिंगुलर होते हैं इसीलिए यहां पर आपको आर की जगह क्या करना है इज़ करना है जैसे आपने ब्रेड एंड बटर नहीं सुना ब्रेड एंड बटर हो गया ठीक है राइस एंड करी हो गया और होते हैं बहुत सारे होते हैं जैसे हॉर्स एंड कैरीज हो गया बहुत सारे होते हैं तो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं आप लोग अपने आप समझ जाओगे ठीक है यूपीएससी है ना हाँ तो यहाँ पर ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे अभी आगे जैसे देखो ये तो मैं अभी अभी सिखा के आया हूं नॉलेज ऑफ दी एटलीस्ट टू लैंग्वेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस तो यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए एज आना चाहिए क्योंकि वही ऑफ वाला क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पर एक चाहो तो अलग से कॉन्सेप्ट लिख सकते हो न्यू कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट आप ये लिख सकते हैं कि भाई जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं अनकाउंटेबल नाउ ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं ठीक है और इनके साथ में जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है ठीक है तो यहां पर नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करोगे वाह क्या बात आप लोग बहुत अच्छे से एक्साइटेडली पढ़ाई कर रहे हो मतलब अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया ठीक है आगे देखते हैं द सेक्रेटरी हाँ यहां पर आपको एक और नया कॉन्सेप्ट मिलेगा द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल जब आप किसी नाउन से पहले मतलब दो नाउन है और दोनों से पहले अलग अलग अगर आप लोग डिटर्मिनर यूज करते हैं ठीक है मान लो दो नाउन है बीच में एंड लगा हुआ है ठीक है एक नाउन यहां पर है और उन दोनों नाउन से पहले प्रॉपर नाउन है दोनों प्रॉपर नाउन से पहले या कोई भी नाउन है अगर आप दोनों से पहले अलग अलग डिटर्मिनर लगाते हो द या फिर माई ठीक है यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब डिटर्मिनर लिख दो दोनों से पहले अगर डिटर्मिनर लिखे हुए हैं डिटर्मिनर ठीक है यहां पर भी लगा हुआ है और यहां पर भी लगा हुआ है अगर दोनों से पहले डिटर्मिनल लिखे हुए हैं तब तो ये हो जाते हैं एक और एक दो ठीक है यहां पर भी लगा हुआ है यहां पर भी लगा हुआ है तब तो ये हो जाते हैं प्लूरल ठीक है दोनों अलग अलग और अगर यहां पर एक से पहले डिटर्मिनल लगा दिया ये उल्टा बता दिया मैंने, यहां पर थोड़ा ना लगता है यहां पर लगेगा स्ट्रक्चर गलत हो गया ठीक है यहां पर लिख लेना अगर मान लो किसी सेंटेंस में दो नाउ ने ठीक है ध्यान से देखना दो नाउ ने दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है और दोनों में से किसी एक नाउन से पहले डिटर्मिनल लगा हुआ है यहां पर तो लगा हुआ है और यहां पर भी लगा हुआ है तब तो ये प्लूरल है लेकिन अगर एक से पहले लगा हुआ है यहां तो लगा हुआ है बट यहां पर नहीं लगा हुआ कि पूरा समझ में नहीं आठ ऐसे नहीं थोड़ा मजा नहीं आ रहा मैं सिंपली आपको ऐसे सिखा देता हूं। इसको समझना कोई नाउन है एक सेक्रेटरी है और एक प्रिंसिपल है इसका कोई बन ही नहीं पा रहा है तो कॉन्सेप्ट ठीक है ऐसे समझने की कोशिश करना दो नाउन है और दोनों से पहले अगर अलग अलग डिटर्मिनर दे रखे हैं जैसे सेक्रेटरी से पहले द लगा हुआ है और प्रिंसिपल से भी पहले द लगा हुआ है

द सेक्रेटरी द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज इज ऑब्लिक आर तो क्या लगाते तो ये दोनों फिर एक ही व्यक्ति हो जाता है यानी कि यहां पर डिटर्मिनट लगा हुआ है सेक्रेटरी से पहले बट प्रिंसिपल से पहले कुछ नहीं लगा हुआ इससे पहले नहीं है तो ये दोनों एक ही आदमी हो जाएंगे वन ओनली वन पर्सन कहने का मतलब अगर दोनों नाव से पहले अलग अलग डिटर्मिनट हैं तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और अगर एक से पहले डिटर्मिनर है दूसरे से पहले नहीं है तो दोनों क्या हो जाएंगे एक ही हो जाएंगे तो आपने देखा यहां पर प्रिंसिपल और कैटेगरी सेक्रेटरी दोनों अलग अलग हैं ऐसा क्वेश्चन भी एक और आ सकता है आगे जैसे ये रहा यहां पर आपने देखा एंड एंड लगा हुआ है और एंड के पहले ये जो हॉट है एक एडजेक्टिव है कोल्ड भी एक एडजेक्टिव है नाउन है स्प्रिंग दोनों से पहले अलग अलग डिटर्मिनल है तो दोनों हो जाएंगे अलग अलग यानी कि यहां पर जो वॉज लिखा हुआ है इसको आपको प्लुरल करना पड़ेगा ये हो जाएंगे अलग अलग ठीक है ये नाउन के साथ भी हो सकता है एडजेक्टिव के भी साथ हो सकता है ठीक है दोनों तरह से आ रही है बात समझ में चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 96 की तरफ चलते हैं आइदर ऑफ दी दोड्स मतलब दो रोड हैं दोनों में से कोई भी एक रोड जो है जाता है पार्क की तरफ तो ये जो आइदर है आइदर के हिसाब से लीड आ रहा है सिंगुलर हाँ सिंगुलर वर्ब आ रही है सिंगुलर वर्ब आ रही है मेरे भाई ठीक है सिंगुलर वर्ब आ रही है आइदर के हिसाब से लीड्स कर दिया बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है आगे चलो नेक्स्ट नो एर है इसका आंसर ठीक है नेक्स्ट द स्टेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड एंजाइटी देखो यहां पर आप देखोगे तो दो चीजें नजर आएंगी एक तो ऑफ से पहले वाला नाउन एक तो ऑफ से पहले वाला नाउन ठीक है आगे वर्व आनी है ये जो वर्व है वो किसके लिए आ रही है भाई नाउन के लिए आ रही है ठीक है दूसरी चीज अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्व कैसी आती है भाई सिंगुलर आती है अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है सिंगुलर आती है तो देखो स्ट्रेंज जो है पहली बात तो अनकाउंटेबल नाउन है फिर ऑफ से पहले वाला नाउन है तो जो डिफिकल्टीज है है anxieties है एंजाइटीज कुछ भी है लेकिन उसके स्ट्रेन की बात हो रही है स्ट्रेन मतलब तनाव स्ट्रेन मतलब होता है तनाव ये तनाव की बात हो रही है तो यहाँ पर जो जो आर है ना वो स्ट्रेन के लिए वर्ब आ रही है तो यहां पर आर की जगह क्या करोगे इज करोगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है बात समझ पा रहे हो मेरी हाँ भाई चलिए देखो भाई वन ऑफ माई डिजायर्स वही चीज है वन ऑफ के बाद में क्या आता है सिंगुलर वर्व आती है प्लुरल नाउन आता है मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी आगे बढ़ो फटाफट बढ़ते चलो 97 में देखोगे ईच और एवरी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखा देता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 97 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर किसी सेंटेंस में ईच और एवरी में से कोई भी एक वर्ड नजर आ जाए ठीक है ईच और एवरी के साथ आपको हमेशा ही वर्ब सिंगुलर यूज करनी होती है इतना ध्यान रखना जब भी किसी सेंटेंस में आपको बस ईच और एवरी दिख जाए उसमें वर्ब सिंगुलर लगा देना गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा ठीक है हाँ और डीप कॉन्सेप्ट तो इसका अलग होता है उसको सीखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है आपको बस इतना सीखना है कि जब भी सेंटेंस में ईच और एवरी नजर आ रहे हैं आप वर्ब सिंगुलर लगाओगे जैसे आपको ईच दिख गया ढूंढो वर्ब कहा है ये रही रिहेज सिंगुलर लगी आप क्या कर सकते हैं हाँ इसमें एक और चीज कर सकते हैं वर्ब भी सिंगुलर आती है प्रनाउन भी सिंगुलर आता है प्रनाउन भी सिंगुलर आता है ठीक है और ये जो ईच और एवरी होते हैं ना ये लिविंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं

जब भी सेंटेंस में ईच और एवरी है और उसके लिए अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं तो हिज लगाओगे ठीक है क्लियर है भाई वेल well डन आगे चलो नेक्स्ट ये आपका सब्जेक्ट एग्रीमेंट के टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुके हैं अब चाय की बारी है पिछले पांच घंटे से हमने चाय नहीं पिया चाय तक नहीं पिया तो चाय पी लेते हैं वाह क्या चाय है देखो मेरे भाई अब यहां से शुरू हो रहे हैं आपके कंजेंशन के क्वेश्चन फिर आएंगे टेंस के क्वेश्चन ठीक है चलो तो कंजेंशन के कुछ प्यारे प्यारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और किसी को भी अगर इंग्लिश का कंप्लीट बैच परचेस करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी जिसका लिंक आपका दे रखा है ठीक है आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में बाकी अगर आप एस एस एग्जामिनेशन के लिए के अलावा अगर किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्लास एकदम मास्टर क्लास साबित होगी टेंशन मत लेना चलो अब हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बचे हैं बाईस कॉन्सेप्ट मतलब लगभग एक घंटे की क्लास और आप कह सकते हैं नाइनटी एट कॉन्सेप्ट चल रहा है ठीक है इन बाईस कॉन्सेप्ट में हम दो टॉपिक कवर करेंगे एक तो कॉन्जेंशन एक टेंस के कुछ रिमेनिंग पार्ट है देखो यू मस्ट आइदर बी रेगुलर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां से सिखाने वाला हूँ ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैसे भाई जरा समझ लेते हैं अगर किसी सेंटेंस में आपको आइदर और ये पेयर कंजेंशन होते हैं नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो ठीक है नॉट ओनली बट ऑल्सो ये आपके तीन पेयर कंजेंशन होते हैं ठीक है भाई तीन पेयर कंजेंशन होते हैं इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं ना इन तीन पेयर कंजेंशन का काम ये होता था पहले कि सिर्फ बस इन पेयर कंजेंशन को याद कर लो हमारा काम बन जाता है दो तरह के कंजेंशन होते हैं एक पेयर कंजेंशन होते हैं एक वन वर्ड यानी कि डिपेंडेंट कंजेंशन बोलते हैं ठीक है वो डीप चीजें अलग हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल अपन इनको समझ लेते हैं इनके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है एक तो होती है कि आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि आयदर के साथ और आता है नादर के साथ नॉर आता है नॉट ओनली के साथ बट बटोल्सू आता है एक आता है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है वो ये समझ लेते हैं कि आयदर के साथ और आता है अच्छी बात है नादर के साथ नॉर आता है अच्छी बात है नॉट ओनली के साथ बट बटोल्सू आता है ये भी अच्छी बात है बट उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि इन सब के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना होता है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज की जाती है इज यूज इन सारे कंजेंशन के साथ आपको सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना है कैसे करना है मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं देखो जैसे मैंने कहा कि भैया यू मस्ट आइडर तुम्हें करना चाहिए जरूरी क्या करना चाहिए बी रेगुलर मतलब तुम्हें रेगुलर रहना चाहिए विद योर स्टडीज अपनी पढ़ाई के प्रति एंड एंड स्टडी फॉर लॉन्गर और पढ़ाई करनी चाहिए देखो ये भी की फर्स्ट फॉर्म है ये भी की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर आयदर जो लगा हुआ है आयदर का पेयर कंजेंशन होता है और और इसने लिख दिया है एंड तो आपको आयदर के साथ और लिखना है इसमें छोटी गलती पूछ ली फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में गलती है यानी कि आंसर हो जाएगा सेकंड ठीक है इसमें तो पूछिए बच्चों वाली गलती कि आयदर की साथ में और आता है उसने एंड लगा दिया तो छोटी सी गलती है लेकिन सेम पार्ट ऑफ स्पीच वाली ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसको जरा बताया सबसे ज्यादा तो जैसे, जैसे यहां पर देखो यू मस्ट यू मस्ट आइदर यू मस्ट आइदर आइदर के साथ में पार्ट ऑफ स्पीच में वर्व की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है यह वर्व दे रखी है ठीक है और यहां पर देखोगे आइदर के साथ और दे रखा है और के साथ में देखो एट लीस्ट एट लीस्ट मतलब ये आपका एडवर्ब दे रखा है ठीक है एडवर्ब दे रखा है हां सॉरी एडजेक्टिव यहां पर जो एट लीस्ट क्या है वो एडजेक्टिव है ठीक है ध्यान से देखना आयदर के साथ और आता है ये पेयर तो दे रखा है बट आयदर के साथ यहां वर्व दे रखी है और और के साथ में एटलीस्ट दे रखा है यानी कि एटलीस्ट क्या होता है एडजेक्टिव होता है तो हमें यहाँ तो दोनों के साथ एडजेक्टिव चाहिए दोनों के साथ वर्व चाहिए अब बाद वाले को देख करके हम पहले वाले को चेंज करते हैं इतना भी ध्यान में रखना जब यहां पर और के बगल में एडजेक्टिव है यानी कि ये कह रहा है एटलीस्ट हाफ आधा या तो मुझे आधा बता दो या पूरा बता दो यानी कि कायदे से जो आयदर है यहां से उठ करके यहां आ जाएगा तो इसके बगल में आ जाना चाहिए तो ये सेंटेंस करेक्टली ऐसे सही होगा यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी होल स्टोरी अब इस वाले पार्ट में तो ला नहीं सकते ठीक है भाई हाँ ये हो जाएगा यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट या तो मुझे पूरी सुना दो या फिर कम से कम मुझे आधा भाग तो सुनाई दो इस स्टोरी का ठीक है ऐसे करके समझ पा रहे हो बातें वेल्डन well इसमें बताओ इसमें भी सेम चीज है देखो नॉट ओनली नॉट ओनली के साथ क्या आता है बट ऑल्सो आता है नॉट ओनली के साथ क्या आएगा भाई नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है इसने सिर्फ बट बट लिखा है तो इसमें ऑल्सो आपको लगाना पड़ेगा और यहां पर भी ऑन लगा हुआ है और यहां पर भी ऑन लगा हुआ है मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सेम है बस बट ऑल्सो की जगह बट लिख दिया उसने थर्ड वाले पार्ट में गलती हो जाएगी ठीक है आगे चलो बताओ ये बहुत बढ़िया है बैकलॉग वाले भी भर सकते हैं ए, इतना मुझे ज्ञान नहीं है भाई अभी फिलहाल बैकलॉग वालों पर चर्चा नहीं मैं कर रहा देखो यहाँ पर नो, नो सुनर को हम लोग टारगेट कर लेते हैं पहली बात तो यहां पर कुछ कंजेंशन होते हैं जो आपको याद होने चाहिए जैसे नो सुनर के साथ कंजेंशन का यूज करते हैं ठीक है नो सुनर के साथ कंजेंशन का यूज करते हैं हार्डली ये भी आगे मैं सिखाऊंगा हार्डली और स्कॉसली इसके साथ वैन का यूज़ करते हैं, ठीक है ये समझ लो और इन दोनों से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है इन दोनों से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो दोनों ही इन्वर्जन लेते हैं ठीक है और इन्वर्जन आपको पता ही इन्वर्जन क्या होता है इन्वर्जन होता है को सब्जेक्ट से पहले लिख देना ये कब होगा जब सेंटेंस की शुरुआत या तो नो सुनर से हो या हार्डलीसली रेयरली वेयरली इनसे हो ठीक है अब आप देख पा रहे होंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे अभी यहां पर देखो नोविता है डिफेंस ब्लॉक है गार्गी पांचाल भी हैं बीच बीच में गायब हैं कुछ चाहत है सीम्स मा भी मतलब काफी सारे स्टूडेंट हैं जो जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से रेगुलरली क्लास को देख रहे हैं है ना मतलब थैंक यू सो मच मेरी तरफ से क्योंकि देखो मेरा काम है मैं उठ नहीं सकता यहाँ से मैं छोड़ के नहीं जा सकता तो मेरा तो चलो मजबूरी है कि मैं क्लास दे रहा हूं ठीक है मुझे तो देनी है लेकिन आप जा सकते हैं फिर भी उसके चीट नहीं कर रहे हो अपने आप को चीट नहीं कर रहे हो मतलब क्लास कंटिन्यूसली आप देख रहे हो ये मैटर करता है ये मेहनत रंग लाएगी आपकी भी नो no सूनर के साथ देन आता है और नो no सूनर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें इन्वर्जन भी बनाना होता है तो देखो इन्वर्जन आपको बनाना पड़ेगा और कंजेंशन देखोगे यहां पर टी एच ई एन लिख दिया है तो टी एच ए एन लिखना है पहली बात तो नो सुनर के साथ और दूसरी चीज ये इन्वर्जन फॉर्म में बदलना पड़ेगा यहां से हेड को हटा के इधर लिखना पड़ेगा सेंटेंस हो जाएगा क्या हेड आई नो सुनर है इस तरह से सेंटेंस करेक्ट होगा ये मत कहना कि सर ये दो दो पार्ट में गलती कैसे आएगी दो पार्ट में गलती नहीं आती किसी एक पार्ट में गलती आएगी ठीक है और इसका आंसर दोनों पार्ट में मैंने इसलिए कराया क्योंकि मैं दो चीज एक साथ सिखा रहा हूं ना मैं तो भाई सिखा रहा हूं मेरा सिखाने का काम है सिखा तो मैं में, चारों में गलती कर सकता हूं आगे देखो नेक्स्ट नो सूनर आप देखो इसमें आप तुरंत बता दो, ये है no sooner had the hockey, है क्वेश्चन यानी कि जो वो subject से पहले लिख ली स्टार्टेड बट यहां पर ये जो क्वेश्चन इसका जो कन्जेंशन है वो क्या होता है नो no सूनर के साथ में देन होता है इसने क्या लगा दिया वैन वेन तो हार्डली इसके साथ आता है ठीक है कि नहीं तो ये गलती हो जाएगी आगे चलो देखो स्कार से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है इनवर्जन बनेगा जो कि ऑलरेडी उसने बना रखा है तो इसमें तो गलती नहीं हो सकती इनवर्जन की उसने गलती नहीं पूछी आपसे डिड आई रीच ये तो ठीक लिख दिया लेकिन उसने यहां पर गलती कर दी है ये रहा तो हार्डली के देखो ये आपका वन जीरो थर्ड मतलब एक सौ तीन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में हार्डली है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले से कहा चुका था हार्डली हो गया स्कार्सली हो गया सेल्डम हो गया सिर्फ आपको हार्डली स्कास्टी के साथ में आपको वैन लगाना है ये आपके पेयर कंजेंशन होते हैं कि जब भी सेंटेंस में हार्डली स्का में से कोई भी आएगा आपको क्या लगाना पड़ेगा आर विशाल वैन लगाना पड़ेगा तो देन की जगह आप क्या कर दोगे वैन कर दोगे क्लियर है सेकंड वाले पार्ट में नीचे वाले में बताओ स्ली हैड आई अराइव्ड मतलब इनवर्जन दे दिया है ना और आगे क्या कर दिया देन लगा दिया यहां पर भी आपको क्या लगाना है वैन लगाना है ठीक है आ रही चीजें समझ में वेरी गुड अगला कॉन्सेप्ट देखो नेक्स्ट यहां पर एक और पेयर कंजेंशन आपको ध्यान रखना है अगर किसी सेंटेंस में द रीजन नजर आए द रीजन ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना या फिर द रीजन वाई या तो द रीजन आए या फिर द रीजन वाई द रीजन या फिर द रीजन वाय इन दोनों के साथ में आपको क्या लगाना है इन दोनों के साथ में कंजेंशन लगाना है दैट क्या लगाना है मेरे भाई दैट और नोट करके लिख लेना नोट करके कि इसके साथ यानी कि नो सॉरी रीजन के साथ या द रीजन वाई के साथ के साथ ना तो कभी आपको बिकॉज यूज करना है और ना ही ड्यू टू यूज करना है ठीक है नेवर यूज नहीं करते क्यों नहीं करते उसका भी रीजन बता देता हूं ना तो ड्यू टू यूज करना ना बिकॉज क्योंकि रीजन का मतलब होता है कारण और ड्यू टू का मतलब भी होता है कारण और बिकॉज का मतलब भी होता है क्योंकि तो क्योंकि मैं भी कारण होता है ड्यू टू में भी कारण होता है और रीजन में भी कारण होता है तो जब रीजन दे रखा है तो दो दो बार कारण लगाने की जरूरत नहीं है वही क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि द रीजन वाई के साथ में कंजेंशन बिकॉज नहीं आना चाहिए और उसकी जगह पर कंजेंशन दैट आना चाहिए That he was too young. The reason why he was rejected was that he was too young. कारण यह था उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था बार बार क्योंकि बहुत छोटा था यंग मतलब जवान नहीं जवान मतलब कि छोटा है उतनी एज इसकी हुई नहीं है समझ पा रहे मेरे भाइयों? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आगे बढ़ो ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन तो सबसे पहले तो कंजेंशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है कि बिटवीन के साथ बिटवीन के साथ आपको एंड लगाना है ठीक है और बोथ के साथ में भी एंड लगाना है बोथ और बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं ठीक है ठीके? और एक्स्ट्रा एक पेयर याद रखना सेल्डम इफ एवर और सोल्डम सेल्डम इफ एवर सेल्डम और नेवर ठीक है भाई ये हो गया ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई यू एंड आई असल में देखो बिटवीन के साथ में एंड तो आ गया इसमें तो कोई गड़बड़ी है नहीं है बस यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए क्योंकि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन वाला पार्ट इसमें कंप्लीटली हिट हो रहा है तो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है यू का ऑब्जेक्ट तो यू होता है बट आई का ऑब्जेक्ट यू होता है तो इसमें गलती एक्चुअली प्रोनाउन पूछ ली गई है तो इसमें तीसरे वाले पार्ट में गलती हो जाएगी इसमें कंजेंशन की गलती नहीं पूछी है ठीक है हाँ दुआ में याद रखेंगे ठीक है द पीरियड बिटवीन नाइनटीन एटी टू नाइनटीन नाइनटीन होगा एंड होता है भाई जो कॉन्सेप्ट है ये हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऊपर देखो बिटवीन के साथ में कंजेंशन आता है एंड बिटवीन के साथ कंजेंशन एंड आता है ना कि ये आता है टू अगर नाइनटीन नाइन नाइनटी एट्टी से नाइनटीन नाइनटी कर दोगे इसका मतलब हो जाएगा उन्नीस सौ अस्सी से लेकर उन्नीस सौ नब्बे तक लेकिन असल में इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये है कि उन्नीस सौ अस्सी और उन्नीस सौ नब्बे के बीच में ठीक है भाई हाँ आगे चलो एक सौ छह नंबर पर देखो इट इज नथिंग एल्स ये इंपॉर्टेंट है ये तो अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया है एस एस सी सी पी ओ एस एस सी सी पी ओ एस एस सी सी पी यू 2022, 2022 आज से पंद्रह दिन पहले नवंबर वाले एग्जाम में मैंने ये एनालिसिस भी कराया था कि नथिंग एल्स के साथ कंप्लीटली क्वेश्चन भी कराया था मेरे भाई नथिंग एल्स के साथ बट का इस्तेमाल किया जाता है नथिंग एल्स और नथिंग एक्सेप्ट के साथ बट का इस्तेमाल किया जाता है नथिंग एल्स भी हो सकता है नथिंग एक्सेप्ट भी हो सकता है ठीक है नथिंग एल्स हो या नथिंग एक्सेप्ट हो दोनों के साथ बट का इस्तेमाल किया जाता है इसने देन लगा दिया आपको क्या लगाना है बट लगाना है तीसरे वाले पार्ट में गलती हो जाएगी छुटकियों में उड़ाते चलो ऐसे क्वेश्चन को बताओ उड़ा पा रहे हो कि नहीं हाँ नेक्स्ट माई एल्डर ब्रदर आस्कड मी दैट वॉट आई वॉज डूंग यहां पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्जेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखना इसके बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल देखना सभी लोग मेरे भाई नोट करके आप लोगों को एक पॉइंट लिखना पड़ेगा क्या नो कंजेंशन नो कंजेंशन इज यूज बिफोर एच वर्ड। अगर किसी सेंटेंस में जरा ध्यान रखना ये तो आपका एक, एक स्टेटमेंट है जिसको आपको याद रखना है मैं आपको बता देता हूं अगर किसी सेंटेंस में कोई डब्ल्यू एच वर्ड है और वो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है ध्यान से सुनिएगा मान लो दो सेंटेंसिस के बीच में आ गया तो इसकी कुछ स्पेशलिटी होती है कि उस डब्ल्यू एच वर्ड से पहले कोई conjunction नहीं होना चाहिए पहली चीज दूसरी चीज ये खुद कंजेंशन का काम कर लेता है जब ये कंजेंशन का काम करेगा तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं रहा अब अब ये कंजेंशन बन गया अब इसके बाद में जो हेल्पिंग वर होती है ना वो सब्जेक्ट के बाद में लिखी जाएगी ये कई बार क्या करेगा वो हेल्पिंग वर्ग को सब्जेक्ट से पहले लिख देगा और वो सही भी लगता है सुनने में क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड के साथ वॉट आर यू डूइंग लिखा होगा तो सही लगेगा सुनने में तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो सेंटेंस है ना डब्ल्यू एच वर्ड के बाद वाला ये असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए

समझ पा रहे तो थर्ड वाले पार्ट में गलती हो जाएगी आंसर आपका तीसरा हाँ ये डायरेक्ट इन डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट है नोबिताओं को समझ में आ गया वाह चलो 108 ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प हेल्प्ड हेल्प ही पुअर ही पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग दैम फूड टू ईट एंड क्लो On many occasions we did हेल्ड हाँ ये टेंस का क्वेश्चन है जब भी मैं कहूँगी कंजेंशन तो खत्म हो गया कंजेंशन तो खत्म हो गया भाई तभी उठ पटांग सा क्वेश्चन आ गया अजीब अजीब सा यहाँ पर लिख लो भैया टेंस टॉपिक ये टेंस के क्वेश्चन हैं बाबू है ना भाई बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया ये वही टाइप का क्वेश्चन है कि टेंस का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं टेंस टॉपिक के लगभग खत्म होने वाले हैं अब ठीक है क्वेश्चन है ना 120 सौ बीस कॉन्सेप्ट खत्म होने वाले हैं बस कितने कॉन्सेप्ट बाकी हैं 112 सौ बारह 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 कॉन्सेप्ट बाकी हैं देखो जरा फटाफट से ये टेंस टॉपिक का क्वेश्चन है कभी भी अगर किसी सेंटेंस में नोट करके लिखना भाई कॉन्सेप्ट समझना यहां से कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आ रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में डू या डिड डू डज या फिर डिड ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज की जा रही हैं और इनके साथ में मेन वर्ब लगी हुई है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं क्लियर है सभी को पता होनी चाहिए ये वाली बात तो यहां पर डिड के साथ में हेल्ड कैसे आ सकता है है ना डिड के साथ हेल्ड कैसे आ सकता है भाई हेल्प होगा केवल अच्छा तो बी वाले पार्ट में गलती होगी आगे बढ़ जाओ ये रूल नंबर आ गया रूल नंबर रूल नंबर 108 कह दिया नंबर 108 चलो <laughs> बाबू खाए ना खाए या भाड़ में जाए क्या मतलब हाँ ऑल दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे ही ट्राइज टू अवॉइड इट देखना जरा ऑल दो द मैनेजर वॉज कीन टू गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे He tries to avoid it. बताना इसका आंसर कौन बताएगा सब लोग इसका आंसर बताओ सर आपकी क्लास ने तो एनर्जी भर दी हाँ भाई उस एनर्जी का फायदा उठाओ अब उस एनर्जी का फायदा उठाओ भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जितने भी लोग लगा रहे हैं उनका सही है भाई एकदम सही है फर्स्ट क्लास बस एक मिनट हाँ तुम्हें अभी कॉल कर देते हैं लोग है ना देखो भाई चलो बहुत बढ़िया बात है हाँ ऑल दो ही ट्राइड अच्छा ये सिमेट्रिक क्वेश्चन है यहां पर ध्यान रखना समरूपता वाले सवाल जो होते हैं ना समरूपता जानते सिमेट्रिक समरूपता वाले क्वेश्चन होते हैं मैं हिंदी में ही थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे आपको समझ जाए सिमेट्रिक क्वेश्चन तो मतलब सिमेट्री सेट करनी होती है कुछ क्वेश्चंस की इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है नीचे देखो लिंक लगा हुआ है ठीक है तो उसमें क्या करना होता है जैसे मान लो अगर आधा सेंटेंस पास्ट में है आधा अगर पास्ट है तो फिर पूरा पास्ट होना चाहिए आधा प्रेजेंट है तो पूरा प्रेजेंट होना चाहिए लेफ्ट टू तो राइट जनरली हम लोग चलते हैं तो आपने देखा कि ऑल मैनेजर द मैनेजर वॉज ये पास्ट है ठीक है और यहां पर आपने देखा डन ठीक है वर्क डन वॉज द वर्क डन Through सुधीर yesterday. Yesterday लगा हुआ है। है। तो 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 पर tries present में कैसे बन गया? पूरा 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 का पुरा सेंटेंस पास्ट का सेंस दे रहा ऊपर से indications भी पास्ट है, तो right भी तो भी के हैं, चलोगे, करना पड़ेगा, तो आपने पास्ट कर दिया। ठीक है मेरे भाई चलो बहुत बढ़िया थैंक यू आगे चलो नेक्स्ट 110 क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट नंबर लिखा हुआ है आर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन और एरिजोना सिंस टेन सिंस टेन ईयर्स यहां पर आपको मैं concept number 1010 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट है यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है सर सिंस और फॉर इन दोनों में से कौन सा कब इस्तेमाल किया जाता है एक सिंपल सी चीज सिखाऊंगा हमेशा याद रहेगा मुझे जैसे याद है हमेशा आपको भी याद रहेगा हमेशा इनके बाद में एक टाइम लिखा होता है ठीक है चाहे सेंस हो या फॉर इनके बाद टाइम जरूर लिखा होगा अगर उस टाइम का प्लूरल बन जाए प्लूरल बना के चेक कर लो अगर प्लूरल बन गया तब तो लगाना है आपको क्या फॉर और अगर प्लूरल ना बने इस टाइम का प्लूरल ना बने प्लूरल बना के चेक करना है प्लूरल बनाना नहीं है तो क्या लगाना है भाई तो लगाना है सिंस बस बात खत्म जैसे आपने देखा ये जो सिंस है इसके बाद में टेन ईयरस है वो ऑलरेडी प्लुरल बना हुआ रखा है यानी कि ये इसका प्लूरल बना हुआ है मान लो वन ईयर होता तब भी फॉर आता वन ईयर का प्लूरल बना के चेक करते अच्छा ईयर बन रहा है बिल्कुल सही है तो यहां पर फॉर लगाना है आपको जिस टाइम का प्लुरल बन जाता है उससे पहले फॉर जिस टाइम का प्लुरल नहीं बनता उससे पहले सिंस बात खत्म टाटा बाय बाय आगे चलो द फिफ्थ एंड फाइनल द फिफ्थ एंड फाइनल मतलब फिफ्थ और फाइनल दोनों एक ही है एक्ट ऑफ मारविथ कंटेन कंटेन कैसे हो सकता है होगा क्योंकि भैया ये पेयर हो गया पेयर मतलब पेयर तो नहीं कहेंगे मतलब मैं ये कहूंगा कि एक नाव से पहले डिटर्मिनर है दूसरे से पहले कुछ नहीं है इसका मतलब दोनों एक ही आदमी है मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सिखाया से था सेंटेक्स टॉपिक के अंदर सिंटेक्स के अंदर सिखाया कि नहीं सिखाया तो कंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीस का सही जवाब है आगे देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो फटाफट से बताओ अब ये सारे के सारे टेंस के क्वेश्चन है टेंस के ही जीरो जीरो कॉन्सेप्ट हैं मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट प्यार हो गया ना इंग्लिश से बहुत बढ़िया बात है इंग्लिश से प्यार करो खूब लव स्टोरी बनाओ अच्छी अच्छी ठीक है खूब आसकी निभाओ अपने प्यार के साथ आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मे सिंस मे अच्छा सिंस मई मई से जानता हूं हां बताओ मई से मई से मैंने उसको अब तक कई बार देख लिया है बताना इसका आंसर कौन बताएगा भाई जब भी किसी सेंटेंस में एक और बात ध्यान रखना जब भी देखो एक तो सिंस और में आपको क्या होती है प्रॉब्लम कि इन दोनों में से क्या लगाएं मान लो इन दोनों की कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो भी गई कि भैया सिंस में से क्या आएगा वो तो ठीक है बट सिंस फॉर के बाद जो टाइम लगा हुआ है इसको हम यूज कब करते हैं इसको दो तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं या तो परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन में या तो परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ठीक है भाई अब ये सेंटेंस ना तो परफेक्ट है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो यहां पर सेकंड फॉर्म लगा दी उसने तो क्या करोगे आप प्रेजेंट पास्ट uh, है तो पास्ट परफेक्ट बनाओगे पास्ट परफेक्ट बना रो हेड सीन हो जाएगा वैसे तो सेकंड फॉर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से भी कर सकते हैं आई हैव सीन हिम ऐसे भी कर सकते हैं कपल ऑफ टाइम्स क्योंकि रिसेंट पास्ट को हम परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में बना लेते हैं वो ज्यादा बढ़िया बनता है तो आई हैव सीन वैसे गलती वहां उसमें तो बस आपको गलती ढूंढनी है गलती आपको मिली गई है ए पार्ट में गलती अगर आपको परफेक्ट करेक्शन करना है तो बीन लगा देना सॉरी हैव सीन लगा देना बात आगे इसमें इस एक नया कॉन्सेप्ट नजर आएगा आप लोगों को है ना एक नया कॉन्सेप्ट नजर आएगा इस वाले क्वेश्चन में मजा आएगा जल्दी से बताओ इसका आंसर किसी को भी पता है तो जब भी सेंटेंस के अंदर मतलब अब बस खत्म होने वाला है ना बहुत अच्छे साथ दिया बस ये देखो मान लो सात कॉन्सेप्ट और रह गए फटाफट फटाफट निपटाते हैं देखो ऊपर एक कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाने वाला हूं इसके ऊपर लिख लेना इन केस ऑफ इन केस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट जब भी किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट नहीं डबल एक्शन इन केस ऑफ डबल एक्शन जब किसी सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं ना जब किसी सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं तो दो एक्शन में से एक तो बनता है परफेक्ट में ठीक है फर्स्ट एक्शन जो होता है ना फर्स्ट एक्शन और एक होता है सेकंड एक्शन लेकिन ऐसा होता कौन कौन से टेंस में ये भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा होता है या तो परफेक्ट पास्ट में होता है या तो होता है पास्ट में या फिर होता है फ्यूचर में दो एक्शन जो होते हैं या तो पास्ट वाले सेंटेंस में होते हैं फ्यूचर में होते हैं फर्स्ट एक्शन सेकेंड एक्शन तो जो फर्स्ट एक्शन होता है इसको तो बनाते हैं कैसे भाई इसको तो बनाते हैं जो पहले काम हो चुका है होता है हाँ हाँ आंसर तो आपने कह दिया हाँ हा जो पहला एक्शन होता है उसको बनाते हैं परफेक्ट में और जो दूसरा एक्शन होता है वो सिंपल सेंटेंस में बनता है ध्यान से देना जो फर्स्ट एक्शन होगा वो तो बनेगा परफेक्ट में कौन से परफेक्ट में भैया पास्ट परफेक्ट में और ये होता है सिंपल पास्ट दूसरा एक्शन बनता है सिंपल पास्ट में ऐसा ही आ जाता है फ्यूचर में फ्यूचर में क्या होता है एक तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा बनेगा सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट ठीक है भाई सिंपल प्रेजेंट में तो जरा देख लेते हैं ये कह रहा है कि गौरी ने मुझे अपना नाम बताया आफ्टर और इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं बिफोर और आफ्टर वाली ये पास्ट में ही चलती है सिर्फ एक तो होता है बिफोर ठीक है और एक होता है आफ्टर बिफोर और आफ्टर बिफोर और आफ्टर वाले में बिफोर लगा हुआ है तो बिफोर मतलब पहले मतलब हेड प्लस वी थ्री पहले लगा दो आफ्टर मतलब हेड प्लस वी थ्री बाद में लगा दो ये ट्रिक काम कर जाएगी आपकी ये सिर्फ पास्ट पास्ट में काम करती है फ्यूचर में काम नहीं करेगी ठीक है मतलब इधर सेकंड फॉर्म इधर सेकंड फॉर्म बस आपको हेड प्लस वी थ्री को टारगेट करना है बिफोर मतलब होता है पहले बिफोर मतलब होता है पहले तो मतलब पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और आफ्टर का मतलब होता है बाद में तो फिर बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी बस बात खत्म ऐसा करना है आपको ठीक है तो देखो यहां पर वैसे ट्रिक से भी कर सकते हो आफ्टर मतलब ही हेड लेफ्ट हो जाएगा और अगर कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं गौरी ने मुझे अपना नाम बताया जाने के बाद तो पहले वो चला गया उसके बाद उसने नाम बताया तो पहले चला गया चलने वाला काम पहले होगा हेड लेफ्ट पहले होगा और बोलने वाला काम बाद में होगा तो ये बाद में हो गया ये बाद में ये पहले क्लियर है सभी को बहुत बढ़िया बात है आगे चलो मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट प्रॉपर द स्टेट इट सेल्फ गुड प्रॉस्पर क्या बात है अगर हर एक स्टेट का जो व्यक्ति है वो अपने आप पे ध्यान देगा तो भैया अपनी जो स्टेट होगा वो तो वैसे समृद्ध होगी अगर आप खुद का सुधार कर लोगे तो संसार का सुधार हो जाएगा ये सत्य है बताओ भाई द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉपर प्रॉस्पर ये प्रॉपर नहीं है शायद प्रॉस्पर ही होगा इसको भी सही कर लेना है ना ये एक्चुअली प्रॉस्पर है प्रॉस्पर ठीक है प्रॉपर नहीं है। तो यहां पर आपने देखा देखो ये जो सेंटेंस है ना ये कंडीशनल सेंटेंस है जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कंडीशनल सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो होता है होता है कि नहीं होता है अब यहां पर जो प्रॉस्पर है वो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या होना चाहिए वुड होना चाहिए यस और नो जवाब दो फटाफट अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति ग्रो करेगा तो पूरा स्टेट ग्रो करेगा तो यहां पर वुड की जगह विल करना पड़ेगा ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा है जो पहला टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है ठीक है भाई चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट द पासर बाय टोल्ड अस जो पासर बाय था उसने हमसे कहा वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट वेयर वॉज द मैरिज हॉल वेयर मै वेयर वॉज देखो यहां पर ये यह जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था ठीक है कि जो वेयर है ये क्या है डब्ल्यू एच वर्ड है और डब्ल्यू एच वर्ड फिलहाल कंजेंशन का काम कर रहा है कंजेंशन के बाद असर्टिव सेंटेंस यूज किया जाता है टिव सेंटेंस मतलब ये ऑग्जिलरी वब हो गई हेल्पिंग वब और यह आपका सब्जेक्ट हो गया और असरटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऑग्जिल तो ये हो जाएगा वेयर द मैरिज हॉल मैरिज हॉल पूरा 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 मैरिज हॉल तक यहाँ तक मैरिज हॉल पूरा है सब्जेक्ट तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा वॉज वेयर द मैरिज हॉल वॉज एंड इवन लेडस और बल्कि हमें वहां तक छोड़ के भी आओ हमें बता दो कि रास्ता है है और हमें तक छोड़ भी भी दो, ठीक ये इसका हो जाएगा। हर क्वेश्चन के अंदर एक भी आपको नजर आएगा। इसमें जवाब दो, कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर फटाफट फटाफट बता दो अब तो बस लगभग क्लास खत्म होने वाली भाई सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स ने सेशन को लाइक नहीं किया है वो कर देंगे ठीक है hmm. और जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है नहीं 120 रूल्स नहीं होते रूल्स तो बहुत सारे होते हैं 120 क्लास होती है 150 तो क्लास होती है सोचो

हैड टू be कब यूज किया जाता है पहली बात तो हैड टू be और उसके बाद में लगा रहे हो फिर वर्क की फर्स्ट लगा रहे हो तो यहां पर आपको ये तब लगाना होता है जब एक तरीके से मॉडल का काम कर रहा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम और फिलहाल ये सेंटेंस जो है वो आपका है पास्ट टेंस का तो पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये ये हैड टू बी पूरा का पूरा मॉडल लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें सिर्फ आप बी वर्ग की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप इजीली आप जैसे हैड टू जो होता है जैसे है तो कंपल्सन की बात ही नहीं हो रही है पास्ट की बात ही नहीं हो रही है पास्ट के कंपल्सन की बात ही नहीं बात हो रही है कि जो यहां पर बी लिखी है इसको सेंटेंस में पास्ट फॉर्म में चेंज करना है मतलब सिंपल पास्ट में चेंज करना है तो आप सेकंड फॉर्म लगाओ बस बात खत्म ठीक है हाँ आगे बढ़े नेक्स्ट 170 है बस थोड़े से और रह गए लास्ट खत्म होने वाली भाई साहब टू आवर्स है पास्ट सिंस ही हैड फॉलन स्लीप जब से वो सोए तब तो से दो घंटे हो गए बताने इसका आंसर कौन बताएगा हाँ भाई ग्रामर में कितने रूल होते हैं लगभग ढाई सौ से तीन सौ रूल होते होंगे और ज्यादा ही होंगे भाई मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो तीन सौ चार सौ बैठेंगे बताओ भाई टू आवर्स है पास दो घंटे गुजर गए सिंस ही हैड फॉलन बताओ जल्दी 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 आंसर करो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर हाँ कुछ लोग कह रहे हैं सर हेड फालन की जगह फालन कर दो हेड हटा दो अरे भाई साहब फालन कैसे आ जाएगा फालन तो थर्ड फॉर्म है फेल आएगी है फॉल फेल फालन फालन ललाव फालन असलीफ ठीक है हाँ, तो टू सिंस, सिंस के बाद देखो यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टिक करना ठीक है इसको इंपॉर्टेंट टिक करना मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं ठीक है एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं ये शायद ही आप लोगों को कहीं पर मिले ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूं अपनी तरफ का मेरी तरफ से ये कॉन्सेप्ट है आपको ठीक है इसको संभाल के रखना यह हर जगह आपको नहीं मिलेगा सबसे पहले कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है मतलब कभी आपने देखा है कि सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो जाए प्रेजेंट प्लस पास्ट का भी सेंटेंस बन सकता है इज इट पॉसिबल यस कैसे समझ लेते हैं प्रेजेंट प्लस पास्ट में अगर कोई सेंटेंस बन सकता है तो इस तरह से बन सकता है कि सबसे पहले आपने लगा दिया has, has, कि एक तो हो गया आपका प्रेजेंट एक हिस्सा तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट एक हिस्सा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट अब आ जाता है इसके साथ एक कन्वेंशन सिंस

और फॉर कब यूज किया जाता है वो सिंस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं लेकिन कभी टेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते भाई सिंस के बाद में जब टाइम आएगा तब आप लोग हैज बिन हैव बिन लगाओगे हैज बिन हैव बिन प्लस आईएनजी लगाओगे या कुछ भी लगाओगे लेकिन मान लो सिंस और फॉर के बाद टाइम है ही नहीं है सीधे डायरेक्ट सेंटेंस लिख दिया तो अब क्या करोगे तो यहाँ पर देखोगे तो इससे पहले है प्लस वी लिखा हुआ है है ना टू आवर्स हैव पास्ड दो घंटे गुजर गए आपने देखा यहाँ पर हैड मतलब सेकंड फॉर्म आनी चाहिए उसने क्या लगा दिया हेड प्लस वीथ्री तो इस तरह से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करना है ये मैं अपने अगर आपको पढ़ना है ना टेंस पूरी तरह से तो आठ घंटे की वीडियो मैंने डाल रखी है केवल टेंस टेंस टॉपिक पे आठ घंटे की यहाँ पर 120 रूल्स पढ़ रहे हो चा, चार साढ़े चार घंटे साढ़े पाँच घंटे में वहाँ पर इसी तो, इसी में चैनल पे आप लोगों को आठ घंटे की टेंस टॉपिक की कंप्लीट वीडियो मिलेगी ठीक है वो जा करके देख लेना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आई हैव सीन हर only वंस मैं सिर्फ उसे एक ही बार मिला हूं मैंने उसको सिर्फ एक ही बार मिला हूं ठीक है बट आई एम लाइकिंग हर ए भगवान ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ब्रॉड टाइप का कंसेप्ट है इसको बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं एक होती है स्टेटिव वर्ब और एक होती है डायनेमिक वर्ब स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब कौन कौन सी होती है जरा समझ लेते हैं मेरे भाई स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब जानते हैं कौन कौन सी होती है स्टेटिव वर्ब ऐसी होती है <coughs> जैसे लव हो गया हेट हो गया ठीक है लाइक हो गया डिसलाइक हो गया ठीक है और रिमेंबर पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा रिमेंबर फॉरगेट दो चार और लिख देता हूं बाकी की मैं बोल दूंगा ओरली ठीक है हाँ इसके साथ मैं आ, सीम फील अपियर ठीक है और टेस्ट टेस्ट और स्मेल ठीक है बस इतनी समझ लो बाकी के मैं ओरली बोल देता हूं बाकी सारे इधर आ जाते हैं जैसे कि मान लो डू हो गया ठीक है राइट हो गया स्पीक हो गया ये सारी की सारी होती हैं मतलब ईटीसी लगा लेना बहुत सारी होती है ठीक है इटी सी लगा हम खुद करते हैं जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं चल रहे हैं फिर रहे हैं घूम रहे हैं मतलब ऐसे एक्शंस जिनको सब्जेक्ट खुद करता है जैसे आप हाँ बोल रहे हो तो बोलने का काम आप खुद कर रहे हो आप चल रहे हो तो चलने का काम आप खुद कर रहे हो नहा रहे हो तो नहाने का काम आप खुद कर रहे हो पीट रहे हो पिट रहे हो सब काम आप खुद कर रहे हो इसका मतलब है पिटना अलग बात होती पीटना अलग बात कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम नहीं करते हैं वो अपने आप होते हैं या तो अपने आप होते हैं या फिर कोई और कर रहा होता है बट हम नहीं कर रहे होते मतलब मेन सब्जेक्ट नहीं कर रहा होता तो ऐसी वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है इनके अलावा और भी होती हैं जैसे रिस्पेक्ट हो गया लुक हो गया हेयर हो गया ठीक है और बहुत सारी वर्ब्स होती हैं लेकिन इन वर्ब्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप कभी भी इनमें आई एनजी फॉर्म नहीं लगा सकते जितनी भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री वर्ब बोलते हैं हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा फाउंडेशन क्लासेस जितने भी लोगों ने ली होंगी तो वहां पर मैं पढ़ाता हूँ कि भैया जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनमें से जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वही स्टेटिव वर्ब होती हैं उनमें आप कभी भी आई यूज नहीं कर सकते मतलब इनको आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते ठीक है इनको कॉन्टीन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते यानी कि आई फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हाँ इसमें आप आई लगा सकते हो इनमें आप आराम से आई लगा सकते हो जैसे गोइंग डांसिंग राइटिंग स्पीकिंग डूइंग कुछ भी कर सकते हो बट लाइकिंग नहीं कर सकते आई एम लाइकिंग हर कैसे हो सकता है मैं सिर्फ उसे एक ही बार मिला हूं फिर भी मैं उसको पसंद कर रहा हूं इसका मतलब उसकी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ उसका प्यार भी टूटा फूटा है वो ऐसे झूठे आपको पसंद करने का बहाना बना रहा है उसको इंग्लिश तो आती नहीं है इतना पढ़ लेता तो कम से कम लाइकिंग तो नहीं बोलता है नहीं तो यहां पर आई से आई एन जी तो हटेगा ही साथ के साथ एम भी हट जाएगा और जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आएगी वो ऐसे कहेगा आई लाइक हो बड़े प्यार से भाई प्यार है तो प्यार की तरह से उसको ट्रीट करो है ना बट आई एम लाइकिंग नहीं आई लाइक हर ऐसे करके करना पड़ेगा प्यार है तमीज से आओ आई एम लाइकिंग मतलब जल्दबाजी में इंग्लिश टूटी फूटी बोल दी पकड़ लेगी लड़की भाई स्मार्ट हो गई लड़कियां चलो ये हो गया Clear? आगे आ जाओ एक सौ उन्नीसवा कॉन्सेप्ट आफ्टर मेकिंग मी वेट मुझे इतनी देर तक वेट करा करके फॉर टू अमेजिंग आवर्स कम से कम दो घंटे तक अमेजिंग आवर्स देखो ये से कहते हैं पॉजिटिव बंदा दो घंटे के आर्स को भी क्या कह रहा है बस खत्म होने वाला एक सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट टू डू वट टू डू आई वॉन्ट बताओ इसका आंसर कौन बताएगा ऊट पटांग सा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन जवाब देने में मजा आएगा फटाफट बताओ सभी लोग बताओ अरे यार सिंपल सी बात है हाउ कैन वी रिविजन हाउ कैन रिविजन कैसे क्या बोल रहे हो हाउ कैन रिविजन पहले इंग्लिश ग्रामर तो रिवाइज करो तुम कैन रिविजन कर रहे हो हाउ कैन रिवाइज बोला करो ठीक है रिविजन तो नाउन होता है कैन के साथ वर्ब आनी चाहिए तो पहली बात तो ये ग्रामर रिवाइज कर लो फिर उसके बाद कल सात घंटे की फिर से क्लास है वो की वो ले लेना वहाँ से रिवीजन हो जाएगा पूरी की पूरी वो कैबलरी उसी एक क्लास से, से नोनी वेंटर नहीं फंसेंगे टेंशन मत लो देखो यहाँ से आप देखोगे तो आफ्टर मेकिंग मी अवेट फॉर टू आर्स, the great man called called it means second form of the verb means की sentence हो गया past left to right चलोगे तो आगे भी past होना चाहिए इसने डू कैसे कर दिया भाई व्हाट टू डू कैसे कर दिया ये टू डू हटाओ व्हाट आई वांटेड करो past बनाना पड़ेगा सिमेट्रिक क्वेश्चन है भाई डांडिया वाला क्वेश्चन है कितने लोग समझ पा रहे हैं डांडिया मींस कोलोलेशन डांडिया कोलोकेशन सॉरी कोलोकेशन डांडिया समझ पा रहे चलो आगे बढ़ते हैं आखिरी एट दी एंड वी विल विन भाई साहब 120 कॉन्सेप्ट की कही थी 120 कॉन्सेप्ट करा दिए बताओ आठ नौ चैप्टर इसमें फिट करा दिए हमने नौ से तो दस चैप्टर कवर करा दिए नौ शायद चैप्टर है सात आठ नौ हां नौ चैप्टर को रिवाइज कराया हमने ठीक है ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे बताओ इसका आंसर कौन बताएगा देखो भाई सिंपल सी कहानी मैं बताऊं हाँ हाँ कोई बात नहीं मैं थोड़ा फोन आ गया था देखो ये कह सर हैज ईटन होगा हैज बीन ईटिंग नहीं होगा अग दो सही सोचते हो तुम लोग सिंस के बाद एस्टेड लगाए तो हैज बीन, बीन आएगा आई एन जी आएगा वो ठीक है मान लिया बट पहली बार सेकंड फॉर्म नहीं आएगा ये तो मानते हो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी ये तो मानते हो भाई फर्स्ट वाले पार्ट में गलती इतना तो मानते हो क्योंकि सिंस प्लस टाइम है तो यानी कि परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जब भी सेकंड नजर आए सेकंड फॉर्म तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज क्या करो ठीक है ही तो यूज करते हैं चलिए भाई बस इतना ही था अभी से पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया उसको देख लेना अगर आपको कोई भी डीप नॉलेज चाहिए ये थे भाई साहब आपके 120 सौ जिनको मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया पिछले कुछ कम से कम इसमें और भी हैं एक 12 भी है बाइस भी है अब बहुत हैं एक और बाइस ये दो क्वेश्चन है है ना आई हैव पास द एग्जामिनेशन टू अगो देखो देखो आई पास द एग्जामिनेशन होगा क्योंकि ये अगो लिखा हुआ है पास्ट का टेंस है ठीक है नाउ आई एम नोइंग सेम फिर से वही प्रॉब्लम ठीक है आई नाउ नो हो जाएगा क्योंकि नो भी क्या है ये आपकी स्टेटिव वर्ब है इसमें आप आई नहीं लगा सकते तो ये दो कॉन्सेप्ट और भी आपको मिल जाएंगे ठीक है चलिए थैंक यू सो मच आज की क्लास बहुत ही अमेजिंग हुई और बहुत सारा आप लोगों ने साथ दिया है बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मतलब सच बताऊं तो अब तक की मेरी बड़ी प्यारी सी क्लास हुई है बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ ये क्लास हुई है सभी लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करके जाना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा मेरे भाई अगर मेरी मेहनत आप लोगों को दिखती है तो उसका आप लोगों को इजहार भी करना है उसका रिस्पॉन्स भी देना है सभी लोग रिस्पॉन्स जरूर करेंगे और एक तरीके से ये बहुत मतलब जंग जैसे कहते हैं भाई पांच से छह घंटे सात घंटे क्लास जब भी लगाने बैठते हैं तो दिल में धक धक होती है कि भाई कैसे कट पाएगी पूरा टाइम कटेगा कि नहीं कटेगा ठीक है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे चैनल पर जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लो आपकी इंग्लिश मेरे हवाले मैं करूंगा आपकी इंग्लिश मजबूत बस मुझे थोड़ा समय और थोड़ा बहुत पैसे अगर मांगू तब ठीक है जब मुझे लगता है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा बेसिक है उसी को सजेस्ट करता हूं भाई साहब फाउंडेशन कोर्स जरूर लें जो लोग प्रैक्टिस से काम चला सकते हैं वो आराम से यूट्यूब से क्लास लें ये हमारा कोर्स है जो अभी चल रहा है एट प्रेजेंट ठीक है सीपीओ मेंस का जो है बैच आने वाला है सीजीएल मेंस के लिए और सीपीओ मेंस के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है सेशन को सभी लोग लाइक कर देना जितने भी लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों को जरूर बता देना अपने को टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है ठीक है भाई हाँ बस इतना ही था बहुत है धन्यवाद थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय बाय टेक केयर जय हिंद बहुत बहुत शुक्रिया और सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जाइएगा ठीक है जय हिंद